हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नीट 2023 के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस वन शॉट। आइए। ब्रॉड पाम विद सिंगल पाम क्रीज इज विजिबल इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द आंसर इज डाउन सिंड्रोम। आपकी बुक में एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है। द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोजोम नंबर 21। इसको हम लोग ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोजोम भी कह सकते हैं। दिस डिसऑर्डर वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लैंगडॉन डाउन, इसीलिए इसका नाम डाउन सिंड्रोम रखा गया। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर्ड, छोटी हाइट का होगा, विद स्मॉल राउंड हेड, फॉरवर्ड टंग एंड पार्शली ओपन माउथ। तो बाहर की तरफ थोड़ी सी निकली टंग होगी, पार्शली ओपन माउथ होगा। पाम इज ब्रॉड विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, पाम ब्रॉड होगा, सिंगल पाम क्रीज होगी। फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, फिजिकली और मेंटली वो रिटार्डेड डेवलपमेंट शो करेगा, पूरी तरह से विकसित नहीं होगा। पेज नंबर 92 पे चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस पे ये मेंशन है। ये देखिए, एक मैं आपको कैरियोटाइप दिखाता हूँ इंडिविजुअल का जिसमें डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है। तो 21st नंबर क्रोमोसोम की आप देख सकते हैं तीन कॉपी मिल रही है, दो कॉपी मिलनी चाहिए। हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में दो जीनोम होते हैं, 2n जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयड। तो n यहाँ पे बता रहा नंबर ऑफ जीनोम, 2 का मतलब दो जीनोम है, जीनोम का मतलब एक पूरा सेट क्रोमोसोम का। तो यहाँ पे दो सेट हैं क्रोमोसोम के, एक उसको उसके फादर से मिला, एक उसको उसकी मदर से मिला, ठीक है जी। तो ये दो सेट होते हैं, यहाँ पे दो कॉपी होनी चाहिए 21st क्रोमोसोम की, कॉपी तीन दिख रही है, तो ये ट्राइसोमी है 21st नंबर क्रोमोसोम की, जो कि आपका बना रही है क्या, डाउन सिंड्रोम, ठीक। चलिए, और ये देखिए किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा। तो फॉरवर्ड टंग होगी, ओपन माउथ होगा, राउंड हेड होगा, और जो उसकी हाइट होगी, हाइट भी रिड्यूस्ड होगी। तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है शॉर्ट स्टेचर्ड विद स्मॉल राउंड हेड, फॉरवर्ड टंग, पार्शली ओपन माउथ। ओके, ये आपका हो गया जानकारी किसके बारे में, जानकारी डाउन सिंड्रोम के बारे में। चलिए, ये तो आपका आंसर हो गया पहले वाले क्वेश्चन का, आगे चलूँ। क्वेश्चन सेज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन अ टेम्परेली इनएक्टिव स्टेट, वेयर एज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज एंजाइम एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाय हीट। सेकेंड स्टेटमेंट सेज वेन द इनिबीटर क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिकुलर स्ट्रक्चर एंड इनिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, इट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनिबीटर। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो दोनों ही ये स्टेटमेंट ठीक है, और पेज नंबर 157 से ये लिए गए हैं। पेज नंबर 157, चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल चैप्टर से ये आपका क्वेश्चन लिया गया है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर से। तो पेज नंबर 157 पे बायोमोलिक्यूल पे आप सर्च मारेंगे चैप्टर 9 पे, तो लिखा होगा ईच एंजाइम शोड इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच, कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और पीएच पे, स्पेसिफिक पीएच पे एंजाइम की एक्टिविटी हाईएस्ट होगी। एक्टिविटी डिक्लाइंस बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम लेवल, और जैसे ही ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा पे जाएंगे या कम पे जाएंगे तो एक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी। लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम इन अ टेम्पररीली इनएक्टिव स्टेट, वेयर एज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाय हीट। क्लियरली मैंशन है आपकी एनसीईआरटी में, पेज नंबर 157, चैप्टर का नाम बायोमोलिक्यूल। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 3 सेज द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर एक्सेट्रा। तो वो पार्ट है आपका लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस। ये भी आपकी एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन उठाया गया है। चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर 21, क्लास 11 बायोलॉजी, पेज नंबर 321 पे मेंशन है। द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस एक्सेट्रा फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड द लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस। लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस सच एज एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर एंड मोटिवेशन। तो पेज नंबर 321 पे ये मैंशन है। तो ये लिम्बिक सिस्टम जो बना हुआ है, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर सच एज एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस एक्सेट्रा।
तो वो बना रहा है लिम्बिक सिस्टम एंड अलॉन्ग विद हाइपोथैलेमस। लिम्बिक सिस्टम का ये काम है कि ये रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर कर रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन कर रहा है। तो केमिकल लोचा जो भी हो रहा है ब्रेन में वो लिम्बिक सिस्टम उसके लिए जिम्मेदार है। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिम्बल्स रिप्रेजेंट्स मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री को हम लोग किसको बोलते हैं? पेडिग्री जब आप फैमिली ट्री बना लें और फैमिली ट्री में आप फ्लो चार्ट में ये दिखाएं सिम्बल्स के द्वारा कि कोई भी इनहेरिटेबल डिजीज जिसका कि इनहेरिटेंस हो सकता उसकी अक्रेंस किसी फैमिली मेम्बर में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या उसका रिकॉर्ड है, कैसे हो रही है, उसको अगर आप डायग्रामेटिक या सिंबल वाइज रिप्रेजेंट करें तो उसको हम लोग बोलते हैं पेडिग्री। और पेडिग्री एनालिसिस करके हम जान सकते हैं, हम बता सकते हैं कि ट्रेट या करेक्टर, या कहिए कि ट्रेट कह लीजिए या करेक्टर कह लीजिए या डिजीज़ कह लीजिए जिसके लिए पेडिग्री बनाई है, आप पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा ये बता सकते हैं कि ये रिसेसिव ट्रेट है कि डोमिनेंट ट्रेट है। ओके, रिसेसिव ट्रेट है कि डोमिनेंट ट्रेट है, और सेक्स लिंक ट्रेट है कि ऑटोसोमल लिंक ट्रेट है, ये पेडिग्री एनालिसिस से हम लोग को पता लग सकता है। तो पेडिग्री में जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं, ये रेक्टेंगल सिंगल आपका बता रहा है किसको जी, ये रेक्टेंगल सिंगल आपको बता रहा मेल को, सर्कल ये बता रहा फीमेल को, और अगर ये सॉलिड है मतलब फिल्ड कर दिए आपने कलर से इसको, तो इसका मतलब है कि ट्रेट जो जिस ट्रेट की बात हो रही है, लक्षणों की बात हो रही है, डिजीज की बात हो रही है, वो ये इंडिविजुअल दिखा रहा। ओके, तो इंडिविजुअल्स के सिंबल हो गए, ये मेटिंग दिखा रहा बिटवीन टू इंडिविजुअल्स कि ये मेल और फीमेल के बीच में मेटिंग हुई, ये मेटिंग का रिजल्ट दिखा रहा, ये पेरेंट्स हैं, ये उसके बच्चे हैं, जहाँ से आप पेडिग्री की शुरुआत करते हो जिस कपल से उसको प्रोबेंड कहते हैं, प्रोबेंड ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो नहीं भी मेंशन है तो रहने दीजिए। और ये वाला सिंबल जो है ये सिंबल दिखा रहा मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, ठीक है जी। कहाँ पे दे रखा है? तो ये आपका पेज नंबर 88, चैप्टर आपका 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस पेज नंबर 88 पे ये देखिए अफेक्टेड इंडिविजुअल है क्योंकि सॉलिड ब्लॉक से है, सॉलिड सिंबल से है, मेटिंग दिखा रहा, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स दिखा रहा, पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो इन ऑर्डर ऑफ बर्थ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये पेरेंट्स हैं, ये उनके बच्चे जो पैदा हुए, और ये पहला बच्चा है, ये दूसरा बच्चा, इस तरह से पेडिग्री का फ्लो चार्ट बना। चलिए आगे चलें। सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप एंड सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एग्जिबिटिंग एडेप्टिव रेडिएशन। तो इसमें से करेक्ट ग्रुप हम लोग को चुनना है जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल से बना है और एडेप्टिव रेडिएशन को दिखा रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नुम्बट, स्पॉटेड कसकस, फ्लाइंग फैलेंजर, ये तीनों ही आपके ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल हैं, जबकि बाकी के में आपको ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल के अलावा मैमल्स भी मिल रहे हैं। तो ये क्या है एडेप्टिव रेडिएशन, क्या है पहले तो इसको समझ लीजिए। प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया, किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में जिसकी वेल डिफाइंड बाउंड्री हो उसमें जियोग्राफिकल एरिया में डिफरेंट स्पीसीज का इवॉल्व होना ये कॉमन एंसेस्टर से स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली, और इवॉल्व होकर वो पूरे इलाके में फैल जाए, पूरे जियोग्राफिकल एरिया में फैल जाए। प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, तो कोई भी एक ओरिजिन बिंदु से स्टार्ट होके एंड लिटरली रेडिएटिंग टू द अदर एरियाज ऑफ जियोग्राफी, पूरे ये जो हम लोग का जियोग्राफिकल एरिया पूरे एरिया में फैल जाए, इस कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। तो आपको ये पूछा जाता है कि एडेप्टिव रेडिएशन का क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है, तो डार्विन फिंचेस इज वन ऑफ द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस फिनोमेनन। उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल भी ये दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये इन्होंने ये जो ग्रुप दे रखा है ये आपका ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का, इनमें से कोई भी आप उठा लीजिए तो ये क्या दिखा रहे हैं कि इनका कॉमन एंसेस्टर था और उससे ये सब डेवलप हुए हैं किसी गिवन जियोग्राफिकल एरिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। तो ऑस्ट्रेलिया सब कॉन्टिनेंट में डेवलप हुए ये सारे के सारे मार्सुपियल, मोल, नोम्बेट, मार्सुपियल माउस, स्पॉटेड कसकस, फ्लाइंग फैलेंजर, और यही तस्मानियन टाइगर कैट। और देखिए हम लोग को जो दिया गया था, हम लोग को उसमें कौन कौन से दिए गए, हम लोग को उसमें नंबर दिया गया, स्पॉटेड कसकस दिया गया, फ्लाइंग फैलेंजर दिया गया। चलिए वापस चलिए देख लीजिए, ठीक है जी। तो आपको कौन सा चुनना है, आपको ऑप्शन 3 को चुन लेना है, ठीक है। अब इसमें जो आपको बॉब कैट, ये सेकेंड ऑप्शन में देखिए बॉब कैट आपका क्या है जी, बॉब कैट हमारा
मैमल है, इसी तरह से लीमर, लीमर आपका मैमल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो बाकी के हैं उसमें आप देखिए आपको एग्जांपल उन्होंने किसके दे रखे हैं, मैमल के दे रखे हैं। और फ्लाइंग स्क्वायरल ये चौथे वाले पांचवें, ये आपका जो चौथा ऑप्शन है इसमें भी आपको उन्होंने एक मैमल का दे रखा है एग्जांपल। तो इस वजह से हम लोग किसको चुनेंगे, ऑप्शन थ्री को चुनेंगे। ऑप्शन थ्री में तीनों ही जो दिए गए हैं ये तीनों ही क्या है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल के एग्जांपल हैं और तीनों आपको क्या दिखा रहे हैं, एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल बन रहा है। आगे चलता हूँ। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, अ प्रोटीन इज इमेजिन एज अ लाइन, द लेफ्ट रिप्रेजेंट द फर्स्ट अमीनो एसिड सी टर्मिनल एंड राइट एंड रिप्रेजेंटेड बाय लास्ट अमीनो एसिड एन टर्मिनल, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट से एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ फोर सब यूनिट, टू एल्फा टाइप एंड टू बीटा टाइप। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है और कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? स्टेटमेंट एक गलत है। हम लोग अमीनो एसिड को एक प्रोटीन को एक पॉलीपेप्टाइड चेन एक हम इमेजिन कर सकते हैं एक सीधी लाइन में, द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट अमीनो एसिड, उसके लिए एन टर्मिनल यूज़ किया जाता है, सी टर्मिनल नहीं यूज़ किया जाता, और लास्ट अमीनो एसिड राइट एंड पे होगा, द राइट एंड रिप्रेजेंटेड बाय लास्ट अमीनो एसिड और उसके लिए सी टर्मिनल यूज़ किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गड़बड़ है। और एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन जो है चार सब यूनिट है, इसमें चार पॉलीपेप्टाइड चेन है, दो अल्फा और दो आपकी बीटा। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, दो अल्फा दो बीटा वाला ये स्टेटमेंट गड़बड़ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट ए इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू, ठीक। तो ये भी आपका जो लिया गया है ये आपका बायोमोलिक्यूल चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल आपका क्लास 11 बायोलॉजी का। आगे चलते हैं। वंस द डाइजेस्टेड एंड एन अब्जॉर्ब सब्सटेंसेज एंटर द सीकम, देयर बैक फ्लो इज प्रिवेंटेड बाय। तो देखिए हम लोग अपना पहले बना लें अपनी एलिमेंट्री कैनाल और एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट ऑर्गन्स। तो ये आपका इसोफेगस है, इसोफेगस किसमें खुला, स्टमक में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर यहाँ पे, और ये आपका स्टमक का पाइलोरस, पाइलोरस किसमें खुला, ड्यूडनम में। यहाँ पे है पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये है पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये है आपका गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, और ड्यूडनम में आके खुलती है क्या, तो ड्यूडन ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट है, ड्यूडनम जेजुनम इलियम। इलियम किसमें खुल रहा है, इलियम खुल रहा है सीकम में। तो इलियम और सीकम वहाँ पे है आपको इलियोसीकल वॉल्व। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री को चुन लीजिए। यहाँ पे आपका गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, जो इसोफेगस स्टमक में आ गया भोजन उसका रिगर्गिटेशन ना हो, वापस ना हो, इसलिए यहाँ पे है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। यहाँ पे है पाइलोरिक स्फिंक्टर, स्टमक से ड्यूडनम में जहाँ पे एंट्री हो रही है पाइलोरिक स्फिंक्टर है, और हमारा इलियोसीकल वॉल्व जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट, कौन सा, इलियम। इलियम जब खुलता है लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट सीकम में, वहाँ पे आपका है इलियोसीकल वॉल्व। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इलियोसीकल वॉल्व। तो इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, इट कंसिस्ट ऑफ सीकम कोलन एंड रेक्टम, वहाँ पे है इलियोसीकल वॉल्व। गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू स्टमक, द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर, स्टमक की ओपनिंग ड्यूडेनम में, वहाँ पे है पाइलोरिक स्फिंक्टर। बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द ड्यूडेनम एज द कॉमन हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो ये आई हमारी ऊपर से क्या, बाइल डक्ट और मेन पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ इसने क्या बनाया, इन्हें बनाया हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, जो खुल रही है किस में, ड्यूडेनम में। यहाँ पे हम खुला होगा, ठीक है जी, और यहीं पे है आपका क्या, यहीं पे है आपका स्फिंक्टर ऑफ फोर्डाई। गैस्ट्रो हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट को हम लोग गैस्ट्रो पैनक्रियाटिक एम्पुलाई बोलते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे फूला सा भाग होगा और यहीं पे है आपका स्फिंक्टर ऑफ फोर्डाई। तो ये आपकी क्या ऊपर से आ रही है हमारी बाइल डक्ट, और बाइल डक्ट का मर्जर हुआ किससे, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट से, वो क्या बना दी उन्होंने, उन्होंने बना दी हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट और एम्पुला किसमें खुल रहा है, ड्यूडेनम में खुल रहा, वहीं पे है स्फिंक्टर ऑफ फोर्डाई। तो चारों स्फिंक्टर आप समझ गए कहाँ पे है। पेज नंबर 259 क्लास 11 बायोलॉजी, पेज नंबर 259 डाइजेस्टिव सिस्टम से ये क्वेश्चन था,
डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से, ठीक है जी। आगे चलता हूँ। इन विच ब्लड कार्पस्कल्स द एच आई वी अंडरगोज रेप्लीकेशन एंड प्रोड्यूसेस प्रोजीनी वायरसेस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टी सेल्स, आपकी हेल्पर टी सेल्स होती हैं, हेल्पर टी सेल्स में इनकी ये गतिविधि होती है कि एच आई वी रेप्लीकेशन करेगा और प्रोजीनी वायरसेस बनाएगा, ठीक। आइए, तो ये आपका पेज नंबर 156 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो ये आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, क्लास 12 बायोलॉजी से लिया गया है चैप्टर का नाम, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, पेज नंबर 156 पे मेंशन है, खोल के देखिएगा, पढ़िएगा। आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ पर्सन द वायरस एंटर्स इनटू मैक्रोफेजेस। बॉडी में आने के बाद मैक्रोफेजेस में एंटर हुआ, वेयर आरएनए जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लीकेट टू फॉर्म वायरल डीएनए। आरएनए जीनोम से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए के स्ट्रैंड पे डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि एचआईवी वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से आरएनए पे डीएनए बन जाता है। तो आरएनए पे स्ट्रैंड पे बन गया डीएनए, वायरल डीएनए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। दिस वायरल डीएनए गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट सेल्स डीएनए। अब ये जो डीएनए के मॉलिक्यूल बन गए, ये डीएनए किससे जुड़ जाएगा, होस्ट सेल के डीएनए से जुड़ जाएगा, एंड डायरेक्ट्स द इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल। अब इसने मशीनरी टेक ओवर कर ली, इन्हें सत्ता कब्जा ली और इन्फेक्टेड सेल्स की जो मशीनरी थी उससे अपना काम कराने लगा। क्या काम कराने लगा, वायरस पार्टिकल बनवाने लगा। द मैक्रोफेजेस कंटिन्यू टू प्रोडक्ट वायरस, प्रोड्यूस वायरस, मैक्रोफेजेस लगातार वायरस बना रहे हैं, एंड इन दिस वे एक्ट एज अ एच आई वी फैक्ट्री। तो एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो गई जिसका प्रोडक्ट क्या है, वायरस है। साइमल्टेनियसली द एच आई वी एंटर्स इन टू हेल्पर टी सेल्स। अब ये किस में एंटर हो गया, अब ये हेल्पर टी सेल्स में एंटर हो गया, ठीक है। रेप्लीकेट्स, वहाँ अपनी रेप्लिका बनाएगा, अपनी प्रतिलिपि बनाएगा, एंड प्रोड्यूसेस प्रोजीनी वायरस, और वायरस अपने बच्चे पैदा कर देगा, ठीक है। यही आपसे पूछा गया था। तो अब यहाँ पे अगर मैक्रोफेजेस दिया होता तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी, लेकिन मैक्रोफेजेस दिया नहीं हुआ, उन्होंने ईओसिनोफिल, हेल्पर टी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल दिया है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हमारा आंसर हो जाएगा हेल्पर टी सेल्स, ठीक है जी। साफ साफ देखिए लिखा है, एच आई वी एंटर्स इन टू हेल्पर टी सेल्स, रेप्लीकेट्स एंड प्रोड्यूस प्रोजीनी वायरसेस, ओके। तो ये पेज नंबर 156 क्लास 12 बायोलॉजी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से क्वेश्चन था, तो आपका सॉल्व हो गया। आगे चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस इज कम्प्लीटली क्योरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। तो आपकी बुक में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कई सारी डिजीजेस दी हुई हैं, जिनमें से मेंशन कर रखा है कि कौन सी, ज़्यादातर उसमें लिखा है कि ज़्यादातर इनमें से अर्ली स्टेज पे अगर डायग्नोस हो जाए, प्रॉपरली ट्रीट हो जाए तो क्योरेबल है, लेकिन तीन डिजीजेज हैं ऐसी वो मेंशन कर रखी हैं जो उसने बोला है कि ये एक बार हो गई तो इनका कोई क्योर नहीं है, जिसमें एचआईवी इन्फेक्शन है, जेनिटल हर्पीज है और हेपेटाइटिस बी है, ठीक है। ये तीनों डिजीज जो है इनका कोई क्योर नहीं है। आइए, तो गोनोरिया जो है, गोनोरिया हो जाएगी आपकी, ट्रीट हो जाएगी। इन्फेक्शन और डिजीजेस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एसटीडी या एसटीआई, या इसी को हम लोग बोल रहे हैं वेनेरियल डिजीजेस और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, ये कैसे हो रहे हैं, इनका जो तरीका है रूट एंटर होने का बॉडी में वो थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स है, इसलिए इनको हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बोल रहे हैं। तो पेज 62 क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर का नाम रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर 4, गनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीस, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वॉर्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एंड ऑफकोर्स द मोस्ट डिस्कस इन्फेक्शन इन द रिसेंट ईयर एचआईवी लीडिंग टू एड्स आर सम ऑफ द कॉमन एसटीआई एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज और एच आई वी इन्फेक्शन। अदर डिजीजेज आर कम्प्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। तो अदर जितनी भी हैं, गनोरिया हो गई, सिफिलिस हो गई, क्लेमाइडियासिस हो गई, ट्राइकोमोनियासिस हो गई, ये सारी की सारी ट्रीटेबल है, क्योरेबल है, लेकिन हर्पीज, जेनिटल हर्पीज ट्रीटेबल नहीं है, वॉट्स ट्रीटेबल है, और आपका हेपेटाइटिस बी, ये भी आपका इनक्योरेबल है, इसका कोई क्योर नहीं है, हर्पीज का कोई क्योर नहीं है, और एचआईवी का कोई क्योर नहीं है। ये तीन डिजीजेज हैं जिनका कि कोई क्योर नहीं है, ठीक है। तो ये पेज नंबर 62 रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 4 से लिया गया क्वेश्चन। आगे चलिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, कह रहा जी नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं।
इन प्रोकैरियोट्स द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए, पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता डीएनए, नेगेटिवली चार्ज होता है सब नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, वो प्रोटीन्स है पॉलीअमीन्स और वो भी आपकी पॉजिटिव चार्ज है। डीएनए नेगेटिव चार्ज है और ये प्रोटीन्स पॉजिटिव चार्ज है इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियॉइड। तो न्यूक्लियॉइड तो ठीक दे रखा रीजन, डीएनए जहाँ पे है वहाँ उस रीजन को हम लोग न्यूक्लियॉइड बोलते हैं प्रोकैरियोट्स में, लेकिन डीएनए उनका भी नेगेटिव चार्ज है और जिन प्रोटीन्स के चारों तरफ ये लिपटा हुआ है वो पॉलीएमीन्स हैं और वो पॉजिटिव चार्ज होती हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट गड़बड़ है। इन यूकैरियोट्स द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर बिल्कुल ठीक बात है, 8 हिस्टोन के प्रोटीन के मॉलिक्यूल बना रहे हैं हिस्टोन ऑक्टामर, जिसमें 2 मॉलिक्यूल हैं H2A के, 2 मॉलिक्यूल हैं H2B के, 2 मॉलिक्यूल हैं H3 के, 2 मॉलिक्यूल हैं H4 के। H1 बाहर से सीलर की तरह काम करता है, H1 ऑक्टामर में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारा निगेटिवली चार्ज प्रोटीन जो डीएनए का मॉलिक्यूल है इस पर लिपट जाता है और न्यूक्लियोसोम ये कहलाएगा ऑक्टामर अलॉन्ग विद रैप डीएनए अराउंड इट, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम जो कि आपकी इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है डीएनए के पैकेजिंग की, और ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग प्रकार का आपको दिखता है, ये धागे में मनके की तरह दिखाई देता है न्यूक्लियोसोम। ये सारी बातें न्यूक्लियोसोम से रिलेटेड आपसे पूछी जाती हैं। तो हिस्टोन ऑक्टामर बन गया, डीएनए नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट मॉइटी, फॉस्फेट ग्रुप होने की वजह से डीएनए नेगेटिव चार्ज है। हिस्टोन में चलिए आइए, हिस्टोन प्रोटीन्स में आपको हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगी। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, आपको चुन लेना है ऑप्शन ए। आइए तो पेज नंबर 129 द यूनिट ऑफ लाइफ, वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड मिल जाएगी जानकारी। आगे चलता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट पार्ट नहीं है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्ट है, पेरोक्सिसोम पार्ट नहीं है, ठीक है, नॉट कंसीडर्ड। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया पार्ट नहीं है, क्लोरोप्लास्ट पार्ट नहीं है, पेरोक्सिसोम पार्ट नहीं है, ए सी ई ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल। Since the function of the mitochondria, chloroplasts and peroxisomes are not coordinated with the above components, these are not considered as parts of endomembrane system. Page number 133 पे cell the unit of life आपके chapter से लिया गया है, class 11 biology से cell the unit of life से chapter 8 आपका उससे ये लिया गया है क्वेश्चन, और पेज नंबर 133 पे मेंशन है। तो उसने शुरुआत करी है कि भाई एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनिल हैं जो कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, मिलजुल के काम को परफॉर्म कर रहे हैं इंडियन टीम की तरह, कि कोई उसमें बॉलर है, कोई उसमें फील्डर है, कोई उसमें बैट्समैन है, मिलजुल के एक काम जो करते हैं, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। चार सेल ऑर्गेनिल हैं आपके जो पार्टिसिपेट करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के कंपोनेंट हैं, कौन कौन से जी हैं आपके, वो आपके हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल। ये चारों को आपको याद रखना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, ये चार एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है। माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम उसके पार्ट नहीं है, क्योंकि इनका फंक्शन अलग है, ये अलग अपना स्वतंत्र काम कर रहे हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन अ सेल, आंसर है मोटिलिटी। कहाँ पे मेंशन है, पेज नंबर 136, चैप्टर का नाम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे मेंशन है, क्लास 11 बायोलॉजी से लिया गया है, ठीक है जी। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर 8 से, एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट प्रोटीनस फिलामेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रेफर्ड एज टू साइटोप्लाज्म, साइटोस्केल्टन। साइटोस्केल्टन बोल रहे हैं हम लोग फिलामेंटस प्रोटीनस स्ट्रक्चर, जो किसके बने हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के, माइक्रोफिलामेंट्स के और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बने हैं। द साइटोस्केल्टन इन अ सेल आर इन्वॉल्व्ड इन मैनी फंक्शंस सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटेलिटी। तो ये आपके ऑप्शन में दे रखा है मोटेलिटी, आपको मोटेलिटी को टिक लगा लेना है, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल, ओके। आगे चलता हूँ, तो ये आपका क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर का नाम सेल। द क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1 सेज लिगामेंट्स आर डेंस इररेगुलर टिश्यू, एंड स्टेटमेंट नंबर 2 सेज कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यू।
इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हैं। हमारा आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ऑप्शन थ्री। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो एनिमल टिश्यूज पे आइए सबसे पहले। एनिमल टिश्यूज चार तरह के हैं मेनली, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं आपके जो यहाँ पे डिस्कस किए गए, कार्टिलेज और हम लोग का वहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है लिगामेंट के बारे में दिया गया स्टेटमेंट और कार्टिलेज के बारे में दिया गया, ठीक है जी। तो देखिए ये आपके दोनों ही आ रहे हैं किसमें, कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली आपकी बुक एनसीईआरटी कह रही तीन तरह के हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। तो कार्टिलेज आपका स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में आ रहा है। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग फिर बांट सकते हैं स्केल्टल और फ्लूइड में। स्केल्टल में आपके कार्टिलेज और बोन, और फ्लूइड में आपके ब्लड और लिम्फ, ठीक है। अब नीचे कार्टिलेज के टाइप दे रखे हैं, खैर उसको भी आप बाईपास करिए, उस पर ना फोकस करिए। आपने क्या फोकस करना, एनिमल टिश्यू बेसिकली चार तरह के हैं, कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उसमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है, तो यही चार तरह के टिश्यू से बनी होगी उसकी बॉडी। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। कनेक्टिव टिश्यू क्या कनेक्ट कर रहा, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करने का काम कर रहा। तो कनेक्टिव टिश्यू फर्दर तीन तरह का है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू तीन तरह का हो गया हमारा, हम लोगों ने बोला लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। में ये डिपेंड करता है कंपोनेंट्स की किस तरह की ओरिएंटेशन है और ऑर्गेनाइजेशन है, उस हिसाब पे ये लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू में आपको क्या मिलेगा, कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट, जिसको आप कह सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट मिलेंगे, सेल्स मिलेंगे, फाइबर्स मिलेंगे और मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस मिलेगा, मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस कह लीजिए। ये तीन से बना हुआ है कनेक्टिव टिश्यू। अब सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स का किस हिसाब से उसमें अरेंजमेंट है, उस हिसाब से इसको बना दिया गया है लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस। लूज कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स जो है लूजली अरेंज है और डेंस वो डेंसली पैक्ड है। अब डेंसली पैक्ड में उनका अगर एक रेगुलर आपको ओरिएंटेशन देखने को मिल रहा है, रेगुलर पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो वो डेंस में डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर की कैटेगरी में आएंगे। डेंस रेगुलर में रेगुलर पैटर्न देखने को मिलेगा, डेंस इरेगुलर में इरेगुलर पैटर्न देखने को मिलेगा, ओके। तो एनिमल टिश्यू चार तरह के, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर आप बांट दीजिए लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू ये जो बांटा गया है, ये जो इसमें सब डिविजन किया गया, कैटेगराइज किया गया, डिपेंड करता है कि फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स किस तरह से अरेंज है। अगर तो वो लूजली पैक्ड है, लूजली अरेंज है लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंसली पैक्ड है, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर आप सब कैटेगराइज कर दीजिए डेंस रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर में ये फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर एक रेगुलर पैटर्न दिखाएंगे और डेंस इरेगुलर में वो इरेगुलरली अरेंज होंगे। तो हमारे ये जो लिगामेंट और टेंडन है, ये एग्जाम्पल किसके हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के, ठीक है जी। मसल का बोन पे इंसर्शन टेंडन के रूप में होता है, लिगामेंट दो बोन्स को कनेक्ट करता। तो ये हो गया हमारा आंसर क्या है जी, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। पेज नंबर 105 क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, वहाँ पे आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड दीज आर लूजली अरेंज इन लूज कनेक्टिव टिश्यू। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर शोज अ रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न, रेगुलर पैटर्न दिखा सकता है या आपको इरेगुलर पैटर्न दिखा सकता है। तो जिसमें रेगुलर पैटर्न दिखा रहा वो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहला रहा, और जिसमें इरेगुलर पैटर्न दिखा रहा वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहला रहा। इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। टेंडन विच अटैच स्केलेटल मसल टू बोन एंड लिगामेंट विच अटैच वन बोन टू अनदर बोन वो कहलाएगा लिगामेंट। टेंडन आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यू, टेंडन और लिगामेंट इसके एग्जाम्पल हैं डेंस रेगुलर के, ठीक है जी। टेंडन मसल का इंसर्शन बोन पे टेंडन के रूप में होता है, तो मसल और बोन को कनेक्ट कर रहा है, एक तरह से आप ये आइडिया डेवलप कर लीजिए, मसल और बोन टेंडन कनेक्ट कर रहा है और लिगामेंट दो बोन के बीच में कनेक्टिव टिश्यू का काम कर रहा है। आइए आगे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग स्केलेटल मसल्स, तो क्या कह रहा है,
मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिकल. फेसिकल नहीं, वो फेशिया होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और मसल फाइबर इज आ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन. ये स्टेटमेंट ठीक है. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलर मसल फाइबर के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत बड़ी मात्रा में कैल्शियम आयन मिलते हैं. स्टेटेड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन. ये स्टेटमेंट भी ठीक है. एक्टिन और मायोसिन के जो हमारा ये जो पैरेलली अरेंज है उसमें जहाँ जहाँ आपको केवल एक्टिन की प्रेजेंस मिल रही है वो आपको लाइट बैंड बना रहा है, आई बैंड बना रहा है, और मायोसिन जहाँ जहाँ है वो डार्क बैंड बना रहा है. एम लाइन इज कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन कॉल सार्कोमियर. ये गलत बात है. दो जेड लाइन के बीच का जो एरिया है, दो जेड लाइन के बीच का जो हिस्सा है उसको आप कहिए कि वो सार्कोमियर बना रहा, और वही कॉन्ट्रेक्शन की हमारे फंक्शनल यूनिट है. तो स्टेटमेंट ए और डी गड़बड़ है. हमसे पूछा गया सही, तो बी और सी सही है. आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन थ्री पे आ जाइए. ऑप्शन थ्री को अवेल कर लीजिए. तो कह रही है आपकी बुक, कह रही है पेज नंबर 304 पे, क्लास 11 बायोलॉजी, चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट, पेज नंबर 304. ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल इन अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल ऑफ फेसिकल्स हेल्ड टुगेदर बाय कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेशिया. द स्टेटेड अपीयरेंस इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन. ये स्टेटमेंट करेक्ट. द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन. दो जेड लाइन के बीच का जो पोर्शन है उसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एज फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन एंड इज कॉल्ड सार्कोमियर, और उसको सार्कोमियर कहते हैं. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन. तो हम लोग की मियोसिस फर्स्ट में, मियोसिस आप जानते हैं दो फेज में होती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस टू. मियोसिस फर्स्ट में आपको प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, और आपकी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज मिलेगी. प्रोफेज फर्स्ट को फर्दर आप बांट रहे हैं किसमें? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस. तो लेप्टोटीन पहली सब स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट की. इसमें टेट्राड फॉर्मेशन नहीं होता, कॉम्पैक्शन होना चालू होता है और क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्ट होते चले जाते हैं. अगली स्टेज में जाइगोटीन में ये साइनेप्सिस करेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम, और वहाँ पर टेट्राड फॉर्मेशन होगा. लेकिन क्लियरली सीन किस में होगा? क्लियरली सीन होगा आपको नेक्स्ट स्टेज में, पैकेटीन में. ठीक है जी, ये आपकी बुक में दे रखा है. तो ये स्टेटमेंट तो आपका गड़बड़ है. ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट. अब ये स्टेटमेंट आपका सेंट्रोमियर स्प्लिट और एनाफेज वन या टू मेंशन नहीं कर रहा. माइटोसिस मान लीजिए, तो माइटोसिस में एनाफेज में सेंट्रोमियर अभी इस पे अटैच है हमारा ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल, और रेप्लिकेट जो हुआ दूसरा मॉलिक्यूल भी सेंट्रोमियर पे अटैच है. तो ये एक दोनों ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिन है. एनाफेज में ये सेंट्रोमियर बीच से स्प्लिट होता है और हाफ ऑफ द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम दैट इज क्रोमेटिड गोज टू, ये अपनी साइड की तरफ चला जाएगा और ये अपनी साइड की तरफ चला जाएगा, और ये फ्यूचर की डॉटर सेल के क्रोमोसोम हो जाएंगे. तो ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड क्रोमेटिड सेपरेट, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. टर्नलाइजेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग पैकेटीन, ये बात गलत है. टर्नलाइजेशन किस में हुआ है? डायकाइनेसिस में हुआ है टर्नलाइजेशन. तो टर्नलाइजेशन जो कह रहा है ये वो होता है डायकाइनेसिस. ये देखिए पेज नंबर 167 क्लास 11 बायोलॉजी, चैप्टर है आपका सेल साइकिल और सेल डिवीजन, वहाँ पे सब मेंशन है, उससे आप पढ़ सकते हैं सारा. वहीं का मैंने यहाँ से लैंग्वेज उठाई है. न्यूक्लियोलस गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिफॉर्म ड्यूरिंग टेलोफेज. ये स्टेटमेंट ठीक है. न्यूक्लियोलस का रिफॉर्मेशन हो जाता है, गोल्जी बॉडी भी दोबारा बन जाती है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जो डिसमेंटल हो गए थे दोबारा वो असेंबल हो जाते हैं और टेलोफेज में इनका रिफॉर्म्ड हो जाते हैं. ये स्टेटमेंट ठीक है. तो ये स्टेटमेंट गड़बड़ था, ये स्टेटमेंट ठीक था, ये स्टेटमेंट गड़बड़ था. आगे देखिए, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. सिस्टर क्रोमेटिड नहीं, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये क्रोमेटिन मान लीजिए ए, इसको हम कह देते हैं बी. ए और बी एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिन है, इसको सी और डी कह दीजिए. सी और डी एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिन है, लेकिन बी और सी एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिन है. तो क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. तो ये स्टेटमेंट भी गड़बड़ है. स्टेटमेंट कौन से ठीक हैं आपके? बी और डी. आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. ड्यूरिंग एनाफेज बी ठीक है, न्यूक्लियोलस बी और डी ठीक है. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट बी. क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, तो सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्या? बी और डी रहा ऑप्शन.
हमारा हो गया बी और डी ऑप्शन हो गया तीसरा। ओके चलिए आगे चले। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स ड्यूरिंग जी जीरो फेज ऑफ सेल साइकिल, सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, गलत स्टेटमेंट है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। द सेंट्रोमियर अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज, तो सेंट्रोसोम आपको किस में मिल रहा है, एनिमल सेल में मिल रहा है, और सेंट्रियोल जो हमारे दो सेंट्रियोल परपेंडिकुलर टू ईच अदर है वो बना रहे हैं सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन एस फेज में हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड टू इज करेक्ट, आपको ऑप्शन एक को चुन लेना चाहिए। कहाँ पे दे रखा है आपकी बुक में, पेज नंबर 164 पे सेल साइकिल और सेल डिवीजन से दे रखा है। सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट Z1 फेज, तो आप देखेंगे कि सेल साइकिल में आपको दो फेज देखने को मिल रहे हैं बेसिकली, इंटरफेज, इंटरफेज को फर्दर बांट दीजिए GS और G2 में, और आपका M फेज को आप बांट सकते हैं कैरियोकाइनेसिस में और साइटोकाइनेसिस में, और अल्टीमेटली दो डॉटर सेल बन जाएंगी। सेल साइकिल में G1 में एंटर होने के बाद सेल डिसाइड करती कि करना क्या है, मुझे शुड आई कंटिन्यू करें कि एग्जिट मार जाएँ, G0 में एंटर हो जाए, और या कुछ देर यहाँ रुक के आराम करें, सोच लें, समझ लें क्या करना है। ठीक है, तो ये वही चीज़ हो गई कि बच्चे ने नीट दिया, नीट देने के बाद 7 तारीख को नीट दिया, आज 17 को डिसाइड कर रहा है कि भैया इस बार होता तो नहीं लग रहा, क्या मैं फिर से उस प्रोसेस में लूप में एंटर हो जाऊँ, फिर से तैयारी करूँ, या अभी कुछ दिन रुकता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ क्या करना है, या अब मुझे नहीं करना, बाहर हो जाऊँ। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, सेल भी वही कर रही। इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग एस फेज DNA रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म, तो एनिमल सेल में आपको क्या मिलेगा, सेंट्रोसोम मिलेगा, सेंट्रियोल मिलेगा, जो कि डुप्लीकेट होगा एस फेज में ही, जब DNA डुप्लीकेट होता उसी दौरान इनका भी डुप्लीकेशन होता एस फेज में। गिवन बिलो आर स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एजर्शन, अदर इज लेबल्ड एज रीजन। नेफ्रॉन्स आर ऑफ टू टाइप, कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी, बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजिशन, बिल्कुल ठीक बात है, अपनी पोजिशन के हिसाब से उनको कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी बोला गया है। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, ये बात गलत है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले लॉन्ग है, डिप करता है कॉर्टेक्स के मेडुला के बिल्कुल डेप्थ तक। ठीक है, और जो हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उनका लूप ऑफ हेनले छोटा है, वो केवल थोड़ा सा हिस्सा उसका डिप मारेगा मेडुलरी रीजन में और वापस आ जाएगा। आइए, इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। आइए इसके बारे में देखें, तो आपको नेफ्रॉन बेसिकली दो तरह के मिल रहा है, कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है उनकी सिचुएशन जो है वो कॉर्टेक्स में है हमारे ग्लोमेरुलस की। ठीक है, ये देखिए कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस जो है वो आउटर कॉर्टेक्स या मिड कॉर्टेक्स में है, जबकि ये जो हमारा जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है इसका ग्लोमेरुलस जो है वो एकदम बॉर्डर पे है, एक तरह से ये आपका कॉर्टेक्स और ये मेडुला। ठीक है, तो कॉर्टेक्स की डेप्थ में जाके और मेडुला की बिगनिंग में है, कॉर्टेक्स में ही, कॉर्टिकल रीजन में ही है इसका भी ग्लोमेरुलस, लेकिन ये जो बॉमेन कैप्सूल है, बॉमेन कैप्सूल ये बॉर्डर पे है एक तरह से। तो जक्स्टा का मतलब होता है नियर बाय या बिल्कुल नज़दीक, बगल में, तो ये आपका देखिए जक्स्टा मेडुलरी, इसको इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेडुला की शुरुआत तो वहीं पर ही है, कॉर्टिकल एरिया में ही है लेकिन बिल्कुल बगल में है मेडुला के। इसका लूप ऑफ हेनले देखिए, इसका लूप ऑफ हेनले लंबा है और डेप्थ तक जा रहा है मेडुला के, जबकि इसका लूप ऑफ हेनले शॉर्ट है। ठीक है, यही आपसे पूछा गया, और ये जो इनका नामकरण किया गया है जक्स्टा मेडुलरी और कॉर्टिकल नेफ्रॉन, उसका बेसिस क्या है, रिलेटिव पोजीशन है। ठीक, तो वही आप आंसर हो गया आपका। इन मेजोरिटी, आपकी बुक क्या कह रही है, आपकी बुक कह रही है मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन कैसे हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन कैटेगरी वाले, द लूप ऑफ हेनले शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू मेडुला, सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन, इन सम ऑफ द अदर नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग एंड रन्स डीप टू द मेडुला। ठीक है, ये आपकी बुक कह रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। थोड़ा सा और देख लेते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन का आप देख लीजिए, अगर डिफरेंस आपको पढ़ना हो तो ये आप यहाँ से मेरा स्क्रीनशॉट लेके इसको कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपनी
एनसीईआरटी में दे आर अबाउट 15%। जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन केवल 15% है, मेजोरिटी कैसे हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन 85% है। देयर ग्लोमेरुलाई लाई क्लोज टू द इनर मार्जिन ऑफ कॉर्टेक्स। तो इनर मार्जिन ऑफ कॉर्टेक्स पे बिल्कुल मेडुला के बगल में इनका ग्लोमेरुलस होता है। देयर ग्लोमेरुलाई लाई इन द आउटर कॉर्टेक्स, लार्जर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। लूप ऑफ हेनले वेरी लॉन्ग एक्सटेंडिंग डीप इन टू द मेडुला, लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली लिटिल इन टू मेडुला। दे कंट्रोल प्लाज्मा वॉल्यूम व्हेन सप्लाई इज शॉर्ट, वाटर सप्लाई। प्लाज्मा वॉल्यूम को तब ये प्ले में आ जाएंगे जब आप वाटर इनटेक कम कर रहे हो। दे कंट्रोल प्लाज्मा वॉल्यूम व्हेन वाटर सप्लाई इज नॉर्मल। तो ये थोड़ी सी बातें अगर आप याद रखना चाहो तो याद रख लीजिए और आइए अब हम लोग आगे चलें। तो ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का। तो ये बेटा इस तरह से जो मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन पेपर सॉल्व, इससे आप ये समझ जाएंगे कि अगर मेरे लेक्चर आप देखोगे तो आपको किस लेवल का आपको मिलने जा रहा है कहिए कि मटेरियल, ठीक है, एक आइडिया लग जाता है। चलिए आगे चले। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एजम्प्शन एंड अदर इज रीजन। एमनियोसिंथेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज फॉर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, बिल्कुल गलत बात है। स्ट्रेटजीज जो आपको बनाई गई है, स्ट्रेटजीज किस लिए, कि भाई स्ट्रेटजीज कि हमारी कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेन कर सकें सोसाइटी में, उसके लिए गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट की जो तरीके हैं, रणनीति है, स्ट्रेटजीज हैं, उसमें एमनियोसिंथेसिस सेक्स डिटर्मिनेशन स्ट्रेटजी नहीं है। बैन ऑन एमनियोसिंथेसिस चेक्स इंक्रीजिंग मेनास ऑफ फीमेल फिटिसाइड, ये बात ठीक है कि फीमेल फिटिसाइड का जो अभिशाप है उसको हम लोगों ने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है कि बैन किया हमने एमनियोसिंथेसिस को। एमनियोसिंथेसिस से आप सेक्स डिटर्मिनेशन, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, मतलब गर्भ अवस्था में ही सेक्स का लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। कैसे, बार बॉडी को आप देखेंगे, अगर प्रेजेंस ऑफ बार बॉडी दिखी तब आप समझ जाएंगे प्रेजेंस ऑफ बार बॉडी इस चीज़ का इंडिकेटिव है कि फीमेल फीटस है, और एब्सेंस ऑफ बार बॉडी मेल फीटस है। अब ये बार बॉडी क्या है और कैसे, एमनियोसिंथेसिस में हम क्या करते हैं, एमनियोटिक कैविटी से निकालते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होगा, फीटस की कुछ सेल्स होंगी, उन सेल्स से हम डीएनए निकालेंगे, डीएनए का कैरियोटाइपिंग करेंगे, कैरियोटाइपिंग से आपको क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बेंडिंग पैटर्न सब पता लग जाएगा, और उसमें आपके सेक्स क्रोमोसोम भी पता लग जाएंगे। अगर तो बार बॉडी है, बार बॉडी इंडिकेटिव है कि एक एक्स्ट्रा एक्स है, दो एक्स, दो एक्स का मतलब फीमेल है, और बार बॉडी नहीं है इसका मतलब एक्स एक ही है, एक्स ए की इसका मतलब मेल फीटस है। तो बैन कर दिया गया है एमनियोसिंथेसिस को इंडियन गवर्नमेंट ने फीमेल फिटिसाइड को रोकने के लिए। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, कि हमारा आंसर है ये गलत है ये सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ओके चलिए आगे। तो कहाँ दे रखा है, चैप्टर 58 सॉरी चैप्टर 4 पेज 58 क्लास 12 बायोलॉजी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आपको ये क्वेश्चन लिया गया है, वहाँ पे आपको इसके बारे में और डिटेल मिल सकती है, लिखा हुआ है यहाँ पे। आगे चलिए। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एंड विद रेफरेंस टू कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल सॉलिड एंड डबल नर्व कॉर्ड, बिल्कुल गलत बात है। प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल हॉलो एंड सिंगल नर्व कॉर्ड, ये स्टेटमेंट गड़बड़ है। प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक बात है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कॉर्डेट्स में। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक बात है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स मिलेंगी। प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हार्ट, डॉर्सल नहीं वेंट्रल साइड पे हार्ट है, ये स्टेटमेंट गड़बड़ है। प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हार्ट, ये स्टेटमेंट गड़बड़। फिर आपसे पूछा गया ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोसिलोमेट एनिमल्स, हम लोग कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं लेकिन सीलोमेट एनिमल्स हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गड़बड़ है, ठीक है जी। अब स्टेटमेंट कौन से सही हैं, बी और सी, आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताने थे, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका तीसरा, ठीक। मिड डॉर्सल तो ठीक है, सॉलिड नहीं है, हॉलो है और सिंगल नर्व कॉर्ड है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक, ये भी ठीक। पेरियड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हार्ट, डॉर्सल हार्ट नहीं, हम लोग का हार्ट किधर है, वेंट्रल साइड पे है। आगे चलते हैं, तो पेज नंबर 56 चैप्टर 4 एनिमल किंगडम से ये लिया गया है ये आपका क्वेश्चन, तो इसको कर लीजिए आप एनिमल किंगडम।
टेबल 4.1 पे इसके बारे में डिटेल जानकारी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है जी। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस थायराइड कंट्रोल करता है। रेगुलेशन ऑफ बेसा मेटाबॉलिक रेट थायराइड करता है। नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल ये कौन करता है, मिलेटोनिन। कौन सीक्रेट करता है, पीनियल बॉडी। डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, थाइमोसिन रिलीज बाय थाइमस। सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, बिल्कुल ठीक बात है। ये स्टेटमेंट ठीक, ये ठीक, ये ठीक। तो हमसे पूछा गया करेक्ट, हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट कौन कौन से है, नॉट अंडर द कंट्रोल। तो नॉट अंडर द कंट्रोल क्या होगा, अंडर द कंट्रोल नहीं है, अंडर द कंट्रोल नहीं है हमारा। नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल नहीं है और डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी एंड डी, ऑप्शन 4 सी एंड डी, ठीक है। उन्होंने पूछा नॉट अंडर कंट्रोल, यानी पूछा कि अंडर कंट्रोल क्या क्या। तो थायराइड हार्मोन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बीएमआर, ठीक। आल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, ठीक। कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, मेटाबॉलिज्म में भी रोल प्ले कर रहा है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी थायराइड हार्मोन उसको भी इफेक्ट करता है। थायराइड ग्लैंड्स आल्सो सिक्रीट अ प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड थाइमोकैल्सिटोनिन व्हिच रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल। ये बात भी याद रख लीजिए, थाइमस ऑर्गन है इम्यून सिस्टम का, हमारी बॉडी में जो हार्मोन रिलीज करता है थाइमोसिन, दैट्स हेल्पिंग द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी इम्यून सिस्टम। तो चैप्टर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से ये लिया गया है। मिलेटोनिन हार्मोन को हम लोग स्लीप हार्मोन बताते हैं क्योंकि ये स्लीप को प्रमोट करता है। मैक्सिमम इसकी कंसंट्रेशन कब होगी, मिडनाइट में होगी, तब आप गहरी नींद में होते हैं, मिनिमम ड्यूरिंग नून होगी। हार्मोन कंट्रोल स्लीप वेक साइकिल को यही कंट्रोल करता है। मूड हमारा, ओवेरियन साइकिल, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट आल्सो अपोजेस FSH एंड LH हार्मोन, ये आपके लिए नई तरह की जानकारी होगी, लिखना चाहें तो लिख लें वरना अवॉइड माने। और पीनियल ग्लैंड्स हम लोग की मैन में कैल्सीफाई होने लगती है एट अबाउट प्यूबर्टी। सच कैल्शियम डिपॉजिट्स आर कॉल्ड ग्रेन सैंड, आपने नहीं सुन रखा होगा, टेंशन ना लीजिए, रहने दीजिए, काम आपका इतने से चलेगा। तो पेज नंबर 335 पे ये आपको मिल जाएगा, चैप्टर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन। चलिए आगे चलें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑन करस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड इफ द सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए, बेटा बिल्कुल सीधी सी बात है, मैसेंजर आरएनए पे जो सीक्वेंस है, समझिए ए जी यू सी, वही सीक्वेंस आपकी सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आपको किस पे मिलेगी, कोडिंग स्ट्रैंड पे। हालांकि मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस किस पे हुआ, टेम्पलेट पे, लेकिन कोडिंग स्ट्रैंड के कोड इस पे आते हैं, बिल्कुल उसी की ये कार्बन कॉपी है, रेप्लिका है, इसीलिए इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। फर्क केवल इतना है जहाँ जहाँ यू है, यूरेसिल है मैसेंजर आरएनए में, उसकी जगह पे आपका थाइमिन आ जाएगा, एडिनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन ATCG। तो ये हो जाएगा AGUCTC, ठीक है, AGTC ये हो जाएगा आपका। तो आपको क्या AUCGUA, तो हमारा आंसर हो जाएगा ATCG, ये वाला। पोलैरिटी भी वही रहेगी, फिफ्थ प्राइम एंड टू थर्ड प्राइम एंड पोलैरिटी भी सेम रहेगी, पोलैरिटी को भी ध्यान में दीजिएगा, पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। तो ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है जी। ये लिया गया है पॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से, पेज नंबर 90 से। हाँ जी, क्वेश्चन है विच माइक्रो न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो मैग्नीज होता है ये, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मैग्नीज। कहाँ दे रखा है आपकी बुक में, साफ साफ दे रखा है, पेज नंबर 198 चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशन। मैग्नीज को जहाँ उन्होंने डिफाइन किया, इट इज अब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेसाइन, एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। द बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आंसर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंगल लाइनर क्वेश्चन था आपका। अनइक्वोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय, किसने इसको साइंटिफिकली प्रूव किया निर्विवाद रूप से कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता, तो एल्फर्ड हर्शी मासाचेज ने इनको प्रूव किया था। आपका आंसर हो जाएगा एल्फर्ड हर्शी मासाचेज।
तो पेज आपका चैप्टर 5 मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ पे साफ साफ मेंशन है द नीड इक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज इन 1952। दे वर्क विद वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। ठीक, सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन बिकॉज सेलुलोज क्या है, पॉलीमर है, होमोपॉलीमर है, एक ही तरह का उसका मोनोमर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये बीटा ग्लूकोज से बना हुआ और सिंगल लाइनर एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन हो रहा है इसका, और बीटा 14 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड इसमें मिलेगा आपको, बीटा 14 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। क्योंकि इसमें आपको क्या नहीं मिल रहा, इसमें आपको हेलिक्स नहीं मिल रहा है, इसलिए ये होल्ड नहीं करता है आयोडीन को, तो आयोडीन के साथ रिएक्शन नहीं दिखाएगा। जबकि स्टार्च में क्योंकि हेलिसिस मिल रहे हैं, वो आयोडीन को होल्ड कर देता, ब्लू कलर देता, लेकिन सेलुलोज कोई कलर नहीं देगा। स्टार्च फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इनफैक्ट स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल इन द हेलिकल पोर्शन, द स्टार्च आयोडीन इज ब्लू इन कलर। स्टार्च आयोडीन जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये 12 नहीं है बेटा, I2 है, I2। स्टार्च आयोडीन इज ब्लू इन कलर। सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसिस एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन, तो ये आपको कलरेशन नहीं दे रहा, सेलुलोज कोई कलर नहीं देता आयोडीन को होल्ड करने में, बिकॉज ये इसका जो मॉलिक्यूल है स्ट्रेट लाइनर है। तो पेज नंबर 148 चैप्टर 9 बायोमॉलिक्यूल से क्वेश्चन लिया गया, वहाँ आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। रिएक्शन सेंटर इन PS2 हैज एन अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट, तो ये आपकी बुक में साफ साफ दे रखा है, पेज नंबर 211 चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इज हायर प्लांट फोटोसिस्टम 1 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल हैज एब्जॉर्प्शन पीक एट 700 नैनोमीटर हेंस इज कॉल्ड P700 व्हाइल इन PS2 फोटोसिस्टम 2 इट हैज रिएक्शन सेंटर की एब्जॉर्प्शन पीक क्या है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट 680 नैनोमीटर एंड इट इज एंड हेंस इज कॉल्ड P680 तो P680 इसका आंसर हो जाएगा। फिनोमिनन ऑफ प्लियोट्रोपिज्म रेफर्स टू, तो प्लियोट्रोपिज्म हम लोग टर्म यूज करते हैं व्हेन सिंगल जीन अफेक्ट्स मोर देन वन फिनोटिपिक कैरेक्टर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, अ सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन दैट इज कॉल्ड प्लियोट्रोपिज्म और सच जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रोपिक जीन। तो इसकी वर्किंग कैसे है, वी हैव सो फार सीन द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन अ सिंगल फिनोटाइप पोर्ट्रेट, तो जब आपको पढ़ाया गया आपको ये बताया गया सिंगल जीन कंट्रोल्स वन कैरेक्टर, एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा। देयर आर हाउएवर इंस्टांसेस वेयर अ सिंगल जीन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन सच अ जीन इज कॉल्ड अ प्लियोट्रोपिक जीन, तो इस तरह का जीन प्लियोट्रोपिक जीन कहलाता। द अंडरलाइन मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रोपी इन मोस्ट केसेज इज द इफेक्ट ऑफ जीन ऑन अ मेटाबॉलिक पाथवे, तो ज़्यादातर केस में आप देखेंगे प्लियोट्रोपिक जीन जो होगा वो मेटाबॉलिक पाथवे पे काम कर रहा होगा। मेटाबॉलिक पाथवे हम किसको बोलते हैं भाई, जब एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, मानिए ये सबस्ट्रेट है, रिएक्शन कंप्लीट हुआ और ये प्रोडक्ट में बदल गया, ये प्रोडक्ट अगले केमिकल रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट का काम करे तो उसको हम लोग मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। जैसे कि आपको ग्लाइकोलिसिस में देखिए मेटाबॉलिक पाथवे आपको पता लग जाएगा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1-6 डाइफॉस्फेट, उसके बाद आपका डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरीडाइड फॉस्फेट, फिर नीचे चलते चलिए। तो मेटाबॉलिक पाथवे में मानिए ए का कन्वर्जन बी में एक एंजाइम करा रहा और बी का कन्वर्जन सी में एक दूसरा एंजाइम करा रहा और सी का कन्वर्जन डी में एक और कोई एंजाइम करवा रहा, ठीक है जी। अगर ये एंजाइम नहीं बना, ये एंजाइम नहीं बना तो ए का बी में कन्वर्जन नहीं होगा। अब ए का बी में कन्वर्जन ही नहीं हुआ तो सी कैसे जनरेट होगा और डी कैसे जनरेट होगा, तो मल्टीपल इफेक्ट आ जाएंगे, इसकी कमी की वजह से, इसकी कमी की वजह से, इसकी कमी की वजह से मल्टीपल इफेक्ट आ जाएंगे। तो प्लियोट्रोपिक जीन जो होता है ज़्यादातर वो ऐसा जीन है जो किसी मेटाबॉलिक पाथवे में किसी केमिकल रिएक्शन पे काम करता, ठीक है। द अंडरलाइन मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रोपी इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज द इफेक्ट ऑफ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे विच कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स डिफरेंट फिनोटाइप, ठीक है। आइए अब हम लोग इसका देख लें, जो टिपिकल आपको एग्जांपल ह्यूमन बीइंग में देखने को मिलता है वो आपका फिनाइल कीटोनूरिया है, क्लासिकल एग्जांपल है फिनाइल कीटोनूरिया। तो इसमें क्या हुआ, म्यूटेशन हो गया जीन में दैट कोड्स फॉर द एंजाइम फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज,
क्रोमोसोम नंबर 12 पे ये जीन है, इसमें म्यूटेशन हो गया तो फिनाइल एनानिन हाइड्रोक्सिलेज बन नहीं रहा, तो फिनाइल एनानिन का कन्वर्जन टायरोसिन में नहीं होगा, टायरोसिन नहीं बनेगा तो आगे डोपा नहीं बनेगा, डोपामिन नहीं बनेगा, मिलेनिन नहीं बनेगा, थायरोक्सिन नहीं बनेगा, मल्टीपल इफेक्ट आ जाएंगे। ठीक, तो आपकी बुक में पेज नंबर 85 पे चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस से क्वेश्चन लिया गया। देखिए हो क्या रहा, फिनाइल एनानिन का कन्वर्जन करवा रहा टायरोसिन में फिनाइल एनानिन हाइड्रोक्सिलेज, वो जीन सिचुएटेड है क्रोमोसोम नंबर 12 पे, उस जीन में हो गया म्यूटेशन तो फिनाइल एनानिन हाइड्रोक्सिलेज बना नहीं, फिनाइल एनानिन हाइड्रोक्सिलेज बना नहीं तो फिनाइल एनानिन का कन्वर्जन टायरोसिन में नहीं हो रहा, टायरोसिन का कन्वर्जन थायरोक्सिन में हो रहा, थायरोक्सिन आप जानते हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किस लिए, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्मल मेंटल फैकल्टीज के लिए, तो अगर थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी हो गई तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी क्यों हो गई, क्योंकि टायरोसिन ही बॉडी में नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्योंकि फिनाइल एनानिन का मेटाबॉलिज्म ये पाथवे ब्लॉक हो गया, टायरोसिन नहीं बना तो टायरोसिन का कन्वर्जन डोपा में हो रहा, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज के द्वारा, जब टायरोसिन ही नहीं बना तो डोपा कहाँ से बनेगा, डोपा नहीं बना तो डोपामिन नहीं बना, और डोपा का कन्वर्जन मिलेनिन में भी हो रहा टायरोसिनेज के द्वारा, तो डोपा नहीं बना तो मिलेनिन नहीं बनेगा, मिलेनिन नहीं बना तो आपकी स्किन पिगमेंटेशन उस बंदे की कैसी हो जाएगी, इफेक्टेड हो जाएगी, हेयर ग्रे हो जाएंगे, मल्टीपल इफेक्ट आ गए कि वो मेंटली भी रिटार्डेड है, उसकी स्किन भी लाइट पिगमेंटेशन की है, हेयर ग्रे है, तो ये आपका एग्जांपल हो गया। ठीक है जी, ये आपका फिनाइल कीटोनूरिया के बारे में जानकारी होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन टू मैप देयर पोजिशन ऑन क्रोमोसोम वॉज फर्स्ट यूज बाय, किन्होंने बताया था इसको, इसको बताया था एल्फर्ड स्टूटमेंट ने, मॉर्गन के शिष्य एल्फर्ड स्टूटमेंट ने। ठीक, मॉर्गन स्टूडेंट एल्फर्ड स्टूटमेंट यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स एंड मैप देयर पोजिशन ऑन द क्रोमोसोम। तो ए और बी दो जीन्स हैं, इनके बीच में 20% आपके रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये 20 मैप यूनिट पे ये जीन्स एक दूसरे से सिचुएट जी। क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एजर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनिमा। तो किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में आप देखोगे दो फेज एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती हैं, गैमेटोफाइट स्टेज और स्पोरोफाइट स्टेज। ठीक है जी, गैमेटोफाइट स्टेज जो है गैमेट प्रोड्यूसिंग और स्पोरोफाइट स्टेज है स्पोर प्रोड्यूसिंग। स्पोर किस में बनेंगे, स्पोरोफिल में स्पोर बनेंगे, इनसाइड स्पोरोफिल। स्पोरोफिल में क्या होगा, स्पोर मदर सेल होगी, स्पोर मदर सेल 2N होगी, उसमें होगा मियोसिस, मियोसिस डिवीजन से हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे, ये स्पोर्स जर्मिनेट होके बनाते हैं गैमेटोफाइट। अब स्पोर्स एक ही तरह के तो होमोस्पोरस और एक ही तरह का गैमेटोफाइट, स्पोर दो तरह के हैं तो हीट्रोस्पोरस, माइक्रोस्पोर मैक्रोस्पोर, मैक्रोस्पोर डेवलप होके मेल गैमेटोफाइट बनाएगा और मैक्रोस्पोर डेवलप होके फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेगा गैमेट। गैमेट कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, गैमेट के सिन गैमी से मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनेगा डिप्लॉयड हमारा जाइगोट और डिप्लॉयड जाइगोट डेवलप इसमें होगा स्पोरोफाइट में। ये होती है लाइफ साइकिल किसी प्लांट की। तो एक तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट को आप समझ लीजिए, गैमेटोफाइट वो प्लांट बॉडी जो गैमेट प्रोड्यूस कर रही है, गैमेट कहाँ प्रोड्यूस होंगे, इनसाइड गैमेटेंजिया गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन में, और स्पोरोफाइट वो प्लांट बॉडी जो स्पोर प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिएगा। तो मॉस की लाइफ साइकिल में आप देखोगे स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट पे, वहीं पे स्टेब्लिश हो जाता है गैमेटोफाइट के ऊपर और फूड सीटा कैप्सूल। तो कैप्सूल के अंदर क्या है, कैप्सूल के अंदर है आपके स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोर मदर सेल, उसमें हुआ मियोसिस और ये कैप्सूल में स्पोर्स, स्पोर्स का हुआ डिस्पर्जल और स्पोर्स जर्मिनेट होकर फर्स्ट स्टेज गैमेटोफाइट की बना रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट स्टेज गैमेटोफाइट लाइफ साइकिल ऑफ मॉस प्रोटोनिमा, क्योंकि प्रोटोनिमा डेवलप किससे हो रहा है, डायरेक्टली डेवलप हो रहा है स्पोर से जो कि प्रोड्यूस हुए कैप्सूल में। तो एजर्शन भी ठीक, रीजन भी ठीक और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन की, तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस इज द गैमेटोफाइट स्टेज विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज। द फर्स्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनिमा स्टेज,
which develops directly from a spore. It is creeping, green, branched and frequently filamentous. The second stage is leafy stage, which develops from the secondary protonema as a lateral bud. They consist of upright cylinder axis. They are attached to the soil through multicellular and branch rhizoid. This stage bears sex organ. तो ये कहाँ से लिया गया है, पेज नंबर 36 प्लांट किंगडम से चैप्टर 3 से, ठीक है। तो दोनों ही एवर्शन रीजन ठीक है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस इन भैया इंटरफेस की कौन सी, G1S और G2 एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, आपकी बुक में साफ साफ दे रखा है। इसको सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं और अगर एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी इसी फेज में होता है। तो G1 फेज करस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट डीएनए। एस फेज में एस फेज और सिंथेसिस फेज मार्क द पीरियड ड्यूरिंग विच द डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। ड्यूरिंग दिस टाइम एस फेज में द डीएनए अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, तो सेल का डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर वही रहेगा। तो एन बता रहा है आपको नंबर ऑफ जीनोम और सी बता रहा है कंटेंट ऑफ डीएनए कंटेंट कितना है। तो अगर एन की वैल्यू 1 है, सिंगल जीनोम कंटेनिंग हैप्लॉइड सेल है, तो जितना भी अमाउंट डीएनए का इस समय सेल में है पिकोग्राम में, सेल में डीएनए का अमाउंट जो पिकोग्राम में बताया जाता है वो जितना भी है वो उसकी 1C वैल्यू बता रहा। तो 1N अगर हैप्लॉइड सेल है और अगर डिप्लॉइड सेल है तो 2N, भैया 2N है मानो उसके क्रोमोसोम नंबर 46 ह्यूमन सेल है, तो एस फेज के बाद ये 2N ही रहेगा। ये बात अलग है कि अब इसका डीएनए कंटेंट 2C की जगह 4C हो गया, डबल हो गया, ठीक है। 10 आम थे एक एक किलो के, वो 10 ही आम रहेंगे, 2-2 किलो के हो जाएंगे। इन द इक्वेशन GRP - GPP - RNPP, GPP इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, NPP इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। R क्या है, रेस्पिरेटरी लॉस है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं ग्रीन प्लांट्स, वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो जितना भी वो प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया कर रहे हैं पर यूनिट मास, वो है उसकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब उसमें से जितना भी बनाया आपने, 100 रुपये कमाए लेकिन 20 रुपये खर्च कर दिए, तो बचत कितनी, 80 रुपये। जितना भी उन्होंने बनाया ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ उनको भी तो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो बर्न कर देंगे, कुछ उसका कंजम्पशन कर लेंगे, तो वो है रेस्पिरेटरी लॉस, और जो बचा वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बायोमास ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यूनिट पीरियड में यूनिट एरिया में जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ प्लांट्स के द्वारा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो हो गया हमारा क्या, प्राइमरी प्रोडक्टिव ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इट इज एक्सपर्ड इन टर्म्स ऑफ वेट ग्राम और एनर्जी किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर ईयर पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, जब आप इसको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से जब हम इसका डिडक्ट कर देंगे किसको, रेस्पिरेटरी लॉस को, जो उसने यूज कर लिया प्लांट ने अपने खुद के लिए। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो यूनिट टाइम आपका ईयर हो सकता है, पर यूनिट एरिया मीटर स्क्वायर, तो इसको आप ग्राम में बता सकते हो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, और किलो कैलोरी में बता सकते हो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, वो हो जाएगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और उसमें से रेस्पिरेटरी लॉस 110 किलो उसने पर मीटर स्क्वायर पर ईयर प्रोड्यूस कर रहा, 20 उसमें से यूज किए ले रहा अपने लिए, तो नेट कितना बचा, नेट आपका बचा 90, ठीक है। तो आर यहाँ पे रेस्पिरेटरी लॉस को बता रहा, चैप्टर 12 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन से क्वेश्चन लिया गया है, क्लास 12 बायोलॉजी पेज नंबर 242, और 2021 में सेम क्वेश्चन आ चुका है, तो इस बार इन्होंने रिपीट मारा है 2023 में एज इट इज सेम बिल्कुल। द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अकर्स एट विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट इन मियोसिस, ठीक है।
तो ड्यूरिंग पैकेट इन स्टेज द फोर क्रोमेटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकम्स डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर्स एट टेट्राड। दिस स्टेज पैकेट इन स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो पैकेट इन स्टेज है जिसमें आपको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल देखने को मिलेंगे और यहीं पे क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पे होती है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल। तो पेज नंबर 168 चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन क्लास 11 बायोलॉजी से क्वेश्चन लिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। तो इस बार सेल साइकिल सेल डिवीजन से काफ़ी क्वेश्चन आया, बिल्कुल सिंपल सिंपल आया। तो किस में होता है जी, हमारा हो जाएगा आंसर आपका एनाफेज, एनाफेज टू। एनाफेज टू में मियोसिस, मियोसिस टू के एनाफेज टू में ये सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा और सिस्टर क्रोमेटिड अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। तो एनाफेज वन में क्या हो रहा है, एनाफेज वन में होमोलोगस क्रोमोसोम, पूरा का पूरा क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयरिंग कर रहे थे साइनेप्सिस करके अलग हुए हैं, टर्मलाइजेशन हो चुका है, ये अलग अलग पोल पे चले जाते हैं। एनाफेज वन में सेंट्रोमियर का स्प्लिट नहीं हुआ है, सेंट्रोमियर का स्प्लिट एनाफेज टू में होता है। ठीक, आगे चलते हैं। तो कहाँ दे रखा है, पेज नंबर 170 चैप्टर 10 क्लास 11 बायोलॉजी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से क्वेश्चन था, वहाँ पे इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। एंजियोस्पर्म में हैप्लॉयड डिप्लॉयड और ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए, जो आपका एम्ब्रायो सैक बना जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसकी हर सेल हैप्लॉयड है। डिप्लॉयड सेल वो जिसमें सिंगल जीनोम होगा, एन की वैल्यू 1 होगी, डिप्लॉयड सेल वो जिसमें एन की वैल्यू 2 होगी और ट्रिप्लॉयड सेल वो जिसमें 3N होगा। तो आप याद कर लीजिए स्ट्रक्चर अपना एम्ब्रायो सैक का, 3 एंटीपोडल सेल्स थी चलाजल एंड पे, माइक्रोपाइल एंड पे क्या था, एक सेंटर में एग और 2 उसके साथ सिनर्जिड जिसमें फिलीफॉर्म ऑपरेटर है, और ये सेंट्रल सेल जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। ठीक है जी, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, ये चलाजल एंड है, एंटीपोडल सेल्स हैं 3 और ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है और यहाँ पे एग ऑपरेटर्स है। एग ऑपरेटर्स में क्या है, एक एग और 2 सिनर्जिड, ये सेंट्रल सेल है, हर सेल हैप्लॉयड है। अब माइक्रोपाइल से एंटर होता है, माइक्रोपाइल एंड से आता है आपका पोलन ट्यूब और सिनर्जिड उसको रास्ता दिखाते हैं, फिलीफॉर्म ऑपरेटर से एंटर हुआ, उसके साइटोप्लाज्म में उसने 2 गैमिट अपने रिलीज किए जो कैरी कर रहा था, एक गैमिट जाके फ्यूज हुआ फीमेल एग से, फीमेल गैमिट एग से, और एक गैमिट जाके फ्यूज हुआ, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन, एक सिनगैमी यहाँ हो रही है, मेल एंड फीमेल गैमिट की एक गैमी यहाँ हो रही है, जिसको कि हम इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। ट्रिपल फ्यूजन क्योंकि 3 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं इसलिए ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं। नावश्चीन ने डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया था, एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो सिनर्जिड आपके कैसे हैं, हैप्लॉयड है, और जो बनेगा हमारा जाइगोट वो डिप्लॉयड होगा और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉयड होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सिनर्जिड, जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर 4 को अवेल कर लीजिए। तो ये आपका एम्ब्रायो सैक का फोटोग्राफ जो आपकी बुक से लिया गया है, मैच्योर एम्ब्रायो सैक को यहाँ पे दिखाया गया है, इसको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, हैप्लॉयड डिप्लॉयड ट्रिप्लॉयड को, चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। एंडार्क एंड एग्जार्च आर द टर्म्स ऑफन यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट बॉडी। ये बात गलत है, सेकेंडरी जाइलम नहीं, प्राइमरी जाइलम की पोजिशन को बताया गया है एंडार्च और एग्जार्च अरेंजमेंट के द्वारा। प्राइमरी जाइलम के हमने डिस्क्राइब किया कि प्राइमरी जाइलम किस तरफ है, टूवर्ड्स पिथ है कि टूवर्ड्स सर्कम्फेरेंस है। एग्जार्च कंडीशन इज मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ फ्रूट इन द लाइट ऑफ अबव। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है। प्राइमरी जाइलम 2 तरह का है, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर प्रोटोजाइलम एंड द लेटर फॉर्म प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड मेटाजाइलम। इन स्टेम्स प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड्स पिथ, स्टेम में प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ है, मेटाजाइलम टूवर्ड्स पेरिफेरी है। दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एंडार्च और इसको हम लोग एंडार्च बोलते हैं। ठीक है, रूट्स में आपको एग्जार्च पोजीशन मिलेगी। द प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड्स पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम टूवर्ड्स सेंटर। तो रूट्स में प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स पेरिफेरी है, ठीक, और रूट्स में एग्जार्च कंडीशन मिल रही है। तो आपका स्टेटमेंट 1 गड़बड़ा, स्टेटमेंट 2 ठीक है। पेज नंबर 87 एनेटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर 5 क्लास 11 बायोलॉजी से क्वेश्चन लिया गया था। आगे चलता हूँ। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वास डिफरेंस रिसीव्स अ डक फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलॉन्ग विद वजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, आप इन दोनों को कट लगा दीजिए, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो वास इफ्रेंशिया
लीव द टेस्टिस एंड ओपन इन टू एपिडेडिडाइमिस लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर सर्फेस, पेज नंबर 43 पे मेंशन है। एपिडिडाइमिस लीड्स टू वास डिफरेंस, वास डिफरेंस असेंड्स टू एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, इट रिसीव्स अ ड्रग फ्रॉम स्पाइनल वेसिकल एंड ओपन इन टू यूरेथ्रा, इज अ कलेक्टेड डक, पेज नंबर 43 पे, पेज नंबर 46 पे। वहाँ पे बर्थ कैनाल को डिस्क्राइब किया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 3 आपका क्लास 12 बायोलॉजी का ये क्वेश्चन था। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कम्पीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कुड नॉट कोएग्जिस्ट इनडेफिनेटली एंड कम्पिटिटिवली इन्फीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली। बिल्कुल ठीक बात है, एक ही जगह पे दो आपने स्पीसीज छोड़ दी जिनके बीच में सेम रिसोर्सेज को, फूड शेल्टर को लेके कंपटीशन हो रहा, तो एक जो दबंग होगी बेचारे को मार भगाएगी, उसके सर उसकी प्रेजेंस में उसका सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, तो अल्टीमेटली जो इन्फीरियर स्पीसीज होगी एलिमिनेट हो जाएगी। इन जनरल कार्निवोर्स आर मोर एडवर्सली इफेक्टेड बाय कंपटीशन देन हर्बीवोरस, गलत स्टेटमेंट है, हर्बीवोरस और प्लांट्स ज़्यादा इफेक्ट होते हैं कंपटीशन से, तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गड़बड़। इन जनरल हर्बीवोरस एंड प्लांट्स अपीयर टू बी मोर एडवर्सली इफेक्टेड बाय कंपटीशन देन कार्निवोरस, ठीक, तो दूसरा स्टेटमेंट गड़बड़। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कम्पीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट कोएग्जिस्ट इनडेफिनेटली एंड कम्पिटिटिवली इन्फीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली। अब आगे उसको बताया गॉस ने, तो बोला अब ये कितना सही है कितना गलत, आगे बोला कि भाई ये बात तभी लागू होगी जब रिसोर्सेज लिमिटिंग होंगे, लेकिन अदरवाइज नहीं होगी। लेकिन गॉस ने तो ये बोला था ना, उसने तो यही बोला ना, गॉस ने ये बोला, तो पेज नंबर 234 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से चैप्टर से ये लिया गया, चैप्टर 15 से क्लास 12 बायोलॉजी से ये क्वेश्चन आपका था। मेन स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए, तो आरडीएनए बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद डीएनए का आप डाइजेशन करेंगे, डाइजेशन करने के बाद अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट आप खोजेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट, फिर उसका पीसीआर करेंगे और फिर अल्टीमेटली उसको वेक्टर से लाइगेट करके इंट्रोड्यूस करा देंगे होस्ट सेल में। तो इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाद का स्टेप है, कटिंग ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट, पहले कटिंग कर ली फिर आइसोलेशन डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट का कर लिया, ठीक है जी। डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट लिखा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए लिखा होता डीएनए मॉलिक्यूल, तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल नहीं लिखा, आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट लिखा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या आ गया आपका, कटिंग करी फिर आइसोलेशन किया, उसके बाद पीसीआर किया, उसके बाद आपने लाइगेट कर दिया, बी सी डी ए आंसर हो जाएगा, आपका आंसर है बी सी डी ए, ओके। कहाँ से लिया गया है, पेज नंबर 201 चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस से ये क्वेश्चन आपका लिया गया। द क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एजर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। एजर्शन सेज इन जिम्नोस्पर्म्स द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरीड बाय एयर करंट, बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। एयर करेंट्स कैरी द पोलन ग्रेन टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया, टू द माउथ ऑफ ओव्यूल नॉट द आर्चिगोनिया, सो रीजन इज नॉट करेक्ट, एजर्शन इज करेक्ट, यू शुड गो विद एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन 4, ठीक है जी। तो कहाँ से लिया गया है, प्लांट किंगडम चैप्टर से लिया गया, पेज नंबर 40 पे मेंशन है। इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, गैमेटोफाइट की फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट, तो एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट हो जाएगा, इस तरह का डेवलपमेंट एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाता है, जब स्पोर का डेवलपमेंट इनसाइड स्पोरेंजिया में हो जाए। पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम, दे आर कैरिड इन एयर करंट एंड कम इन कॉन्टेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल बॉर्न ऑन मेगा स्पोरोफिल, ठीक है जी। तो ये हमारा ओव्यूल की ओपनिंग पे आएगा एयर करंट के सहारे से पोलन ग्रेन, उसके बाद पोलन ग्रेन वहाँ पे जर्मिनेट होगा, पोलन ग्रेन से निकलेगी पोलन ट्यूब और पोलन ट्यूब कैरी करेगी मेल गैमेट को तो आर्चिगोनिया की तरह। तो हमारा आंसर हो गया एजर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन ऑन जुवेनाइल कोनिफर्स हेल्प्स इन हार्डनिंग द मैच्योरिटी पीरियड, किसके स्प्रे करने से कौन से फाइटो हार्मोन के स्प्रे करने से कोनिफर्स का डेवलपमेंट तेज हो जाता है, मैच्योरिटी पीरियड जो है जल्दी आ जाएगा, दैट लीड्स टू अर्ली सीड प्रोडक्शन, जल्दी मैच्योर हो जाएंगे तो सीड प्रोडक्शन जल्दी हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपकी बुक से लिया गया ही है, डायरेक्ट लाइनर क्वेश्चन है, चैप्टर 15 से लिया गया, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, पेज नंबर 249
स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स विद जिब्रेलिक एसिड्स। जिब्रेलिक एसिड का आप अगर स्प्रे कर देंगे हैसन द मैच्योरिटी पीरियड दस लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन और अर्ली सीड सेटअप हो जाएंगे। जिब्रेलिन आल्सो प्रमोट बॉल्टिंग जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग इन बीट कैबेज एंड मैनी प्लांट्स विद रोजेट हैबिट। तो ये आंसर है आपका, जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करने पर जुवेनाइल कॉनिफर्स पे स्पीड अप हो जाता है ग्रोइंग, उनका मैच्योरिटी जल्दी सेट हो जाती है। Given below are two statement, one is labeled as assertion A and other is labeled as reason. Layered wood has few auxiliary elements with narrow vessels and cambium is less active in winter. तो ये दोनों ही statement ठीक है और reason इसका correct is explanation है कि layered wood late season में winter के season में जो बन रही है auxiliary elements वो narrow vessels के होंगे क्योंकि cambium less active होती है, ठीक है जी। इसलिए cambium के less active होने की वजह से lesser फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स बनते हैं विद नैरो वेसल्स बनते हैं। तो बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये आपका चैप्टर 6 से एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से लिया गया है। वहाँ पे लिखा है इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम इज वेरी एक्टिव। स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम बहुत एक्टिव है, प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स, बहुत ज़्यादा जाइलम एलिमेंट्स बनेंगे हैविंग वेसल्स विद वाइडर कैविटी, और वेसल्स जो बनेंगी उनकी वाइडर कैविटी होगी। The wood formed during the season, during this season is called spring wood, और इस समय जो wood बन रही है उसको हम लोग spring wood और early wood बोल रहे हैं। In winter, cambium is less active, winter में cambium less active होगा, forms fewer xylary elements कम बनेंगे that have narrow vessels, and this wood is called autumn wood or late wood, ठीक है जी। तो spring wood, autumn wood या early wood, late wood, अब आप समझ गए जो early season में बन रही है, spring season में बन रही है क्योंकि cambium active ज़्यादा है, ज़्यादा जाइली एलिमेंट्स बन रहे हो वैसे चौड़ी होंगी। विंटर में जो कैम्बियम की एक्टिविटी कम होगी, फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स बनेंगे और उनकी ल्यूमन जो है नैरोअर होगी, ठीक है जी। तो स्प्रिंग वुड जो बन रही है लाइटर कलर की होगी, लो डेंसिटी की होगी, जबकि हमारी जो विंटर वुड बन रही है, ऑटम वुड जो बन रही है वो डार्कर होगी और हायर डेंसिटी की होगी। द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनी फिजियोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर भी हैं और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हैं। टेम्परेट रीजन में क्लाइमेट कंडीशन जो है यूनिफॉर्मली फ्लक्चुएट हो रही हैं, इस वजह से आपको ये देखने को मिल रहा। हाउ मैनी ए टी पी एंड एन ए डी पी एच आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग काल्विन साइकिल। तो आपके लगते हैं 18 ए टी पी और 12 एन ए डी पी एच लगते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग काल्विन साइकिल। 6 साइकिल रिक्वायर्ड होंगे, 6 कार्बन फिक्सेशन रिक्वायर्ड होंगे और एक कार्बन फिक्सेशन में, या कह लीजिए एक काल्विन साइकिल पूरा टर्न अप होने में, पूरा साइकिल घूमने में 3 एटीपी लगते हैं और 2 एनएडीपीएच लगते हैं फॉर द फिक्सेशन ऑफ वन कार्बन एटम। 3 एटीपी एंड 2 एनएडीपीएच आर रिक्वायर्ड। देयरफॉर फॉर द मेकिंग ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल वी हैव टू फिक्स 6 कार्बन एटम, और 6 कार्बन एटम के फिक्सेशन के लिए 6 बार काल्विन साइकिल परफॉर्म करनी पड़ेगी। उसके लिए आपका ये आ जाएगा हमारा बैलेंस शीट। तो पेज नंबर 218 पे चैप्टर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट से लिया गया ये आपका क्वेश्चन है। एवरी CO2 मॉलिक्यूल एंटरिंग द काल्विन साइकिल 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड 2 NADPH आर रिक्वायर्ड। एक CO2 फिक्सेशन करने के लिए जो काल्विन साइकिल में एंटर हो रहा है 3 ATP और 2 NADPH लग रहे हैं। इट इज प्रोबेबली टू मीट दिस डिफरेंस इन नंबर ऑफ ATP एंड NADPH यूज्ड इन डार्क रिएक्शन दैट द साइक्लिक फास्फोरिलेशन टेक प्लेस। तो साइक्लिक फास्फोरिलेशन में केवल ATP बनता है, यही कह रहा है कि यही कारण है कि ATP ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो कुछ ऐसे जगहें हैं पौधे में जहाँ पे केवल साइक्लिक फास्फोरिलेशन हो रहा। टू मेक वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 टर्न ऑफ साइकिल आर रिक्वायर्ड। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 काल्विन साइकिल परफॉर्म करने पड़ेंगे, और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा बैलेंस शीट निकल आएगी कि हमारे कितने एटीपी रिक्वायर्ड है, 18 एटीपी रिक्वायर्ड है और 12 एनएडीपीएच रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। चलिए आगे चले। हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। तो राइबोसोम में आप देखेंगे कि क्या मिल रहा है, आरआरएनए स्ट्रक्चर आरएनए अलोंग विद 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। तो आंसर आपका हो जाएगा 80। बिल्कुल सिंगल लाइन से क्वेश्चन आपके लिए गए, एनसीईआरटी को बिल्कुल अब आप अपना समझ लीजिए कि वही तारणहार है। एनसीईआरटी को बिल्कुल पकड़ लीजिए और एनसीईआरटी के पांव तभी छोड़िएगा जब सिलेक्शन हो जाए। तो पेज नंबर 115 पे चैप्टर का नाम मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 6 वहां से लिया गया क्वेश्चन है। द कह रहा है द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स
राइबोसोम वो सेलुलर फैक्ट्री जो है राइबोसोम है। राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए आरआरएनए को बोल रहा एंड अबाउट 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन, 80 डिफरेंट प्रोटीन। ठीक है जी, तो आंसर आपको मिल गया 80 डिफरेंट प्रोटीन से बना और आरएनए से बना राइबोसोम है। व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, ये रिपीट मारा है क्वेश्चन, पहले भी आ चुका है। तो पॉलीमरेज 3 का पूछ रहा है ये, पॉलीमरेज 1, 2, 3 तीन आपको पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज मिलना है यूकैरियोटिक सेल में और तीनों का अलग अलग काम है। तो ये आपके वही मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से लिया गया, चैप्टर 6 से लिया गया, पेज नंबर 109-110 पे ये मेंशन है। आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब्स आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्रिप्शन कर रहा आरआरएनए का, आरआरएनए में 28S आरआरएनए, 18S आरआरएनए एंड 5.8S आरआरएनए। वेयर इज द आरएनए पॉलीमरेज 3 रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ट्रांसफर आरएनए एंड 5SRRNA एंड SNRNA। ठीक है जी, SNRNA स्मॉल न्यूक्लियर RNA, 5SRNA। ठीक है, और पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब कर रहा है प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर RNA दैट इज हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA। तो देखिए, पहला सबसे पहला आपने देखा तीन है याद रखने का तरीका, RNA सबसे पहला तो अपना ही काम करेगा RRNA, और तीसरा क्या करेगा थर्ड, टी स्टैंड्स फॉर थर्ड एंड टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर आरएनए। इस तरह से आप इसको कॉन्सेप्ट बना के याद कर सकते हो। ठीक है जी, अब जो बच्चा सेकंड उसको आप दे दीजिए मैसेंजर आरएनए के लिए, प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो आरआरएनए तीन आरएनए है ना जो आपने याद रखने हैं, आरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। तो मैंने बोला पॉलीमरेज 1 सबसे पहला काम आदमी अपना खुद का करता है, आरआरएनए को दे दो, टी थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड टी, टी इसमें आ रहा अल्फाबेट और टी ट्रांसफर आरएनए को दे दो, और ये आपका मैसेंजर आरएनए को स्ट्रक्चरल आरएनए भी बोलते हैं, तो एस, और ये आपका सेकंड आरएनए या एसआरएनए सेकंड आरएनए को आप दे दो मैसेंजर आरएनए को। इस तरह से आप इसको याद रख लीजिएगा, मेरे ख्याल से अगर आपको सहायता मिले याद रखने में तो इस तरह से याद रखा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। ठीक है जी, इन नॉन प्राइमेट मैमल, क्लास में मेलिया ऑर्डर प्राइमेट या नॉन प्राइमेट, तो नॉन प्राइमेट ऐसे मैमल्स जो प्राइमेटा में नहीं आ रहे, ऑर्डर प्राइमेट में नहीं आ रहे, प्राइमेट प्राइमेट नहीं कहलाएंगे, ऑर्डर प्राइमेटा में नहीं आ रहे। साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन साइकिल आर कॉल्ड ईस्टर साइकिल, बिल्कुल आपकी बुक में दे रखा। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनोपॉज, मेनोपॉज इज सजेशन, बंद हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ये पहला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके लिए मीनार की टर्म यूज होता है, तो ये स्टेटमेंट गड़बड़ है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी, बिल्कुल ठीक है जी, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव हो सकता है प्रेगनेंसी के। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड्स बिटवीन मीनार्की एंड मीनोपॉज, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन आपको मीनार्की से लेके मीनोपॉज तक दिखेगा, तो बी छोड़ के सब सही है, आपका ऑप्शन जो आएगा ए सी डी। आगे चलिए, तो कहाँ से लिया गया, पेज नंबर 51 ह्यूमन रिप्रोडक्शन से लिया गया ये क्वेश्चन था। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज रिडक्शन अदर इज रीजन, एंड्रोमेटियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस, जी हाँ हमारा प्रोलीफरेटिव ये आपका एंड्रोमेटियम थिक एंड्रोमेटियम नेसेसरी है इम्प्लांट हो जाए, इम्प्लांटेशन हो जाए ब्लास्टोसिस का। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस लूटियम डीजनरेट, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हो जाएगा, दैट कॉजेस डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, क्योंकि ये क्या सच सीक्रेट कर रहा, प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियल बेड। एक बात याद रखिएगा, फॉर द प्रोलीफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियल बेड ईस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंड्रोमेट्रियम बेड प्रोजेस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल। तो एंड्रोमेट्रियम बेड का अब शेडिंग हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, शेड हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हो गया, कॉर्पस लूटियम डीजनरेट होने से प्रोजेस्टेरोन का लेवल फॉल हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल फॉल होने से हमारा ये एंडोमेट्रियल बेड डीजनरेट हो जाएगा। इन द लाइट ऑफ अबाउट स्टेटमेंट चूज द करेक्ट, तो ये ठीक स्टेटमेंट है, ये भी ठीक है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। पेज नंबर 50 ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से लिया गया है, वहाँ पे आपको इसके बारे में डिटेल पता लग जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एल्गल ब्लूम डिक्रीजेस फिश मोर्टेलिटी, नहीं, एल्गल ब्लूम होने से क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल कम होगा और फिश मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी। यूट्रोफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक सीवेज,
एंड वाटर वेस्ट इन लेक्स, ये भी नहीं है। यूट्रोफिकेशन हमारी नेचुरल एजिंग ऑफ लेक है। लेक जब बनती है तो वाटर वहाँ पे कोल्ड होता है और धीरे धीरे जब ड्रेनेज ऑफ वाटर हो रही, मिनरल्स आ रहे हैं, मिनरल्स के बढ़ने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी के बढ़ने से नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ने से उनके रेमिनेंट बढ़ेंगे, इस तरह से शैलोइंग होने लगेगी हमारी लेक की, वाटर धीरे धीरे हॉटर होने लगेगा और ये कहलाता है नेचुरल एजिंग। तो यूट्रोफिकेशन उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है। ये स्टेटमेंट भी गड़बड़, ये स्टेटमेंट भी गड़बड़। बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव टॉक्सिक ट्रॉपिक लेवल, और ये आपको किस में देखने को मिलेगा, ये ज़्यादातर आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। प्रेजेंस ऑफ लार्ज, ये सही है स्टेटमेंट, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर रिस्ट्रिक्ट्स एल्गल ब्लूम, नहीं बल्कि एल्गल ब्लूम को ये बढ़ा देता। तो केवल एक स्टेटमेंट आपका स्टेटमेंट नंबर 3 ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट गलत है। तो पेज नंबर 276 चैप्टर 16 इन्वायरमेंटल इशू से लिया गया, एल्गल ब्लूम कॉजेस डिटोरिएशन ऑफ वाटर क्वालिटी एंड फिश मोर्टेलिटी, फिश मोर्टेलिटी बढ़ा देगा, डिटोरिएट कर देगा वाटर की क्वालिटी को। यूट्रोफिकेशन इज द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर, इन अ यंग लेक द वाटर इज कोल्ड एंड क्लियर सपोर्टिंग लिटिल लाइफ, विद टाइम स्ट्रीम्स ड्रेनिंग इन टू लेक इंट्रोड्यूस न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज सच एज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस विच इनकरेज द ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एज द लेक फर्टिलिटी इंक्रीजेस प्लांट एंड एनिमल लाइफ बर्जन्स एंड द ऑर्गेनिक रिमेन्स बिगन टू बी डिपॉजिट ऑन द लेक ऑन द लेक बॉटम। तो ये आपका पेज नंबर 276 पे मेंशन है, एल्गल ब्लूम से फिश मोर्टेलिटी बढ़ेगी, यूट्रोफिकेशन नेचुरल एजिंग है, और ये आप देखेंगे कि कुछ टॉक्सिकेंट ऐसे हैं जिनका बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से फर्स्ट कंज्यूमर हमारे हर्बीवोर, हर्बीवोर से कार्निवोर, जैसे जैसे नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ये जाएगा, ये जो आपका टॉक्सिकेंट, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, बॉडी से एलिमिनेट ही नहीं हो रहा, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी हायर ट्रॉपिक लेवल पे। तो यही कहलाता है आपका बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है जी। चलिए आगे, डीडीटी का आपका एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स डज नॉट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज, तो जो हमारे कन्वेंशनल तरीके थे डायग्नोसिस के डिजीज के, वो अर्ली डायग्नोसिस नहीं करते। कन्वेंशनल तरीके में सीरम और यूरिन एनालिसिस आएगा, ये मॉलिकुलर आपके डायग्नोसिस हो जाएगा, तो इसमें आपको एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एलाइजा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये आपके न्यूअर तरीके हैं, लेटेस्ट तरीके हैं और ये मॉलिकुलर डायग्नोसिस में आते हैं, तो ये आपके त्वरित डायग्नोसिस कर देते हैं। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस सच एज सीरम एंड यूरिन एनालिसिस अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे आर द सम ऑफ द टेक्निक दैट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है जी। तो आपका पेज नंबर 212 बायोटेक्नोलॉजी और इट्स एप्लीकेशन से ये लिया गया था क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, आरएनए म्यूटेट्स एज अ फास्टर रेट, बिल्कुल जी आरएनए बहुत तेजी से डीएनए की तुलना में बहुत तेजी से फास्टर रेट में म्यूटेट होता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरली डीएनए की तुलना में लेस स्टेबल है। क्यों? एक तो इसमें जो पेंटो शुगर मिल रही है उसमें सेकेंड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो हाईली रिएक्टिव है, साथ के साथ इसमें प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल मिल रही, पाइरिमिडीन में यूरेसिल है और जबकि वहाँ पे डीएनए में थाइमीन है। तो ये अंतर है, इन दो अंतर की वजह से आरएनए एज कम्पेयर टू डीएनए इज मोर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल, इसका म्यूटेशन भी फास्ट होता है। और ऐसे वायरसेस, वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल मिल रहा है डीएनए या आरएनए, जिन वायरसेस में आरएनए जीनोम में शॉर्टर लाइफ स्पैन होगी और वो बड़ी तेजी से म्यूटेट होते हैं और इवॉल्व फास्ट, जल्दी म्यूटेशन होगा तो इवॉल्व वेरिएशन आएंगे, इवॉल्व भी फास्ट होंगे। तो इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट, दोनों हमारे स्टेटमेंट ठीक है, आपकी बुक से ही लिया गया ये क्वेश्चन है, बुक में क्लियरली मेंशन है पेज नंबर 103 पे चैप्टर 6 मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे लिखा हुआ है, आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट अ फास्टर रेट, कॉन्सिक्वेंटली वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। आगे चलिए, अब हम लोग आ जाए मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन पे। तो पी वेव, क्यू वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव आपका ईसीजी, अगर आप देखेंगे तो पी वेव के बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और आखिरी में आके टी वेव। पी वेव क्या बताती है आपके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में? पी वेव बताती है रिफ्लेक्शन, बताती है ऊपर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्ट रिफ्लेक्शन दिखा रही है, और इसमें आपको कब हो रहा है, ये हो रहा है ड्यू टू डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ठीक है। इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 3। क्यू वेव कब है? क्यू वेव है डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, नहीं, बिगनिंग ऑफ सिस्टोल हो गया,
बिग सिस्टोल, QRS कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स बता रहा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और टी वेव बता रहा रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है, आपकी बुक में क्लियरली ये मेंशन है ये सब बातें। तो 3, 3, 1, 4 आपका हो जाएगा पी वेव डिपोलराइजेशन, 3 क्यू के आगे लिख लीजिए आप बिगनिंग ऑफ सिस्टोल, 1 QRS कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल लिख लीजिए, और टी वेव रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल लिख लीजिए। 3, 1, 3, 1, 4, 2 आंसर है आपका 3, 1, 4, 2। ठीक है जी, कहाँ दे रखा है आपकी बुक में, आइए ये भी देख लेते हैं। तो आपकी बुक में ये दे रखा है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में पेज नंबर 286 पे। पी वेव रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया, डिपोलराइजेशन बता रहा, QRS कॉम्प्लेक्स डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल बता रहा, एंड द क्यू वेव कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू वेव, क्यू वेव के बाद शुरू हो जाएगा सिस्टोल। टी वेव रिप्रेजेंट्स द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू नॉर्मल स्टेट। पी आर इंटरवल रिप्रेजेंट्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन इम्पल्स टू ट्रेवल थ्रू द एट्रिया एंड ए वी नोड टू द रिमेनिंग कंडक्टिव टिश्यू। तो पी आर इंटरवल ये आपकी बुक में मैंशन नहीं है, और आपके ECG में भी जो आपके लेवल पे दे रखा नहीं मेंशन है, लेकिन अगर आप जानना चाहें, जो बच्चे रिपीटर हैं और ये तो बिल्कुल रट रखा होगा उन्होंने, वो अगर जानना चाहें तो PR इंटरवल ये है हमारा PR इंटरवल। तो टाइम टेकन बाय इम्पल्स टू ट्रेवल थ्रू हमारा AV नोड और एट्रिया के रेस्ट ऑफ द मस्कुलेचर, वो जो जितना उसको समय लगता है फैल जाने में, वो है हमारा PR इंटरवल। टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन इम्पल्स टू ट्रेवल थ्रू द एट्रिया एंड AV नोड टू द रिमेनिंग कंडक्टिव टिश्यू। ठीक है जी, ये हो गया आपको जानकारी, आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, QRS कॉम्प्लेक्स अगर आप काउंट करेंगे, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स वन कैन डिटरमिन द हार्ट बीट, हार्ट बीट भी आप पता लगा सकते हैं QRS कॉम्प्लेक्स अगर आप रीड कर लेंगे। चलिए, मैं इधर कॉलम वन एंड कॉलम टू, फिर से क्वेश्चन है वैसेक्टॉमी क्या है। वैसेक्टॉमी है आपका सर्जिकल मेथड में आता है, वासा डिफरेंशिया का सम पार्ट कट एंड लाइगेट कर देंगे आप, मेल में करेंगे। क्वाइटस इंटरप्टस क्या है, इजैकुलेशन से पहले पेनिस विड्रॉ कर लेंगे, तो ये आपका नेचुरल मेथड है, इसमें आप लिख लीजिए 2। सर्वाइकल कैप क्या है, ये बैरियर मेथड है, बैरियर मेथड में कुछ ऐसे डिवाइसेस जो मेल और फीमेल गैमेट को एक दूसरे के पास नहीं आने देंगे, सहेली हमारी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। ठीक है जी, सब आपकी बुक से लिया गया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पेज नंबर 64 पे मेंशन है। आगे चलते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या है। लॉजिस्टिक ग्रोथ हुआ है, आप देखेंगे किसी भी इकोसिस्टम में जो कोई पॉपुलेशन ग्रोथ दिखा रही है, वो लॉजिस्टिक ग्रोथ दिखाएगी, इनिशियली स्टार्ट होके फिर वो आखिरी में आके स्टेबल हो जाएगी जब कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच जाएगी, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और रिसोर्सेज लिमिटेड होने पर इनिशियली तो उसने दिखाया आपको, पिकअप किया ग्रोथ अपनी को, और लैग फेज के बाद आखिरी में आके हमारा आ जाएगा जी स्टेबल फेज आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगी ग्रोथ, क्योंकि उसके आगे अब इसमें पॉपुलेशन की ग्रोथ नहीं हो सकती, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो इससे ज़्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर सकते। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ आप कह सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी कंडीशन। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऐसी ग्रोथ जो है आखिरी में एकदम इनफाइनाइट हो रही है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। भाई आपको हमने हयाबूसा बाइक दे दी और कानपुर आगरा हाईवे दे दिया, पेट्रोल भरा दिया, भगा लो जितनी भगानी है, वही चीज़ है कि रिप्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है पूरी एक्सप्लोर कर दीजिए, एक्सीलरेटर पूरा दबा दीजिए। अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं है, तो बंदे जिस धरती पे आए हैं, जो ऑर्गेनिज्म धरती पे आए हैं, वो आए ही हैं खूब खाना खाओ और खूब बच्चे पैदा करो, यही काम है। तो ये काम करने जो आए आपने उसको खुली छूट दे दी, तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी कंडीशन में आप देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। एक्सपेंडिंग एज पिरामिड, एज पिरामिड आप जब बनाएंगे तो 3 एज ग्रुप को पकड़ लीजिए आप, प्री रिप्रोडक्टिव और आपका रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, और आप इसको चार्ट वाइज या कहिए कि ग्राफ वाइज रिप्रेजेंट करें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को। तो अगर प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप से ज़्यादा है, नीचे वाला ब्लॉक सबसे बड़ा है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का, उससे छोटा, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव का उससे छोटा, तो ये एक्सपेंडिंग टाइप की हमारी पॉपुलेशन एक्सपेंड हो रही है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो एक्सपेंडिंग एज ग्रुप में प्री रिप्रोडक्टिव जो एज ग्रुप में जो ऑर्गेनिज्म होंगे, नंबर होंगे, उनका नंबर सबसे ज़्यादा होगा, और स्टेबल में ये हमारे प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव में नंबर सेम होगा।
ठीक है जी, तो अब आप मैच कर लेंगे। आइए जो ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए पेज नंबर 227 पे मेंशन है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एज, तो आपने तीन एज ग्रुप में बांट दिया। इन एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज इंडिविजुअल ऑफ गिवन एज एंड एज ग्रुप इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पिरामिड। एज पिरामिड बना लिया। फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ डायग्राम, ठीक है। द शेप ऑफ पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ स्टेटस, तो वेदर इट इज ग्रोइंग प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप से ज्यादा, तो ये आने वाले समय में ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आ जाएंगे। इसका मतलब है पॉपुलेशन जो है वो कैसी है, एक्सपेंडिंग है, पॉपुलेशन का नंबर बढ़ रहा। अगर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव में सेम है तो स्टेबल है, और अगर ये आपका हो गया कि भाई प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप से कम है तो ये डिक्लाइनिंग हमारी पॉपुलेशन है, नंबर कम हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। मास सेल्स कहाँ मिल रहे हैं आपको? मास सेल्स आपको मिल रहे हैं हमारे, ये मिलेंगे आपको एरियोला टिश्यू में, एरियोला कनेक्टिव टिश्यू में मास सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट मिलते हैं। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल किससे लाइंड है? तो हॉलो जो हमारे ऑर्गन है वो सीलिएटेड एपिथेलियम से लाइंड होते हैं। ब्लड कैसा है? ब्लड हमारा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, और टूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में हमको मिल रही है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये मैच हो गया आपका, मिला लीजिएगा। मास सेल के अपोजिट आप लिख लीजिए एरियोलर टिश्यू, ए के अपोजिट टू। इनर सर्फेस आप लिख लीजिए ए वन, बी के अपोजिट वन सीलिएटेड एपिथेलियम। ब्लड के अपोजिट आप लिख लीजिए फोर, और टूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन के अपोजिट आप लिख लीजिए थ्री। आंसर हो गया आपका, ठीक। चलिए आगे, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पेज 101 पे ये मेंशन है कि कहाँ पे क्या चीज आपकी मिल रही है। और एरियोलर टिश्यू में बीनीथ द स्किन प्रेजेंट है, और इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मास सेल्स। तो मास सेल्स के साथ क्या जाएगा? एरियोलर टिश्यू जाएगा। आगे चलता हूँ, फिर से आ गया। मैच द कॉलम वन विद कॉलम टू, तो यहाँ पे इंटरेक्शन दे रखा है बिटवीन स्पीसीज और पॉपुलेशन, कह लीजिए दो पॉपुलेशन के बीच में या दो स्पीसीज के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है उसको मेंशन किया गया आपकी बुक में। छह तरह के रिलेशन बताए गए हैं। म्यूचुअलिज्म में दोनों ही स्पीसीज एक दूसरे से बेनिफिट उठा रही हैं, तो प्लस प्लस साइन से, प्लस साइन से हम लोग दिखाते हैं बेनिफिट होना, माइनस साइन से हम लोग दिखाते हैं नुकसान होना, और को साइन या जीरो से कह लीजिए कोई भी फर्क ना पड़ना। तो म्यूचुअलिज्म में दोनों ही बेनिफिट उठा रहे हैं। सिम्बायोसिस भी जिसको बोल लीजिए, जैसे लाइकेन में एल्गी और फंजाई आपस में एक दूसरे से बेनिफिट उठा रहे हैं। माइकोरिजा में भी दो आपस में हायर जो सेल्स हैं रूट की, हायर प्लांट्स की रूट की सेल और फंजाई का एसोसिएशन माइकोरिजा, वहाँ पे भी दोनों एक दूसरे से फायदा उठा रहे हैं। फंजाई उसको एब्जॉर्ब करके दे रहा है मिनरल्स और वाटर, और बदले में ले रहा पका पकाया खाना। कॉमन सेलिज्म में एक को फायदा और एक को कोई भी फर्क नहीं। एमेंसेलिज्म में एमेंसेलिज्म में एक को नुकसान और एक को कोई फर्क नहीं, और पैरासिटिज्म में दोनों को, पैरासिटिज्म में एक को फायदा एक को नुकसान, एक को फायदा और एक को नुकसान, होस्ट को नुकसान है और गेस्ट को जो पैरासाइट है उसको फायदा, ठीक है जी। फिर से समझ लीजिए, म्यूचुअलिज्म में प्लस प्लस साइन कर दीजिए, प्लस प्लस साइन आपका ये हो गया। कॉमन सेलिज्म में एक को फायदा और एक को कोई फर्क नहीं। एमेंसेलिज्म में एक को नुकसान, एक को कोई फर्क नहीं, और पैरासिटिज्म में आपका एक को फायदा और एक को नुकसान, थ्री। तो ये आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3, ठीक है जी। कहाँ पे दे रखा है ये देखिए आपकी बुक में दे रखा है टेबल 13.1, वही क्लास 12 बायोलॉजी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर से 13.1 टेबल पे इसको मेंशन किया। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन अराइजेस फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज, दो डिफरेंट स्पीसीज के पॉपुलेशन में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको हम लोग इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन बोल रहे हैं या पॉपुलेशन इंटरेक्शन बोल रहे हैं। तो स्पीसीज ए बी दोनों को फायदा, म्यूचुअलिज्म एक दोनों को नुकसान, कंपटीशन में जब एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं एक को फायदा एक को नुकसान, पैरासिटिज्म में एक को फायदा एक को नुकसान, ये आपका हो गया क्या लिखा है प्रिडेशन में, ठीक है जी, पैरासिटिज्म प्रिडेशन, और ये आपका हो गया कॉमन सेलिज्म और एमेंसेलिज्म, हो गई बात हम लोगों ने देख लिया। इससे क्वेश्चन आता है लगभग हर साल आ जाता है। 14 फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर, तो वेक्टर में आप देखेंगे अलग अलग तरह के वेक्टर है। वेक्टर बेसिकली ओला कैब है जिसमें आप बिठा के भेज रहे हैं किसको, पैसेंजर को। पैसेंजर यहाँ क्या है, डिजायर्ड डीएनए है, एलियन पीस ऑफ डीएनए, फॉरेन डीएनए। भेजना कहाँ है, होस्ट सेल में। डेस्टिनेशन उसकी कहाँ, होस्ट सेल में भेजना है। तो डीएनए मॉलिक्यूल के साथ
वेक्टर के साथ आप जब लाइगेट कर देते हैं अपना एलियन पीस ऑफ डीएनए, तो जो बनता है मॉलिक्यूल उसको हम लोग आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। अब ये ओला कैब मानिए आपने शिफ्ट करना, आप कोटा में बैठे तैयारी कर रहे हो, राजस्थान कोटा में एक कमरे में हो, आपने कमरा बदलना है, किसी वजह से आपकी खटपट हो गई लैंडलॉर्ड के साथ, आप खुद ही सामान झोला झंकार लेके अपना चल दोगे, सामान बदल लोगे, लेकिन अब आपकी शादी हो गई, अब आपके साथ आपकी बेटर हाफ है और आप दो आदमियों का गृहस्थी जो है बड़ी हो गई, इस बार आपको शिफ्ट करना तो आपको एक छोटा हाथी मंगाना पड़ेगा। फिर अब आपके दो बच्चे भी हो चुके हैं और अब बच्चों के साथ आपकी गृहस्थी बहुत बड़ी है, अब आपको कुछ शिफ्ट करना है तो आप कैसे शिफ्ट करोगे? तो भैया आपको मंगाना पड़ेगा क्या, ट्रक, ठीक है जी। तो बेसिकली ये जो आपके वेक्टर हैं इनकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, वो कितना बड़ा मॉलिक्यूल डीएनए का कैरी कर सकते हैं। तो बैक और यैक का यूज़ किया जा रहा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, क्योंकि इनकी कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। बैक और यैक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, ये भी वैक्टर है। और PBR32, पी स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, बी बॉलीवर, आर फॉर रोड्रिगेस, PBR322 भी आपका कंस्ट्रक्ट किया गया, केमिकली कंस्ट्रक्टेड, लैब में कंस्ट्रक्टेड हमारा वेक्टर है। प्रोब क्या है? प्रोब है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल टैग विद रेडियो एक्टिविटी, वो होता है प्रोब। तो प्रोब क्लोनिंग वेक्टर में नहीं आता, ठीक है जी। आइए कहाँ दे रखा है, आपकी बुक में पेज नंबर 22212 पे दे रखा है, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए टैग विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, उसको बोलना है प्रोब। सिंगल स्टैंड डीएनए और आरएनए टैग विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोनो सेल फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। तो प्रोब का इस्तेमाल हम लोग कब किस लिए कर रहे हैं, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को टारगेट करने के लिए कि स्पेसिमेन में वो सीक्वेंस है कि नहीं है, या आरएनए की सीक्वेंस को टारगेट करने के लिए कि उसकी वो सीक्वेंस जो हम देख रहे हैं कि वो उसमें है कि नहीं स्पेसिमेन में। तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आरएनए बनाया, उसको आपने मौका दिया एलिनिंग करने का, एलिनिंग तभी करेगा जब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड स्पेसिमेन में होगा। Which micronutrient is required for splitting of water molecule during photosynthesis? Magnesium, हम लोग शायद पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, रिपीट हो गया, चलिए। The historic convention of biological diversity, the Earth Summit was held in Rio de Janeiro in the year 1992. ये आपकी बुक में साफ साफ मेंशन है, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी से ही पूरा क्वेश्चन था, पेज 267 पे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन है। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट held in Rio de Janeiro in 1992, called upon all nations to take appropriate measures for the conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefit. ठीक है जी, चलिए आगे। Which hormone promotes elongation in deep water rice? Deep water rice plant में हम लोग इथाइलीन का अगर use करेंगे तो वो elongate कर देगा राइस के प्लांट को। पेज नंबर 250 पे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे मेंशन है, इथाइलीन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट, इट हेल्प्स लीव्स और अपर पार्ट ऑफ द शूट टू रिमेन अबव वाटर। हाँ जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्साइल प्रेजेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, ऑप्शन आर चाइना रोज, पिटूनिया, लेमन, आपको इसी को चुन लेना है। अपनी बुक एनसीईआरटी में मार्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में उन्होंने प्लासेंटेशन को डिस्क्राइब किया है कि प्लासेंटेशन क्या है और कितनी तरह के हैं। तो प्लासेंटेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी, दैट इज प्लासेंटेशन। डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें एक है आपका एक्साइल प्लासेंटेशन। तो पहले एक्साइल प्लासेंटेशन समझते हैं हम लोग होता कैसा है। व्हेन द प्लासेंटा इज एक्सियल, प्लासेंटा एक्सियल है एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन अ मल्टीलोकुलर एवरी, तो सेप्टा फॉर्मेशन हो गया, मल्टीलोकुलर ओवरी हो गई और ओव्यूल्स इसी से अटैच है, एक्साइल प्लासेंटेशन से। तो प्लासेंटा जब एक्साइल होता है और ओव्यूल्स उससे अटैच होते हैं मल्टीलोकुलर ओवरी में, तब प्लासेंटेशन के टाइप को हम लोग एक्साइल प्लासेंटेशन बोलते हैं। तो अपनी बुक में डिस्क्राइब करने के बाद उन्होंने बताया कि चाइना रोज, टोमेटो, लेमन इसके एग्जाम्पल है। ओके, अब आपको ऑप्शन में उसने चाइना रोज, टोमेटो की जगह दे दिया है पिटूनिया। तो चाइना रोज और लेमन में तो आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, पिटूनिया क्यों दे दिया, जानबूझ के दे दिया उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपके दो चार सेकंड खराब करने के लिए। क्योंकि फैमिली सोलेनेसी में, जब फैमिली सोलेनेसी डिस्क्राइब किया गया है, उसका डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है, तो प्लासेंटा एक्साइल होता है ये बताया। और सोलेनेसी के मेंबर कौन कौन है, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, चिली, बेलाडोना, अश्वगंधा, टोबैको, पिटूनिया। तो पिटूनिया उन्होंने यहाँ से रिप्लेस कर दिया किसके साथ, उन्होंने आपको पिटूनिया दे दिया और उसमें से टोमेटो हटा दिया। तो चाइना रोज, लेमन एंड पिटूनिया दे दिया,
ठीक है जी, पिटूनिया मेंबर है सोलेनेसी का, इसमें भी आपको एक्साइल प्लांटेशन मिल रहा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा चाइना रोज पिटूनिया लेमन। ओके, तो किसी को भी वो यहाँ से उठा के एक कर सकता था, चेंज कर सकता था आपको थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए। भाई क्वेश्चन थोड़े से तो फॉर्म करेगा ना, आपको उलझाएगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर वन से द फोर्सेज जनरेटेड बाय ट्रांसपायरेशन कैन लिफ्ट अ जाइलम साइज कॉलम ऑफ वाटर ओवर 130 मीटर हाइट। सेकेंड स्टेटमेंट, ट्रांसपायरेशन कूल्स लीव सरफेस समटाइम्स 10 टू 15 डिग्री बाय इवेपोरेटिव कूलिंग। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द एप्रोप्रिएट आंसर। अब देखिए, जो बच्चे ने एनसीईआरटी बिल्कुल अपना कंठस्थ करी है, बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़ी है, एक एक लाइन को उसने वेटेज दी है, वो ये क्वेश्चन को कराएगा। और जो बच्चे को लगता है कि यार ये क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा, इससे इस तरह का क्वेश्चन ना, इसमें इतनी वेटेज ही नहीं है, इस तरह क्वेश्चन नीट में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तो उसको एक बार को इसमें डाउट हो सकता है। तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन आप ध्यान से पढ़िए, आप किसी भी एजुकेटर से पढ़िए। ये बात मैं खास तौर पे फ्रेशर बच्चे के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि रिपीटर तो एक्सपेरिमेंट करते करते समझ चुका। फ्रेशर बच्चे ध्यान दें कि आप इस साल जब भी अपनी प्रिपरेशन को ऑगमेंटेड करें, प्रिपरेशन पे और फोकस करें, प्रिपरेशन आप अपनी शार्प करें। आपने एनसीईआरटी ही बार बार पढ़नी है, एक एक लाइन पढ़नी है और अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स आपको आगे काम आने वाले हैं, क्योंकि 100 में से आप अगर 100 फ्रेशर ये वीडियो देख रहे हो, उसमें से 85-90% रिपीटर अगले साल बनने वाले। 10% बच्चा ऐसा होता है जो फ्रेशर बच्चा फर्स्ट टाइम में ही नीट फोड़ देता, नहीं तो सेकंड और थर्ड टॉप जब आप अपना अटेम्प्ट अवेल करते हो तब सबसे बेटर चांस होते हैं, तब सबसे ब्राइट चांस होते हैं सेकेंड में और थर्ड में। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन पहले अटेम्प्ट से ही कर लेनी है। पहले अटेम्प्ट में आपने बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ना है। रेफरेंस बुक तब तक नहीं पढ़नी है जब तक आपको ये कन्फर्मेड ना हो जाए या आपको बिलीव ना हो जाए कि अब आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन रट गई है। उसके बाद आप रेफरेंस बुक को उठाइएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन आ जाता है। आपकी नॉलेज किसी बात का कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन लाइन टू लाइन क्वेश्चन वो ऐसा दे देते हैं आपको कि लाइन से ही क्वेश्चन बनता है। तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आपने पढ़नी है। और अगर किसी की वीडियोस देखें, जैसे मैं सेशन चालू करने वाला हूँ, अब अपने मुँह से अपना क्या बोलूँ, आप सोचोगे प्रमोट कर रहा है यहाँ पर वीडियो। आप देखिएगा, बस 2-4 दिन में मेरी वीडियोज़ आने लगेंगी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में कई लाइनें ऐसी हैं जो आपको बाउंस हो जाती, नहीं समझ में आती। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में जब PBR322 का उसने डिस्क्रिप्शन किया, तो उसने बोला दो इसमें आपको मिल रहे हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, और इन दोनों की सहायता से हम लोग सिलेक्टिव मार्कर की तरह ये काम कर सकते हैं। वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो वो जो डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसी तरह से और भी बातें हैं, DNA फिंगरप्रिंटिंग में 1-2 स्टेप हैं जो नहीं समझ में आते, लैक ओपेरॉन में 1-2 स्टेप हैं जो नहीं समझ में आते, आपका जेनेटिक कोड कैसे डेसिफर किया गया वो नहीं समझ में आता, आपका टेस्ट क्रॉस नहीं समझ में आता। तो कई सारे ऐसे क्लास 12 बायोलॉजी में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, सेकेंडरी ओसाइट, टर्शरी ओसाइट, ये कब कैसे हो रही है, यूजेनेसिस क्यों अलग है स्पर्मेटोजेनेसिस से, कई सारी बातें ऐसी हैं जो आप अपने मतलब मुश्किल होगी, आपको गाइडेंस चाहिए होगी। तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कोई आपको ऐसा मिल जाए एजुकेटर जो आपको एक्सप्लेन करता चले, और आप उससे देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले और आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लें, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, कोशिश करेंगे अच्छा ही होगा सब। आगे चलता हूँ, तो ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। तो बेसिकली क्रेमिंग का क्वेश्चन था, अगर आप लटके गए हो आप वहाँ पे जवाब दे दोगे। तो कहाँ पे लिखा, पेज नंबर 189 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर से लिया गया, क्लियरली लिखा मेजरमेंट रिवील दैट फोर्सेज जनरेटेड बाय ट्रांसपायरेशन कैन क्रिएट प्रेशर सफिशियंट टू लिफ्ट अ जाइलम साइज कॉलम ऑफ वाटर ओवर 130 मीटर हाई। तो ये आपका एनसीईआरटी की लाइन है, यहाँ पर मैंने जो टाइप कर रखी कूल स्लीव सरफेस, अब उसने ट्रांसपायरेशन के बताए हैं कि क्या बेनिफिट है, सम टाइम्स 10-15 डिग्री बाय इवेपोरेटिव कूलिंग। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर आपका है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, पेज नंबर 189, वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। अमंग द इविल क्वार्टेट विच वन इज कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज
ड्राइविंग एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, बायोडाइवर्सिटी से लिया गया क्वेश्चन है। तो बायोडाइवर्सिटी से लिया गया क्वेश्चन, एक्सटिंक्ट हो रही है स्पीसीज, तो चार ऐसी बुराइयां हैं जिनको हम कहते हैं ईविल क्वाड्रेंट। उसमें से सबसे ज़्यादा गंभीर, सबसे ज़्यादा विकट क्या है? सबसे ज़्यादा विकट है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट क्या है? नेचुरल होम, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेचुरल होम, उसका प्राकृतिक घर। अब आप किसी का घर छीन लीजिए, उसको बेघर कर दीजिए, तो रहेगा कहाँ? रहेगा कहाँ? तो उसके सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क आ ही जाएगा, ठीक है जी। फोर मेजर कॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, द एक्सीलरेटेड रेट्स ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शंस दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग नाउ आर लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। सब हम लोग का किया धरा है, हमसे स्वार्थी प्राणी इस धरती पे नहीं है। देयर आर फोर मेजर कॉजेज, चार कॉजेज हैं जिनको हम ईविल क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स रेफर्स टू, तो ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। देखिए जीन, जीन क्या है? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच हैव अ कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर अ सर्टेन कैरेक्टर। डीएनए का वो टुकड़ा जिसके पास जानकारी है किसी एक लक्षण के लिए। जानकारी क्या है? कि आपकी आइरिस का कलर कैसा होगा, आपकी आंखें नीली होंगी, पीली होंगी, हरी होंगी, भूरी होंगी, या शायद की तरह की होंगी। तो उसके लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है। जीन कैसे अपने को दिखाएगा? जीन कहाँ पे है? डीएनए पे। और डीएनए कहाँ पे है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल है, तो उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो डीएनए तो बाहर आ नहीं सकता, डीएनए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर नहीं आने सकता, बिकॉज इट इज अ पॉलीमर एंड अ वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल। तो डीएनए बाहर आ नहीं सकता, लेकिन डीएनए के पास ही जानकारी है। तो डीएनए क्या करेगा? अपना दूत भेजेगा बाहर साइटोप्लाज्म में। क्यों भेजना है भैया? डीएनए अपने को एक्सप्रेस, जीन अपने को एक्सप्रेस कैसे करेगा? जीन के पास जो जानकारी है उसको उसने प्रदर्शित करना है। तो एक्सप्रेशन ऑफ जीन, सेंट्रल डोगमा जिसको हम बोलते हैं, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं। तो डीएनए में बनेगा आरएनए, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए बाहर आ जाएगा न्यूक्लियर कोर से। बाहर क्यों आ गया? क्योंकि यहीं पे साइटोप्लाज्म में आपकी मशीनरी है जो इसको डिकोड करके प्रोटीन बनाएगी। तो ये जो जेनेटिक कोड लेके आया, उस हिसाब से अमीनो एसिड्स असेंबल कर दिए गए और प्रोटीन बन गई, पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई। प्रोटीन बन गई तो फीनोटाइप इफेक्ट होगा। तो जीन ने अपने को एक्सप्रेस कर दिया। तो जीन के एक्सप्रेशन में, जिसको हम लोग सेंट्रल डोगमा बोलते हैं, जीन, जीन पे बना मैसेंजर आरएनए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, एंड मैसेंजर आरएनए देन ट्रांसलेटेड इनटू अ पॉलीपेप्टाइड चेन। जो जानकारी थी उस पर, उसके हिसाब से यहाँ पे साइटोप्लाज्म में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बन गई पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, तो ये था प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है जी। ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, और हमारी क्या बन गई? हमारी बन गई प्रोटीन, जो जीन ने जिस हिसाब से लिख के भेजा था कोडेड भाषा में, कोडेड भाषा में जो जानकारी भेजी थी कि गलत हाथों में ना पड़ जाए। तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद हुआ ट्रांसलेशन, और बन गई आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, सेंट्रल डोगमा। तो ये है आपका सीक्वेंस टैग्स, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। कहाँ दे रखा? मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से चैप्टर 6 से लिया गया क्वेश्चन है। पेज नंबर 119 पे क्लियरली लिखा है, ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए रेफर्स टू एज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, ठीक है, देख लीजिएगा। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एजर्शन, अदर इज रीजन। एजर्शन सेज एटीपी इज यूज्ड एट टू स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस, बिल्कुल ठीक बात है। ग्लूकोज, ग्लूकोज का पहले स्टेप पे हो रहा फास्फोरिलेशन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा, फिर हो रहा आइसोमराइजेशन, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा, फिर से हो रहा फास्फोरिलेशन। तो पहले स्टेप पे एटीपी यूज हुई है और तीसरे स्टेप पे एटीपी यूज हुई है, तो फ्रुक्टोज 1,6-5 फॉस्फेट बन जाएगा। फर्स्ट एटीपी यूज इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एंड सेकंड इज यूज इन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो आपको ये चुन लेना है, ठीक है। एटीपी इज यूटिलाइज एट टू स्टेप, फर्स्ट इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इन टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एंड सेकंड इन द कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6-bisphosphate। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ग्लाइकोलिसिस को जहाँ पे एक्सप्लेन किया है, फ्लो चार्ट दे रखा है। पहले स्टेप पे कौन सा एंजाइम है? एक्सोकाइनेस। और दूसरे स्टेप पे, तीसरे वाले स्टेप पे, जब दूसरा फास्फोरिलेशन हो रहा, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस,
पेज नंबर 229 पे ये आपका दे रखा है। आगे चलता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। द अमाउंट ऑफ सम टॉक्सिक सब्सटेंसेज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंक्रीज्ड ऑन ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। बिल्कुल ठीक है, जिसको कि आप बायोमैग्निफिकेशन बोल रहे हैं, और इसका एग्जाम्पल उन्होंने DDT से दे रखा है। पहले आपके फाइटोप्लैंकटन जो प्रोड्यूसर है, फाइटोप्लैंकटन को किसने खाया? ज़ूप्लैंकटन ने, या कहिए कि भाई हमारी स्मॉल फिशेज ने, स्मॉल फिशेज ने, लार्ज फिशेज ने। इस तरह से आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग हायर ट्रॉफिक लेवल पर मूव होते हैं, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ, आप देखेंगे कि इसकी कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ती चली जाती। किसकी? DDT की, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म बॉडी में नहीं हो रहा। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन अ सीवेज पोल्यूटेड वाटर बॉडी कंज्यूम अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, जिसको आप बोलते हैं BOD, ठीक है जी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की जो खपत होगी, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, साथ में उसका बायोडिग्रेडेशन कर रहे हैं। जितना ज़्यादा पोलूटेंट उतना ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोलॉजी हायर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी आपसे पूछता है कि हाई, अगर BOD हाई है वाटर की, पोलूटेड वाटर की, क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है कि हाईली पोलूटेड है। जितनी ज़्यादा BOD उतना ज़्यादा पोलूटेड, क्योंकि उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एल्गल ब्लूम्स इन कॉज बाय एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर इम्प्रूव वाटर क्वालिटी। इम्प्रूव नहीं करते एल्गल ब्लूम, डिक्रीज कर देते हैं वाटर क्वालिटी को एंड प्रमोट फिशरीज को, बल्कि वो फिश को मोर्टिलिटी बढ़ा देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गड़बड़ है, आपसे पूछा गया था गड़बड़ क्या, आपने इसको चुन लिया। आगे बढ़ता हूँ। कहाँ से लिया गया है? पेज नंबर 276 से लिया गया है। चैप्टर का नाम 16 और इन्वायरमेंटल इशूज, क्लास 12 बायोलॉजी, चैप्टर 16, पेज नंबर 276 पढ़ लीजिएगा। वहीं से ये आपका डिटेल डिस्क्रिप्शन है, समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन कॉर्न कॉब? कॉर्न कॉब में टेसल्स का क्या काम है? ये करते हैं ट्रैप पॉलन ग्रेन को। व्हेन पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन वो लोग बनाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावर्स दैट गेट पॉलिनेटेड बाय विंड? तो आपको वो लिखा रहेगा कि सिंगल ओव्यूल होता है, वही टिक कर देना होगा। एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक इनटू एन इनफ्लोरिसेंस, ठीक है, फ्लावर जो होंगे इनफ्लोरिसेंस पुष्कम, पुष्कम बना देंगे, खूब सारे फ्लावर एक जगह पैक होंगे। अब फेमिलियर एग्जांपल इन द कॉर इज द कॉर्न कॉब। द टेसल्स यू सी द स्टिगमैन स्टाइल, जो टेसल्स आपको दिख रहे हैं लटकन, जैसे लेडीज झुमका पहनती लटकन जो रहती, लटकन कह लीजिए जो दिख रही है, वो क्या है? स्टिगमैन स्टाइल। Which the tassels wave in the wind to trap pollen grains? तो ये जो आपको tassels दिख रहे हैं, बेसिकली स्टिग्मा और स्टाइल के मतलब रूपांतरण है, कहिए या वही हैं, बने हुए हैं। और ये क्या काम क्या है इनका? पॉलन ग्रेन को ट्रैप करते हैं जो विंड में तैर रहे हैं, विंड के साथ इधर उधर जा रहे हैं। तो काम क्या है? पॉलन ग्रेन को ट्रैप करना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पेज नंबर 28 से लिया गया क्वेश्चन है। द थिकनेस ऑफ ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर इन द एटमोसफियर, द थिकनेस ऑफ ओजोन इज मेजर इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ डॉप्सन यूनिट। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन है, जो आप सोच सकते हो कि शायद नहीं पूछेगा। 2021 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह, डॉप्सन यूनिट आर यूज टू मेजर थिकनेस ऑफ, तब उसने डॉप्सन यूनिट दिया था और पूछा था कि किसकी थिकनेस नापते हैं। इस बार पूछा है कि ओजोन की थिकनेस किससे नापते हैं, तो क्वेश्चन वही है। इसीलिए हम लोग कहते हैं PYQ लगाओ। अगर आप PYQ लगा के जाओगे 18 से 23 तक के, या 19 से, चार साल के तो लगा के कम से कम जाना बेटा, 19, 20, 21, 22, 23, ये अगर 5 साल के आप PYQ लगा के जाओगे तो 60-70% क्वेश्चन कराओगे। इन 5 साल में 60-70% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। PYQ लगाने का मतलब क्या है? अब देखिए, एक क्वेश्चन आपका आया है ग्लाइकोलिसिस से, इस बार अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया हम लोगों ने, जिसमें उसने पूछा कि ATP दो जगह यूज़ हो रहा है ग्लाइकोलिसिस में। तो बेटा, जब हम कह रहे हैं PYQ लगाओ, आप केवल ग्लाइकोलिसिस में केवल वही सही पढ़ के थोड़ी ना जाओगे, आप ग्लाइकोलिसिस एज अ होल पढ़ के जाओगे ना। ग्लाइकोलिसिस से इस बार आपको कोई दूसरा क्वेश्चन आ सकता। अब आपको सर ने कहा था जी ये लगा के जाइए 4 साल के, तो 70% आपका फंस जाएगा पेपर। तो बेटा, अगर ग्लाइकोलिसिस से आप केवल यही पढ़ के जाओगे कि भाई ये तो 2022 में आया था कि जब ग्लाइकोलिसिस होता है और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है अप टू द लेवल ऑफ पाइरुविक एसिड, तो कितने नेट ATP का गेन हुआ? 2 ATP का नेट गेन हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन वो हो गया जो आपका 2022 में आया था, 2023 में आया कि किन दो जगहों पे ATP यूज़ हो रहा।
अब आप केवल ग्लाइकोलिसिस में इतना ही पढ़ के जाओगे और ये एक्सपेक्ट करो कि ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आए आप क्रैक कर लोगे, तो बेटा ये बात जेन्युइन नहीं है। आपको ग्लाइकोलिसिस इन डेप्थ कम्प्लीटली पढ़ना है। कितनी जगह आपकी रिड्यूसिंग पावर जनरेट हो रही है, कितनी जगह आपका टोटल एटीपी कितनी जनरेट हो रही है, कितना नेट आपका गेन हो रहा, कितनी जगह आपको सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन मिल रहा, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन किस स्टेप पे मिल रहा है, सेवन्थ स्टेप पे और टेंथ स्टेप पे, सेवन्थ स्टेप पे और कहाँ से इनोलेज जब एंजाइम काम करता है तो वाटर मॉलिक्यूल किस स्टेप पे रिलीज हो रहा। जब आप ग्लाइकोलिसिस से इस तरह से पढ़ के जाओगे आप 80-90% क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे। बात समझे आप? तो जब हम लोग कहते हैं पी वाई क्यू लगाओ, तो खाली आप यही रट के नहीं जाओगे कि डॉप्सन यूनिट यूज टू मेजर थिकनेस ऑफ ओजोन, केवल यही रट के नहीं जाना आपने। अब ओजोन के बारे में बात हो रही है, डॉप्सन यूनिट के बारे में हो रही, तो ओजोन बैड ओजोन गुड ओजोन दो तरह की ओजोन है। बैड ओजोन को बैड ओजोन क्यों बोल रहे हैं, किस स्टेटा में मिल रही है, गुड ओजोन कहाँ पे है, उससे रिलेटेड भी आप पढ़ के जाओगे तब काम आपका बनेगा। ओके, तो पेज नंबर 282 पे दे रखा था, थिकनेस ऑफ ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम अ ग्राउंड टू द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डॉप्सन यूनिट, पेज नंबर 282 पे ये क्लियरली मेंशन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, अब देखिए करेक्ट स्टेटमेंट ये जो दे रखे हैं स्टेटमेंट, बेसिकली ये स्टेटमेंट उसने कहाँ से लिए हैं, डीकम्पोजिशन से लिए हैं। अब डीकम्पोजिशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसके हर स्टेप को आपने पढ़ के जाना है, फ्रेगमेंटेशन क्या है, लीचिंग क्या है, कैटाबॉलिज्म क्या है, ह्यूमस फॉर्मेशन ह्यूमिफिकेशन क्या है, ये सारी बातें अब आपको पढ़ के जानी है। अब आप केवल डीकम्पोजिशन पढ़ के मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाओ तो बात नहीं बनेगी, डीकम्पोजिशन पढ़ के जाइए आपको क्वेश्चन फंसने की पूरी उम्मीद है। रिट्रीवर्स परफॉर्म्स फ्रेगमेंटेशन, ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, वाटर सोल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इन द सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड बाय प्रोसेस फॉर लीचिंग, द डिट्रिटस फूड चेन बिगेन विद लिविंग नो विद डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, अर्थ फॉर्म ब्रेक्स डाउन डिट्रिटस इंटू स्मॉलर पार्टिकल बाय प्रोसेस फॉर कैटाबॉलिज्म, नो दैट प्रोसेस इज फ्रेगमेंटेशन। तो पहले तीनों सही हैं, बाद वाले दोनों गलत हैं। कहाँ पर दे रखा है? हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी, पेज नंबर 243 इकोसिस्टम चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। डिकम्पोजिशन के ये डिफरेंट स्टेप हैं और डिकम्पोजिशन को डिटेल में पढ़ लीजिए, ये अपने आप में पूरा एक टॉपिक है, 15-20 मिनट लग जाएंगे अगर एक एक स्टेप में समझाऊंगा कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, लीचिंग क्या होती है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, मिनरलाइजेशन क्या होता है, ये पाँचों आपको पढ़ने हैं स्टेप। ह्यूमिफिकेशन के ह्यूमस के आपने करेक्टर पढ़ने हैं, फिर आपने ये पढ़ना है कि ह्यूमस का कम्पोजिशन पर डिपेंड करता है कि उसका ब्रेकडाउन किस स्पीड से होगा, ये सारी बातें आपको पढ़नी है। तो अपने आप में पूरा एक ये टॉपिक है जो आपको लेगा आधा घंटा पौना घंटा। तो अब आप केवल ये सोचो जी हमने यही जो आपका क्वेश्चन था पी वाई क्यू यही पढ़ के चले जाएं, तो बेटा आपको आएगा क्वेश्चन तो इसी से डिकम्पोजिशन से, लेकिन दूसरी तरह से क्वेश्चन की फ्रेमिंग होगी, वो दूसरी तरह से पूछेगा, सेम थोड़ी ना उठा के छाप देगा। ठीक है, आगे आइए। लार्ज कलरफुल फ्रेगमेंट फ्लावर्स विद नेक्टर आर सीन इन, किस में मिलेंगे आपको? इंसेक्ट पॉलिनेटिंग प्लांट में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप किसी की सर्विस लेते हैं तो सर्विस टैक्स देते हैं ना, आप इनकी सर्विस ले रहे हैं, इंसेक्ट की प्लांट ले रहा, तुम नहीं ले रहे बेटा, प्लांट ले रहा कि हमारा काम कर दो भाई, हमारे पोलन ग्रेन को पहुंचा दो कहाँ पे, ओवेरी तक पहुंचा दो जहाँ फीमेल गैमेट है, तो वो सर्विस कर देगा आपको, तो सर्विस के रिवॉर्ड मांगेगा। अब उसको रिवॉर्ड में आप क्या ऑफर कर रहे हो, प्लांट क्या ऑफर कर रहा, प्लांट ऑफर कर रहा नेक्टर वगैरह, कि नेक्टर ले लो भाई, पोलन ग्रेन ले लो। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स आर लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर, ज़्यादातर इंसेक्ट पॉलिनेटिंग प्लांट जो होंगे लार्ज होंगे, कलरफुल होंगे, खुशबूदार होंगे और उसमें खूब पराग होगा। वेन द फ्लावर्स आर स्मॉल अ नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इन टू इन्फ्लोरिसेंस टू मेक देम कॉन्स्पिकुअस, तो अगर छोटे छोटे फ्लावर एक जगह इकट्ठे हो गए तो दिखने में नोटिस हो जाएगा कि बड़ा सा कोई फ्लावर हमें अट्रैक्ट कर रहा है, किसको, इंसेक्ट को। तो पेज नंबर 30 पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से लिया गया क्वेश्चन है। आगे चलिए, मूवमेंट एंड एक्युमुलेशन ऑफ पॉइन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या खर्च होती है, एटीपी खर्च होगा और अपहिल जर्नी कर सकते हैं आप, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ चीजें मूव हो सकती क्योंकि आप एनर्जी खर्च कर रहे हैं। अ फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, सच अ ट्रांसपोर्ट इज एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस,
इन विच एटीपी इज यूटिलाइज दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सोडियम पोटेशियम पंप की सहायता लेके काम कर लिया गया, एग्जाम्पल भी दे रखा पे नंबर 132 पे क्लास 11 बायोलॉजी में ये मेंशन है। आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ हिट्रोस्पोरस टाइडोफाइट। तो टाइडोफाइट में स्पोर बनना, स्पोर कहाँ बनेंगे, स्पोरेंजियम में स्पोर बनेंगे, स्पोरेंजियम में। स्पोरेंजियम जहाँ पे होगी उस लीव को बोलेंगे स्पोरोफिल। अब स्पोरेंजियम में क्या है, स्पोर मदर सेल है जो कि होगी डिप्लॉयड, इसमें होंगे मियोसिस डिवीजन और हैप्लॉयड स्पोर्स बन जाएंगे, हैप्लॉयड स्पोर्स बन जाएंगे, ठीक है जी, स्पोर्स बन गए। ये स्पोर्स डिस्पर्स होंगे, जर्मिनेट होंगे, स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, जो प्लांट बॉडी स्पोर प्रोड्यूस करती है उसको स्पोरोफाइट बोलते हैं, जो प्लांट बॉडी गैमेट प्रोड्यूस करती है उसको गैमेटोफाइट बोलते हैं। गैमेटोफाइट कैसा होगा, बट नेचुरल है, हैप्लॉयड होगा क्योंकि हैप्लॉयड स्पोर से बन रहा। अब स्पोर्स जिन प्लांट्स में स्पोर एक ही तरह के बन रहे हैं उनको मोनोस्पोरस बोलेंगे, जिन प्लांट्स में स्पोर दो तरह के बन रहे हैं, माइक्रो छोटे बड़े, माइक्रो एंड मैक्रो, उनको हम हेटरोस्पोरस बोलेंगे। हेटरो का मतलब विषम, सम, होमो का मतलब सम, तो एक ही जैसे बन रहे हैं तो होमोस्पोरस, अलग अलग दो तरह के बन रहे हैं हेटरोस्पोरस, हेटरोस्पोरस में माइक्रोस्पोरस, मैक्रोस्पोरस, माइक्रोस्पोरस डेवलप होकर क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोरस जर्मिनेट होकर देगा जन्म के इसको मेल गैमेटोफाइट को, और हमारा माइक्रोस्पोरस आपको देगा फीमेल गैमेटोफाइट। तो आपके बुक में दे रखा है साफ साफ स्लेजिनेला साल्विनिया एग्जांपल है हेटरोस्पोरस टाइडोफाइट के, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अब ये देखिए, यही क्वेश्चन 2021 में इस तरह से आया था, जनरल लाइक स्लेजिनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, सच प्लांट्स आर नोन एज, तब इस तरह से पूछा था, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, हेटरोस्पोरस, और इस बार पूछा हेटरोस्पोरस टाइडोफाइट इनमें से कौन है, स्लेजिनेला और साल्विनिया 2023 का, इससे एक स्लाइड पहले जो क्वेश्चन था वो 2020, ये 2023 का, ये 2021 का। तो आपकी बुक कह रही जनरल लाइक स्लेजिनेला साल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर, जो दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके लिए कह रहा है जी जनरल लाइक स्लेजिनेला एंड साल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर, मैक्रो एंड माइक्रो स्पोर्स आर नोन एज हेटरोस्पोरस, पेज नंबर 38 प्लांट किंगडम पे ये दे रखा है साफ साफ। ओके चलिए आगे, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, तो हमारा इसमें आ जाएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, वो कहला रही वाइटल कैपेसिटी। अब ये जो आपके डिफरेंट कैपेसिटीज या वॉल्यूम्स हैं, तो वॉल्यूम्स बता जा रहे हैं, वॉल्यूम बता रहे हैं डिफरेंट कंडीशन में द अमाउंट ऑफ एयर दैट लंग कैन होल्ड और कैन होल्ड रिसीव और एक्सपेल, दैट इज डिफरेंट, वो बता रहे वॉल्यूम से उसको हम लोग बता रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में लंग कितनी एयर ले सकता है, होल्ड कर सकता है या उसको एक्सपेल कर सकता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम से बताया गया है। और कैपेसिटीज़ में मोर देन टू जो हम लोग की ये वॉल्यूम है उसका कॉम्बिनेशन कैपेसिटी बताता है। अब वाइटल कैपेसिटी में क्या है, वाइटल कैपेसिटी में नॉर्मल रेस्पिरेशन में जितनी एयर एक बार में कोई ह्यूमन बींग रिसीव कर रहा या इनहेल कर रहा या एक्सहेल कर रहा, वो हो रही है क्या, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम हो गया। अब टाइडल वॉल्यूम के बाद जब आपने एक बार एयर को इन कर लिया, उसके बाद आपने मैक्सिमम उसको फिर से फोर्स लगाई और मैक्सिमम उसको अपने लंग्स बिल्कुल खाली करने की कोशिश करी, तो आपने मैक्सिमम एयर निकाल दी। अब आप जितनी एयर इनहेल कर सकते हो वो है वाइटल कैपेसिटी, ठीक है जी। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप एयर ब्रीद इन कर सकते हो आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपीरेशन। तो नॉर्मल आप जब ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो, इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ देखिए अब समझ में आएगा, नॉर्मल ये देखिए ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, यहाँ पे आपने कहा कि मैं अपने फेफड़े खाली कर दूँगा, आज मैं बड़े गुस्से में हूँ, आपने और अपनी फोर्स लगा दी और एयर निकाल दी जितनी आप मैक्सिमम निकाल सकते हो अपने लंग्स से। जो अब आप एक्स्ट्रा निकाल सकते हो नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट के बाद, वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हो गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इस पे भी आपके लंग खत्म नहीं हुए, अगर ख़त्म हो जाते एयर तो लंग्स कोलैप्स कर जाते, अब जो बची हुई है वो रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस पोजीशन पे अब आप जितनी मैक्सिमम एयर ब्रीद इन कर सकते हो वही है आपकी वाइटल कैपेसिटी। तो सबसे पहले आप ब्रीद इन करोगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर ब्रीद इन करोगे टाइडल वॉल्यूम और फिर ब्रीद इन करोगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम,
तो ये आपका टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या बता रहा, वाइटल कैपेसिटी बता रहा, ठीक है जी। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, वो आपको बताता है वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, हो गया। तो पेज एंड ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से लिया गया ये क्वेश्चन है आपका, बुक का ही, सब कुछ बुक से ही आया, कुछ बाहर से नहीं आया। पेज नंबर 272 से आगे चलता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विचेज ऑफ ऑस्मोरेटर, स्विच ऑफ नहीं करता, एक्टिवेट करता है, ये स्टेटमेंट गड़बड़ है। ADH facilitates water reabsorption to prevent diuresis, बिल्कुल ठीक बात है, ADH water reabsorption करवाता है, कहाँ से, खास तौर पर distal convoluted tubule और collecting tubule से। ANF causes vasodilation, ANF जो है vasodilation cause करता है, बिल्कुल ठीक बात है, arterial musculature उसको release करता है, arterial wall का muscles, और ये vasodilation करवाता है। ADH causes increase in BP, हाँ, क्योंकि ADH क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करवाएगा, वाटर के एब्जॉर्ब कराने से ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा। ADH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन GFR, डिक्रीज नहीं इंक्रीज करवाता है GFR, क्योंकि बीपी बढ़ जाता है तो GFR तो इंक्रीज है, लेकिन यूरिन का वॉल्यूम कम होगा क्योंकि ये वाटर को रीअब्जॉर्ब भी तो करवाता है, ठीक है, तो डिक्रीज इन GFR नहीं करवा रहा। तो बी सी डी ठीक है, ए और ई गलत है स्टेटमेंट। तो ये पोस्टीरियर लोब आपका पिट्यूटरी का रिलीज करता है ADH, जिसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब इसके लिए इतना सब डिस्क्राइब किया तो फिर 15 मिनट लगेंगे। पेज नंबर 333 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन पे देख लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, इससे रिलेटेड मेरे वीडियोज देख लीजिए, वरना इसमें लग जाएगा टाइम, या आप इसको स्क्रीन कैप्चर करके खुद ही पढ़ लीजिए, आपको सब समझ में आएगा, अच्छे से यहाँ डिटेल दे रखी है कि वो क्या रहा है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाय, कॉकरोच में एक्सक्रीशन किसके द्वारा हो रहा है, इंसेक्ट्स में एक्सक्रीशन मेनली मेलपिगियन ट्यूब्यूल से हो रहा है, लेकिन साथ के साथ और भी कई सारे ऑर्गन हैं जो उसमें हेल्प कर रहे हैं, यूरिकोस ग्लैंड है, नेफ्रोसाइट है, फैट बॉडीज हैं, जो आपकी बुक में साफ साफ मैंशन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी सी डी। तो एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, देखिए मेनली मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स हैं, ईच ट्यूब्यूल इज लाइन बाय ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल्स, दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड व्हिच इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द हाइंडगट, ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्ट को प्रोडक्ट को ये लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको यूरिक एसिड में बदलते हैं और एक्सक्रीशन वाया हाइंडगट हो जाता है। देयरफॉर इंसेक्ट इज कॉल्ड यूरिकोटेलिक, क्योंकि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करना यूरिकोटेलिक कहलाए। इन एडिशन फैट बॉडी नेफ्रोसाइट एंड यूरिकोस ग्लैंड also help in excretion. तो इसके साथ साथ मेलपिगियन ट्यूब्यूल के साथ फैट बॉडी नेफ्रोसाइट और यूरिकोस ग्लैंड्स भी हेल्प कर रही हैं। पेज नंबर 114 स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, वहाँ पे ये दे रखा। ओके जी, आंसर हो गया आपका, आगे चलते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं अगले क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इन ब्रीडिंग, जब क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में सेम स्पीसीज के सेम ब्रीड के इस सेम ब्रीड के इंडिविजुअल्स के बीच में जो क्लोजली रिलेटेड है उनके बीच में जब आप करवाते जाते हैं फर्टिलाइजेशन तब ये होती है इनब्रीडिंग कहलाती है, मेटिंग करवाते जाते हैं। इट डिक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन आफ्टर कंटिन्यूस इनब्रीडिंग, ठीक है, डिक्रीज कर देता है, जिसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं, बिल्कुल यही कारण है, क्योंकि ये एडवांटेज नहीं डिसएडवांटेज है, अगर आप कंटिन्यूस इनब्रीडिंग कराते जाएंगे तो ये दिक्कत आगे चल के आने वाली 4-6-8 जनरेशन के बाद। इट डिक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, गलत स्टेटमेंट है, इट इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, वो इंक्रीज करता, अगर आप इनब्रीडिंग कराते जाएंगे होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करेगा और उससे आप प्योरलाइन प्लांट्स बना सकते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट ही गड़बड़ा है, इसलिए हम उसको चुन नहीं सकते। अगर स्टेटमेंट सही दिया होता पहले, तो स्टेटमेंट सही होना, इट इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, अगर स्टेटमेंट सही होता तो वो एडवांटेज होता। इट एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन, हार्मफुल रिसेसिव जीन, देखिए हार्मफुल रिसेसिव जीन है तो उसका रिसेसिव एलील है तो डोमिनेंट एलील भी होगा, हिट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट एलील इसको दबा रहा है और इसका एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन आई तो ये अपना असर दिखा देगा। अब इसको चुप कराने वाला जो था रिसेसिव जीन को, जो उसको ओवरकम कर रहा था, जो उसको ओवरशेडो कर रहा था, वो तो है नहीं, तो ये अपना इफेक्ट दिखा देगा, और जैसे ही अपना इफेक्ट दिखाएगा नेचुरल सिलेक्शन इसको सिलेक्ट करना बंद कर देगा, नेचुरल सिलेक्शन प्ले में आ जाएगा और ये
पॉपुलेशन से बाहर हो गया, एलिमिनेट हो गया, तो एक्सपोज कर देता हार्मफुल रिसेसिव जीन और वो एलिमिनेट हो जाएगा सिलेक्शन के द्वारा, या एलिमिनेट सिलेक्शन उसको एलिमिनेट कर दे रहा। तो ये तो फायदा है ना, नुकसान थोड़ी। उसने पूछा विच इज़ नॉट एन एडवांटेज, ये एडवांटेज है, एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन। लेस डिजायरेबल जीन का एलिमिनेशन हो गया और जो सुपीरियर जीन है होमोजाइगोसिटी बढ़ती चली जा रही, तो सुपीरियर जीन इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, तो ये भी एडवांटेज है, ये भी एडवांटेज है। ये स्टेटमेंट ही गड़बड़ है, इसलिए आंसर हो नहीं सकता। ये स्टेटमेंट ठीक है और साथ के साथ उसके डिसएडवांटेज को बता रहा है कि भाई यही आगे चल के हो जाएगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। पेज नंबर 167 पे स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन पे इन्होंने बता रखा है कि इन ब्रीडिंग अगर आप कराते चले जाएंगे, इन ब्रीडिंग एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन एक्सपोज कर देगा, हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन हेल्प कर रहा, दिस अप्रोच वेयर देयर इज सिलेक्शन एट एवरी स्टेज इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इन ब्रीड पॉपुलेशन की इनिशियली तो बढ़ रही है, लेकिन अगर आप लगातार इन ब्रीडिंग कराते गए स्पेशली क्लोज रिलेटेड, वो बहुत ही क्लोज रिलेटेड है, तब फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और उसी को हम बोलेंगे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो आप सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब है बाई सींग फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से ही देखने पे यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल है, पेज नंबर पेज आपके दे रखा है 112 पे आपकी बुक एनसीईआरटी में क्लास 11 की। तो मेल बियर्स अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स एबसेंट इन फीमेल, तो बाहर से ही देख के आप एनल स्टाइल है तो मेल का अप्रोच, एनल स्टाइल नहीं है तो फीमेल का अप्रोच है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, अब पूछा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बेसोफिल मोस्ट अबंडेंट सेल्स नो बियर न्यूट्रोफिल्स होती हैं, बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, ये ठीक है, हिस्टामिन सिक्रीट कर रही है, सेरोटोनिन और रिपेनिन सिक्रीट कर रही है, इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, बिल्कुल ठीक बात है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होती है। किडनी शेप न्यूक्लियस, एस शेप न्यूक्लियस होता है, किडनी शेप न्यूक्लियस नहीं होता। ए ग्रैनुलोसाइट नहीं, ग्रैनुलोसाइट होती है। तो देखिए आइए बेसोफिल के बारे में जाने, तो कह रहा है दो मेन कैटेगरी हैं WBC की, ग्रैनुलोसाइट ए ग्रैनुलोसाइट जिनके साइटोप्लाज्म में आपको ग्रैनुल्स मिल रहे हैं, ग्रैनुलोसाइट जिनके साइटोप्लाज्म में आपको ग्रैनुल नहीं मिल रहे वो ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट फर्दर तीन तरह की, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और आपकी न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, ए ग्रैनुलोसाइट आपके लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अब हम लोग आ जाते हैं किसके बारे में बात हो रही है, बेसोफिल के बारे में बात हो रही है। तो देखिए ये आपके थोड़ा सा आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ल्यूकोसाइट का जो आपका नॉर्मल वैल्यू है वो है 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूबिक ब्लड के, तो जिसको हम लोग TLC बोलते हैं। TLC बढ़ कब जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, डिक्रीज कब हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन में। दो तरह की ग्रैनुलोसाइट, एक ग्रैनुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइट फर्दर तीन तरह की, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ईओफिल, ईओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। 2 to 7 लोब है न्यूक्लियस न्यूट्रोफिल का, तो ये न्यूट्रोफिल का यहाँ पे मैंने दे रखा आपको, देखिए 3 लोब बना रखी है, 2 to 7 लोब न्यूक्लियस मिलेगा, ग्रैन्यूल्स होंगे जो न्यूट्रल डाई से स्टेन हो जाएंगे, इसीलिए नाम इसका बोला जा रहा है न्यूट्रोफिल। ईओसिनोफिल न्यूक्लियस इज 2 लोब, इसमें न्यूक्लियस 2 लोब है, देखिए 2 लोब का न्यूक्लियस है और दे हैव कोर्स मोटे, मतलब मोटे मोटे ग्रैन्यूल्स हैं, कोर्स ग्रैन्यूल्स हैं, ग्रैन्यूल्स से एक एसिडिक स्टेन, ईओसिन से स्टेन हो रहा है, एसिडिक स्टेन ले रहे हैं, इसको हम लोग एसिडोफिल या ईओसिनोफिल बोल रहे हैं, फिल का मतलब लविंग। और 2 to 3% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट्स हैं, ये मुश्किल से 2 to 3% टोटल है। और लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन WBC की, लॉन्गेस्ट लाइफ अगर पूछा जाए तो ईओसिनोफिल की होती है। आगे चलिए बेसोफिल पे आए, बेसोफिल एस शेप्ड है, न्यूक्लियस एस शेप्ड है, उसने आपको न्यूक्लियस क्या दिया था, न्यूक्लियस उसने दिया था किडनी शेप, तो इसमें न्यूक्लियस आपको कैसा मिल रहा है, एस शेप्ड मिल रहा है, 3 लोब्ड होगा, स्टेन विद बेसिक डाई, बेसिक डाई से स्टेन हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बेसोफिल बोल रहे हैं। और ये दे आर द लार्जेस्ट टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइट में लार्जेस्ट होती है ये, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सिक्रीट क्या कर रही है, हिस्टामिन सेरोटोनिन सिक्रीट कर रही है और हिपेरिन सिक्रीट कर रही है, ठीक है जी। आगे चलूँ, अब आप देखिए कि आपको जो उसने क्वेश्चन दिया था उसमें कहा था कि न्यूक्लियस कैसा है, उसने कहा जी न्यूक्लियस इसका कैसा बता रहा था, चलिए देखें जरा क्वेश्चन में न्यूक्लियस कैसा बता रहा था, दे आर न्यूक्लियस किडनी शेप न्यूक्लियस बता रहा, ठीक है, किडनी शेप न्यूक्लियस नहीं होता, एस शेप न्यूक्लियस होता है, हमारे ब्रेस्ट बेसोफिल में एस शेप न्यूक्लियस है, तो किडनी शेप न्यूक्लियस नहीं है।
अब हम लोग ये बात करेंगे भाई ये किडनी शेप न्यूक्लियस अगर इसने जिक्र यहाँ पे किया है तो किडनी शेप न्यूक्लियस आपको मिल किस में रहा, आइए वो भी देख लें। किडनी शेप न्यूक्लियस हम लोग को किस में मिल रहा, लार्जेस्ट एमीबॉइड इन शेप है, मोनोसाइट्स में देखिए किडनी शेप न्यूक्लियस मिल रहा, मोनोसाइट्स में किडनी शेप न्यूक्लियस मिल रहा, लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट है, अमीबॉयड इन शेप है और किड न्यूक्लियस का शेप किडनी शेप है। ये बात मैं हाईलाइट करना चाहता था इसलिए मैंने यहाँ पे एक दो मिनट आपके लिए लिए। आगे चलते हैं, जहाँ यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक, तो आपकी बुक में ये भी दे रखा प्रेजेंस ऑफ हेयर पिन्ना एंड मेमेरी ग्लैंड्स, ये आपकी यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक में आता है। कहाँ पे दे रखा, पेज नंबर 60 एनिमल किंगडम में, जहाँ पे आके मेमेलिया क्लास मेमेलिया को उसने डिस्क्राइब किया वहाँ पे दे रखा। फैमिली फैबेसी डिफर्स फ्रॉम सोलेनेसी एंड लिलिएसी विद रिस्पेक्ट टू स्टामिन, पिक अप द कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक टू फैमिली फैबेसी बट नॉट फाउंड इन सोलेनेसी एंड लिलिएसी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा फैमिली फैबेसी में डायडेल्फस डायथीकस आपको स्टामिन मिल रहा है। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं ये सब इनके टर्म के मतलब क्या है। तो स्टैमिन इन अ फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री, अगर फ्री है स्टैमिन फ्लावर में, स्टैमिन क्या है भाई, हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम की यूनिट है स्टैमिन। स्टैमिन में फिलामेंटस फिलामेंट और एंथर मिलेगा आपको, फिलामेंट और एंथर वो बना रहा है स्टैमिन। तो स्टैमिन इन अ फ्लावर में रिमेन फ्री, अगर फ्री है पॉलीएंड्रस बोल रहे हैं और मे बी यूनाइटेड, अलग अलग तरह से आपको उसका यूनियन देखने को मिल सकता है। तो इसके अलग अलग हम उसके डिस्क्रिप्शन करेंगे। स्टैमेंस में भी यूनाइटेड इनटू वन बंच, अगर एक ही बंच में यूनाइटेड है तो हम बोल रहे हैं मोनोडेल्फस, जैसे कि चाइना रोज में आपको देखने को मिल रहा है। अगर दो बंडल में है तो हम बोलेंगे कि डायडेल्फस, जैसे कि पी में, और अगर कई सारे बंडल बना रहा है तो पॉलीएडेल्फस, जैसा कि सिट्रस प्लांट में। तो एंड्रोशियम इन फैबेसी, फैबेसी में कैसा है, फैबेसी में डायडेल्फस है डायथीकस है। सोलेनेसी में कैसा है, एपिपेटलस है, स्टैमेन 5 है एपिपेटलस है। और लिलिएसी में कैसा है, लिलिएसी में पॉलीएंड्रस है, पॉलीएंड्रस कैसा था सभी फ्री हो और डायथीकस था। तो हमारे फैबेसी में कैसा है, डायडेल्फस डायथीकस, यही उसने पूछा आपसे कि भाई फैमिली फैबेसी में एंड्रोशियम को किस तरह से डिस्क्राइब किया जा रहा है या क्या ऐसा स्पेसिफिक है जो उसमें लिलिएसी और सोलेनेसी में नहीं है। तो फैमिली फैबेसी का जो स्टैमेंस है वो डायडेल्फस है डायथीकस है, जबकि सोलेनेसी में एपिपेटलस है और लिलिएसी में पॉलीएंड्रस है और डायथीकस है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डायडेल्फस एंड डायथीकस, ठीक है। चलिए आगे, तो पेज नंबर 72 मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट, वहाँ पे इसके बारे में आपको और थोड़ा सा जानकारी मिल जाएगी जितनी जानकारी मैंने दी। आगे चलते हैं, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, तो यहाँ पे जो दे रखा है इंटर स्पेसिफिक रिलेशन दे रखा है, अगर दो स्पीसीज के बीच में किस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है उसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो लेपर्ड और लॉयन क्या फेस कर रहे हैं, कंपटीशन, क्योंकि उनके जो रिसोर्सेज हैं फूड वगैरह जिन पे वो डिपेंड कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में फूड पे जिस पे वो डिपेंड कर रहे हैं, दोनों ही कार्निवोरस हैं तो एक दूसरे को कम्पिटीट कर रहे हैं फॉर फूड, तो कंपटीशन हो जाएगा। कुकू लेइंग एग इन अ क्रोस नेस्ट, तो आप देखेंगे कि कोयल अपने अंडे दे देती है कहाँ पे, क्रो के नेस्ट में, कौवे के घोंसले में उसने अंडे दे दिए, तो कौवा उसको अपने अंडे समझ के सेकता, उसकी देखभाल करता। तो ब्रूड पैरासिटिज्म में इसको डिस्क्राइब किया गया आपकी बुक में। फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट, जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं, म्यूचुअलिज्म माइकोरिजा बना रहा, और ये म्यूचुअलिज्म क्योंकि फंजाई उसको एब्जॉर्ब करके दे रहा हायर प्लांट्स की सेल्स को, रूट्स की सेल्स को क्या एब्जॉर्ब करके दे रहा, मिनरल्स और वाटर बदले में क्या ले रहा, पका पकाया खाना, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है नहीं, ये हिटरोट्रॉफ है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, उससे ऑर्गेनिक मटेरियल ले रहा है, दोनों एक दूसरे से फ़ायदा उठा रहे हैं, और ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों एक दूसरे से फ़ायदा उठाएं उसको म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। अ कैटल एग्रेट एंड कैटल इन अ फील्ड, तो कैटल एग्रेट क्या है भाई और कैटल क्या है, कैटल आप जानते हैं भैया हमारे मवेशी जो ग्रास लैंड में चर रहे हैं, जब अपना भोजन खा रहे हैं तो जैसे ही वो मूव होते हैं खेतों के बीच से, खेत खलिहान के बीच से, तो उसमें जो इंसेक्ट्स हैं उड़ के ऊपर आ जाते हैं और इन पे जो बैठे हुए पक्षी हैं वो उसको फटाक से खा लेते हैं। तो ये एग्जांपल है कॉमन सेलिज्म का। कॉमन सेलिज्म में आप देखेंगे कि एक स्पीसीज को फ़ायदा और एक को कोई भी नफा नुकसान नहीं। यहाँ पर फ़ायदा किसको है, यहाँ पर फ़ायदा कैटल एग्रेट को है और कैटल को कोई भी हार्म नहीं है। तो ये देखिए पेज नंबर 232 पे, जहाँ पर डिफरेंट इंटरेक्शन को बताया गया है और उनके स्पेसिफिक टर्म डिस्क्राइब किए गए हैं, वहाँ पे आपको इसके बारे में जानकारी और मिल जाएगी।
तो लेपर्ड और लॉयन आपस में एक दूसरे के कंपिटिटर हैं, कंपटीशन फेस कर रहे हैं। कैटल एग्रेट और कैटल कॉमर्शियलिज्म का एग्जांपल हो गया। माइकोरिजा जिसमें कि फंजाई पार्टिसिपेट कर रहा है और प्लांट की हायर सेल्स रूट की हायर प्लांट्स की रूट सेल्स, वो आपके माइकोरिजा का एग्जांपल हो गया जिसमें दोनों ही एक दूसरे से फ़ायदा उठा रहे, म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल हो गया। ठीक, आगे चलता हूँ। इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट लीफ मेसोफिल सेल्स आर पुट इन अ कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैलस। देखिए, जब जो हमारी सेल्स बनती हैं वो ग्रोथ करने के बाद डिफरेंशिएट हो जाती हैं, एक रूपांतरित हो जाती हैं, एक किसी रूप में ढल जाती हैं स्पेसिफिक काम करने के लिए। उसके बाद जब वो डिफरेंशिएट हो जाती हैं तब वो सेल्स लूजेज द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, उन वो डिवाइड फर्दर नहीं होती। लेकिन अगर किसी कारणवश वो लिविंग सेल्स जो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर चुकी डिवीजन की, वो रीगेन कर लें प्रॉपर्टी और स्टार्ट डिवाइडिंग अगेन, मतलब मैच्योर सेल्स गेट कन्वर्टेड इनटू मेरिस्मेटिक सेल, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन हुआ है, एक बार सेल्स जो डिफरेंशिएट हो गई वो दोबारा फिर से कैलस फॉर्मेशन कर दिया, मतलब उन्होंने ऐसी सेल्स का ग्रुप ऑफ सेल्स बना दिया जो भी डिफरेंशिएट नहीं हुई, उसको बोलते हैं कैलस। तो मतलब डिवाइड हुई फिर से और उन्होंने ग्रुप ऑफ सेल्स बना दिया, कैलस बना दिया। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया फिनोमिनन में भी कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। तो इसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में। तो सीनेसेंस इज द प्रोसेस इन विच सेल्स रीच परमानेंट ग्रोथ एंड रेस्ट विदाउट द डेथ ऑफ सेल्स एज द होल सेल डिवीजन प्रोसेस कम्स टू होल्ड। ये सीनेसेंस को डिस्क्राइब किया गया कि सीनेसेंस क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पे सीनेसेंस की बात नहीं हो रही, डिफरेंशिएशन की बात नहीं हो रही। डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच मेरिस्मेटिक टिश्यू अंडरगो परमानेंट चेंज टू फॉर्म स्पेशलाइज सेल। परमानेंट चेंज हो गया, मेरिस्मेटिक उनकी जो क्वालिटी थी उन्होंने लूज कर ली। डी डिफरेंशिएशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स फ्रॉम अ डिफरेंशिएटेड स्टेट टू अ लेस डिफरेंशिएटेड स्टेट और स्टेम सेल लाइक स्टेट, मतलब मेरिस्मेटिक सेल्स में फिर से कन्वर्ट हो गई एंड दे स्टार्ट डिवाइडिंग अगेन। तो ये आपकी बुक में साफ साफ दे रखा है। विच हार्मोन प्रमोट्स इलोंगेशन इन डीप वाटर थी, बहुत आसान क्वेश्चन था, इथाइलिन। इसका आंसर है पेज नंबर 250 पे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इसको डिस्क्राइब किया गया। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर वन से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर मोस्ट वाइडली यूज इन थर्मल पावर प्लांट, बिल्कुल ठीक बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन थर्मल पावर प्लांट रिमूव्स आयनाइजिंग रेडिएशंस। आयनाइजिंग रेडिएशंस ये लोग रिमूव नहीं करते। तो स्टेटमेंट फर्स्ट ठीक है, सेकंड गड़बड़ है। पे आपका चैप्टर 16 इन्वायरमेंटल इशू से लिया गया क्वेश्चन है और वहाँ पे आप देखिए इन्होंने डिस्क्राइब किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में पूछ रहा है जी, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। दिस डिसऑर्डर वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लैंगडॉन डाउन। डाउन ने डिस्क्राइब किया था डाउन सिंड्रोम, जो 21st क्रोमोजोम की ट्राइसोमी होती है। सच इंडिविजुअल हैज़ ओवर ऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, हाउएवर द फेमिनाइन डेवलपमेंट इज ऑल्सो एक्सप्रेस। बिल्कुल ठीक बात है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का जो ऑर्गेनिज्म होगा उसका जेनेटिक मेकअप होगा आपका 44+XXY। तो बेसिकली ये बॉय है जिसमें एक एक्स ज़्यादा आ गया। जेनेटिक मेकअप किसी हेल्दी बॉय का, नॉर्मल बॉय का क्या होना चाहिए, 44 ऑटोसोम प्लस अ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम में एक्स और वाई। इसमें एक एक्स ज़्यादा है, एक एक्स ज़्यादा होने की वजह से सब दिक्कत हो रही है कि ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट तो है, मेल तो बन रहा है, लेकिन साथ के साथ फेमिनाइन डेवलपमेंट भी हो गया। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर्ड, फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल। तो ये इंडिविजुअल्स क्या होंगे, स्टेराइल होंगे, शॉर्ट स्टेचर्ड, ये आपको डाउन सिंड्रोम में मिलेगा। फिजिकल साइकोमोटर मेंटल डेवलपमेंट डाउन सिंड्रोम में मिलेगा। तो दो ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं आपके, कौन से, बी और ई। आपको किसको चुन लेना है, बी और ई को। तो बेसिकली ये आपकी सेक्स क्रोमोजोम की ट्राइसोमी है। सेक्स क्रोमोसोम के तीन आपको कॉपी मिल रही है, दो मिलनी चाहिए, या तो XX या XY। यहाँ पे क्या मिल रहा है, XXY। ठीक है, पेज नंबर 92 पे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। मेलोनेट इनिबेट ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनिबेटिंग द एक्टिविटी ऑफ मेलोनेट। किसकी एक्टिविटी को इनिबेट करता है, मेलोनेट इनिबेट करता है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज की, क्योंकि सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज किस पे काम करना चाहता है, सक्सीनेट पे। और जब दो सबस्ट्रेट
और आपके इनहिबिटर उनका केमिकल स्ट्रक्चर मॉलिकुलर स्ट्रक्चर सेम हो तो आपस में कम्पिटिट करते हैं किसके लिए कि भाई वो जो एंजाइम की है जो एक्टिव साइट है उस पर बैठने के लिए फिट बैठने के लिए एंजाइम की एक्टिव साइट पे मेलोनेट भी बैठना चाहता है सक्सीनेट भी उस पर फिक्स होना चाहता है। आप जानते हैं एंजाइम जब सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है फाइनली एंजाइम अलग प्रोडक्ट अलग एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देता है। उसके लिए क्या होगा उसके लिए सबस्ट्रेट पहले उसकी एक्टिव साइट पर फिट बैठेगा तब एंजाइम उस पर वर्क कर पाएगा और उसको सबस्ट्रेट में बॉन्ड तोड़ेगा नए बॉन्ड बनाएगा और नया स्ट्रक्चर प्रोडक्ट के रूप में रिलीज कर देगा। तो ये एक्टिव साइट पर बैठने के लिए अब सीट मानिए जैसी सीट है वैसा ही स्ट्रक्चर इसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट का सक्सीनिक एसिड का वैसा ही मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट वैसा ही मेलोनेट का तो इसमें कंपटीशन होने लगा। वो कह रहा मैं अभी आपने देखा कंपटीशन हुआ दो के बीच में कि मैं सीएम बनूंगा तो कौन सीएम बना आखिरी में एक सीएम बना तो उनके बीच में कंपटीशन हुआ ना वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। इस तरह का जो कंपटीशन होता वो आपका कैसा कहलाता है देख के बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका मेलोनेट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज ठीक है। और यहाँ पे आपको दे रखा है कम्पिटिटिव इनहिबिटर कहला रहा है इट इज ऑल्सो नोन एज कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्लोजली रिलेम्बर कर रहा है सबस्ट्रेट के साथ। तो ये आपका पेज नंबर 159 बायोमोलिक्यूल चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है वहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया गया है। आगे चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड फॉर केमी ऑस्मोसिस तो केमी ऑस्मोसिस में क्या होगा प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए आपको सबसे पहले तो एक मेम्ब्रेन चाहिए फिर प्रोटॉन पंप चाहिए जो प्रोटॉन को धकेले कहाँ अपहिल जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पे उसको पुश करें और जहाँ कंसंट्रेशन कम है वहाँ से प्रोटॉन को लाए तभी तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा। तो बेसिकली आपको मेम्ब्रेन चाहिए प्रोटॉन पंप चाहिए और आपको प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए और फाइनली प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक करने के लिए जब वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से निकलेगा तो यहाँ पे आपको एटीपी सिंथेटेस चाहिए चार चीज़ें चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमें चाहिए मेम्ब्रेन हमें चाहिए प्रोटॉन पंप हमें चाहिए प्रोटॉन ग्रेडियंट और हमें चाहिए एटीपी सिंथेटेस। केमी ऑस्मोसिस थ्योरी किसने एक्सप्लेन करी थी पीटर मिशेल ने एक्सप्लेन करी थी और क्लोरोप्लास्ट में आपको कहाँ देखने को मिल रही थायलाक्वाइट की ल्यूमन में थायलाक्वाइट की ल्यूमन में यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। कैसे बनता है तीन बातें हैं एक तो स्ट्रोमा से प्रोटॉन यहाँ लाए जा रहे हैं कब लाए जा रहे हैं जब इलेक्ट्रॉन राउंड द ग्रेडियंट आते हैं तो प्रोटॉन पंप प्रोटॉन को इधर ले आता है। दूसरा फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रही है तो इनसाइड ल्यूमेन हो रही है अंदर की तरफ हो रही है यहाँ पे प्रोटॉन बढ़ रहे हैं और तीसरा प्रोटॉन यहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं स्ट्रोमा साइड पे तो बाहर की तरफ खर्च हो रहे हैं अंदर लाए जा रहे हैं और अंदर रिलीज हो रहे हैं तो अंदर यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाएगा थायलाक्वाइट की ल्यूमेन क्लोरोप्लास्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है यहाँ पे ये हमारी आउटर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है ये इनर मेम्ब्रेन है तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है फाइनली प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेक थ्रू होता है और अल्टीमेटली एटीपी सिंथेसिस होता है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए हमें क्या क्या चाहिए सबसे पहले तो हमें मेम्ब्रेन चाहिए उसके बाद प्रोटॉन पंप चाहिए प्रोटॉन पंप जो पंप करेगा प्रोटॉन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोटॉन ग्रेडियंट बिल्टअप होगा और एटीपी सिंथेसिस चाहिए चार चीज़ें हमें चाहिए। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट वहाँ पे क्लियरली ये मेंशन नहीं है ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। अगर आप केमी ऑस्मोसिस थ्योरी पढ़ के जाएंगे और समझेंगे कि हुआ क्या प्रोसेस पूरा समझ जाएंगे तब आप उसका जवाब दे पाएंगे। तो ये अगर आप बुक लेके बैठ जाओगे और वहाँ देखोगे ये लिखा हो कि द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर केमी ऑस्मोसिस ऐसा कोई कहीं कुछ लिखा नहीं। मैच द लिस्ट पे आ जाइए आयरन क्या है आयरन एक्टिवेटर ऑफ कैटालेज है जिंक क्या है जिंक सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन में पार्टिसिपेट करता जिंक चाहिए ऑक्सीजन के सिंथेसिस के लिए। बोरॉन क्या करता है सेल इलोंगेशन सेल डिफ्रेंशिएशन में रोल है। मॉलिब्डेनम क्या है कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज है। तो ये आपकी बुक में साफ साफ दे रखा पेज नंबर 198 मिनरल न्यूट्रिशन जब आप जिंक पढ़ेंगे नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन दे रखा बोरॉन रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम मेम्ब्रेन फंक्शनिंग पोलन जर्मिनेशन दे रखा मॉलिब्डेनम कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम इंक्लूडिंग नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज दे रखा। तो पेज नंबर 198 मिनरल न्यूट्रिशन जब आप पढ़ेंगे ध्यान से वहाँ आपको ये मिल जाएगा ठीक है जी। आइए मैच द कॉलम
कॉलम लिस्ट को मैच करते हैं। ग्लाइकोलिसिस क्या है? ईएमपी पाथवे कहलाता है, एमडन मेयर और पार्नस पाथवे, तीनों साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन क्या है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्या है? जब आप पाइरुविक एसिड बन गया, पाइरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा और एसिटाइल कोएंजाइम में बन रहा है, ठीक है, जिसको कि आप लिंक रिएक्शन बोलते हैं। बुक पे आपकी साफ साफ दे रखा पाइरुविक एसिड अंडर को ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, तो एक CO2 निकल जाएगी। एसिटाइल कोएंजाइम में पाइरुविक एसिड आपका तीन कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड है, इसमें दो कार्बन है, तो ये आपका पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है वहाँ पे, जहाँ पे पाइरुविक एसिड का कन्वर्जन एसिटाइल कोएंजाइम में हो रहा है। इस पर आप लिख लीजिए पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहाँ होता है? ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन संबंधित है हमारा किससे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल की शुरुआत किससे हो रही है? ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल की शुरुआत सिट्रिक एसिड के फॉर्मेशन से हो रही है। पहले स्टेप पे सिट्रिक एसिड बनता है, सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम है, ठीक है। तो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में पहले स्टेप पे एसिटाइल कोएंजाइम का कंडेंसेशन हो रहा है, किसके? इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम एंड वाटर, इट गो अंडर कंडेंसेशन विद किसके? ऑक्सैलोएस्टिक एसिड के साथ, और सिट्रिक एसिड बनता है, तो सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम है। ये सारी बातें अब आप मिला लीजिए। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, इसके अगेंस्ट आप लिख लीजिए पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। ग्लाइकोलिसिस के अगेंस्ट आप लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन, ये हमारा ईएमपी, एमडन मेयर ऑफ पार्नस पाथवे। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का आपका आंसर हो गया सिट्रेट सिंथेटेज। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का था, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस 2431 आंसर देख लीजिए जहाँ पे हो, 2431 ये वाला ऑप्शन थ्री आंसर हो गया। रेस्पिरेशन इन प्लांट से लिया गया है, सारी बातें पेज 230 पे देख लीजिए। आइए ये वाला क्वेश्चन देखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। तो लिस्ट वन में आपको फेजेस दे रखी हैं सेल डिवीजन की, लिस्ट टू में उन फेजेस में क्या हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग उसको हमें मैच करना। तो आप सेल साइकिल को या सेल डिवीजन को हम लोग बांट सकते हैं किसमें? हम लोग बांट सकते हैं दो फेज, इंटरफेज और एम फेज में। इंटरफेज को फर्दर बांट सकते हैं G1, S, G2 और यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, और फाइनली साइटोकाइनेसिस के बाद वन पेरेंटल सेल गिव राइज टू टू डॉटर सेल। एम फेज के, एम फेज प्रॉपर सेल डिवीजन की फेज है जिसमें सेल डिवीजन होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और अल्टीमेटली वन पेरेंटल सेल गिव राइज टू टू डॉटर सेल। तो इसके अपोजिट, एक अपोजिट आप फोर लिख लीजिए। जी टू फेज में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं जो सेल डिवीजन के लिए आवश्यक है, तो इसके अपोजिट आप वन लिख लीजिए। क्विंसेंट स्टेज क्या? इसको बेसिकली हम लोग इनएक्टिव स्टेज मानते हैं, इसके अपोजिट टू लिख लीजिए। और जी वन फेज क्या? जी वन फेज है इंटरवल बिटवीन एम फेज एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन। यहाँ पे आके एम फेज खत्म हुआ, ये है आपका जी वन, और यहाँ पे फिर डीएनए डुप्लीकेशन का इनिशिएशन होता है। तो ये है इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ सेल, इनिशिएशन ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन। तो इसके अपोजिट आप थ्री लिख लीजिए, तो A4 B1 C2 D3, ये हो जाएगा आपका आंसर। सेम क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन आपको नीट 2021 में पूछा गया था, ये देखिए। तो इसमें देखिए यही क्वेश्चन अलग लैंग्वेज के साथ अलग तरीके से आपको 2023 में पूछा गया, इसलिए जब हम आप लोग को कहते हैं, कोई भी एजुकेटर जब आपसे कहता है कि पी वाई क्यू जरूर लगा लीजिए, तो पी वाई क्यू पिछले लास्ट 5 ईयर के जरूर लगाइएगा, उससे ज़्यादा आप और ज़्यादा 90 से ना चालू हो जाइए या 2000 से ना चालू हो जाइए। नेक्स्ट ईयर आपका 2024 है, तो आपको 2018 या 19 से क्वेश्चन पेपर लगा लेना चाहिए। अगर आप 2018 से 23 के नीट के पी वाई क्यू लगा के जाएंगे, तो आप समझिए अगर आपने वाकई पी वाई क्यू कायदे से लगाया, मतलब ये नहीं कि आपने जो क्वेश्चन आया केवल उसका रट्टा मार लिया, क्वेश्चन किस टॉपिक से है, कहाँ से है, वो पैराग्राफ नीट NCERT का उसको आप अच्छे से समझिए। और अगर मैंने आपसे पूछा कि रामलाल जी के पिता कौन थे, तो अगली बार ये पूछ सकते हैं कि बेटा श्याम प्रकाश जी के बेटे कौन थे, क्वेश्चन की फ्रेमिंग अलग हो जाएगी, टॉपिक वही रहेगा, ये कहने का मतलब है। तो अगर आप पी वाई क्यू लगा के जाएंगे तो 60-65% क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ओके, लास्ट 5 ईयर के। तो यहाँ पे आप देखिए, ये पेज नंबर 163 Chapter 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से लिया गया क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको इसकी ये सब जानकारी मिल जाएगी। आगे चलता हूँ, अगला क्वेश्चन है मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू।
तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस या कहिए कि टर्म्स दे रखे हैं और उसको उधर उसने डिस्क्राइब किया। तो कोहिजन किस बारे में बता रहा, कोहिजन बता रहा म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स, उसको हम लोग कोहिजन से डिस्क्राइब करते हैं। तो एक अपोजिट आप टू लिख लीजिए। एडिशन क्या है, एडिशन है वाटर का अट्रैक्शन टूवर्ड्स पोलर सर्फेस, तो बी के अपोजिट आप टू लिख लीजिए। सर्फेस टेंशन क्या है, आप देखेंगे कि वाटर जब लिक्विड फेज में है तब उसके मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा अट्रैक्शन है इन कंपैरिजन टू जब वो गैस फेज में है, तो सरफेस टेंशन डेवलप होती है, सी के अपोजिट आप वन लिख लीजिए। गटेशन क्या है, वाटर लॉस इन लिक्विड फेज, इसको हम लोग वेनलेट से जो हो रहा है वाटर लॉस उसको हम लोग गटेशन बोलते हैं, डी के अपोजिट आप थ्री लिख लीजिए। तो ए टू, बी फोर, सी वन, डी थ्री, ठीक है जी। यही क्वेश्चन नीट 2021 में भी पूछा गया था, सेम क्वेश्चन सेम, और सेम इसका आपका जो ये सीरियल नंबर है कह लीजिए, यही सीरीज नंबर सीरियल नंबर जो भी कह लीजिए जो मैचिंग का है वो भी वही था। कोहिजन म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, एडिशन अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टूवर्ड्स पोलर सर्फेस, सर्फेस टेंशन वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन द लिक्विड फेज मोर देन टू वाटर इन गैस फेज, गटेशन वाटर लॉस इन लिक्विड फेज, पेज नंबर 188 चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से लिया गया क्वेश्चन है आपका। आगे चलते हैं, मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। तो इधर आपके कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम दे रखे हैं और इधर उन्होंने एक्सक्रीटरी ऑर्गन के नाम दे रखे हैं। तो टीनिया में एक्सक्रीशन किससे होता है, फ्लेम सेल से होता है, ए के अपोजिट आप थ्री लिख लीजिए। पैरामीशियम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, बी के अपोजिट आप टू लिख लीजिए। पेरिप्लांटा अमेरिकाना में, पेरिप्लांटा अमेरिकाना में आपकी यूरिकोस ग्लैंड ये आपके बुक में दे रखा है, फोर पे कर लीजिए। हालांकि मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स भी इसमें काम करती हैं। पेरिटीमा होस्टूमा नेफ्रीडिया, इसके अपोजिट आप लिख लीजिए वन। तो थ्री, ए थ्री, बी टू, सी फोर, डी वन, ठीक है जी, ये हो गया आपका आंसर। आगे चलता हूँ, ये चैप्टर फोर से लिया गया, एनिमल किंगडम से लिया गया क्वेश्चन था। अब यहाँ पे जॉइंट्स, टाइप ऑफ जॉइंट, और वो जॉइंट आपको उसका एग्जाम्पल कहाँ कहाँ मिलना है, कार्टिलेजिनस जॉइंट, इसका आपको अगर देखा जाए कार्टिलेजिनस जॉइंट का, तो ये वर्टिब्रल कॉलम में आपको मिलेगा, जो डिफरेंट वर्टिब्रा है बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा उसके बीच में कैसा जॉइंट है, कार्टिलेजिनस जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे मिलता है आपको, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको शोल्डर में मिलता है, हिप में मिलता है। तो यहाँ पे ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डिल, इसका आंसर हो जाएगा बी का टू। फाइब्रस जॉइंट कहाँ मिलेंगे, फाइब्रस जॉइंट पर कोई भी मूवमेंट नहीं होता जरा भी, और फाइब्रस जॉइंट आपको मिलते हैं जो हमारी फ्लैट स्कल बोन है उसमें मिलते हैं, जिनको हम लोग सूचर कहते हैं। तो इनके एजेस आपस में डेंस फाइबर्स रेशो होता है और उनके बीच में इस तरह से जॉइंट बनता है कि वहाँ पे मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, इसके अपोजिट आप लिख लीजिए वन। तो हमारा जो क्रेनियम बन रहा है, ब्रेन बॉक्स, वो इसी से बन रहा है, फाइबरस जॉइंट से। सैडल जॉइंट कहाँ मिल रहा है, सैडल जॉइंट आपको मिल रहा है बिटवीन कार्पल एंड मेटा कार्पल ऑफ थंब, तो इसके अपोजिट आप लिख लेंगे बिटवीन कार्पल एंड मेटा थ्री। तो ए के अपोजिट आपने क्या लिखा था, कार्टिलेजिनस जॉइंट एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच में, ए के अपोजिट आपने क्या लिखा था, कार्टिलेजिनस जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा, ए के अपोजिट टू। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फोर आ जाएगा, बी के अपोजिट फोर आ जाएगा, ए टू, बी फोर, सी वन और डी थ्री, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। आइए आपकी बुक क्या कह रही है, आपकी बुक पेज नंबर 312 लोकोमोशन एंड मूवमेंट, वहाँ पे देखिए बताया गया फाइब्रस जॉइंट क्या है, कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या है, साइनोवियल जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट के टाइप और उसके एग्जांपल दिए हुए। तो पेज नंबर 312 पे ये मेंशन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और ये देखिए मैंने आप लोग के लिए एक फ्लो चार्ट बनाया है, बनाई है ये पॉइंट वाइज आपका, कहिए कि जब आप जॉइंट पढ़ लेते हैं और आप इतना फिर पढ़ के जाएंगे तो आपका काम चलेगा कि फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट कहाँ मिल रहे हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ मिल रहे हैं, साइनोवियल जॉइंट टाइप और कहाँ मिल रहे हैं। तो ये आप प्रैक्टिस डेवलप करिए, जो भी टॉपिक पढ़ लीजिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन PYQ आप लगाइए, MCQ लगाइए और फिर उसको शॉर्ट नोट इस तरह के नोट में उसको आप कर लीजिए तब्दील, ताकि जब आपकी आई नीट के आखिरी दिन आए तब आप उसको आसानी से रिवाइज कर सकें, क्योंकि आखिरी दिनों में आके आप लोग को दिक्कत यही होती क्या पढ़ें क्या छोड़ें कैसे करें, ठीक है जी। तो इसको आप थोड़ा सा, मैं इसको एलेबोरेट इसीलिए कर रहा हूँ थोड़ा सा इसको दिखाने के लिए कि आप इस तरह से पढ़ें, इस तरह से इसके नोट्स बनाएं। तो इस तरह से जब नोट्स बना लेंगे तो आखिरी दिनों में आपको पूरी NCERT नहीं पढ़नी पड़ेगी, आप उसको कंसाइज वे में पढ़ पाएंगे, इस तरह के नोट्स बनाने की प्रैक्टिस जारी है। चलिए आगे चलता हूँ, दो मिनट लिए आपके यहाँ पे।
फिर से आ गया क्वेश्चन मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। तो इधर आपके दे रखे हैं डिजीजेस के नाम, इधर दे रखे हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म किन की वजह से हो रही। तो रिंग वॉर्म किसके वजह से हो रहा, फंगल इन्फेक्शन है। फंगस कौन सा है यहाँ पे, ट्राइकोफाइटन को आप लगा लीजिए टिक, ए के अपोजिट आप लिख लीजिए टू। फाइलेरियासिस किसकी वजह से हो रहा, वुकेरेरिया बेनक्रॉप्टी की वजह से होता है, बी के अपोजिट आप लिख लीजिए थ्री। मलेरिया, मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे वाइवेक्स का जिक्र है, आप सी के अपोजिट लिख लीजिए फोर। निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी आप यहाँ पे लिख रखा है, तो आप हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी को बी के अपोजिट आप वन लिख लीजिए। ठीक है जी, तो ए टू, बी थ्री, सी फोर, डी वन। कहाँ से लिया गया क्वेश्चन है, चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से, और पेज नंबर 145 पे इसके बारे में आपको और जानकारी मिल जाएगी। मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, तो यहाँ पे जीन के नाम दे रखे हैं और उस जीन के प्रोडक्ट दे रखे हैं, जीन के एक्सप्रेशन से क्या बनेगा। लैक ओपेरॉन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो आप जानते हैं जेड वाई ए जीन्स जो हैं ये आपके स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, जेड जीन आई, जीन आई आपका रेगुलेटरी जीन है। ठीक है जी, तो जेड वाई ए, जेड से क्या बनता है, जेड के ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से बनेगा आपका बीटा ग्लाइकोसाइडेज, वाई की वजह से परमिएज और ए की वजह से ट्रांसएसिटाइलेज। ठीक है, तो जेड जीन जेड की वजह से या इसके एक्सप्रेशन से या इस पे हुए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से क्या बन रहा, बीटा ग्लाइकोसाइडेज, वाई से परमिएज, ए से ट्रांसएसिटाइलेज और जीन आई रेगुलेटरी प्रोटीन बनाता है, रेगुलेटरी प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन, इसके अपोजिट आप लिख लेंगे फोर। ये हो गया आपका आंसर। तो पेज नंबर 117 चैप्टर 6 मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से लिया गया क्वेश्चन है, वहाँ से आप देख लीजिए, आपको और जानकारी मिल जाएगी। तो फोविया क्या, थिन आउट पोजिशन, थिन आउट पोर्शन ऑफ रेटिना है, यहाँ पे केवल आपको कॉन्स मिल रहे हैं और विजुअल एक्विटी मैक्सिमम है, तो ये आपका हो जाएगा इसमें से पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट विजुअल एक्विटी और रेजोल्यूशन, ए के अपोजिट आप थ्री लिख लीजिए। आइरिस क्या कर रहा है, विजिबल कलर्ड पोर्शन है आई का, जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है डायमीटर को, बी के अपोजिट वन लिख लीजिए। ब्लाइंड स्पॉट क्या, यहीं से ऑप्टिक नर्व लीव करती है हमारे आई बॉल को, तो ऑप्टिक नर्व यहाँ से निकलती, पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई बॉल एंड फोटो रिसेप्टर सेल्स आर एबसेंट, तो वहाँ पे इमेज नहीं बनती, इसीलिए उसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। सी के अपोजिट आप बोल लीजिए। स्क्लेरा क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, तो द एक्सटर्नल लेयर ऑफ आई फॉर्म्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो डी के अपोजिट आप क्या लिख लेंगे टू। ए थ्री, बी वन, सी फोर, डी टू, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। कहाँ से लिया गया है, तो पेज नंबर 324 चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहाँ पे इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन है, वहीं की ये लाइनें हैं जो मैंने यहाँ पे टाइप कर रखी हूँ, वहाँ पढ़ लेंगे तो इसके बारे में आपको और जानकारी मिल जाएगी। आगे चलिए, फिर से आ गया मैच द कॉलम, तो यहाँ पे ड्रग्स दे रखी हैं और इधर उसके इफेक्ट दे रखे हैं। हीरोइन क्या है, हीरोइन स्लो डाउन कर देता है बॉडी फंक्शन को, डिप्रेजेंट है। मैरिजुआना क्या है, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट डालता है। ठीक है जी, कोकेन क्या है, कोकेन आपका इंटरफेयर करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन। एंड मॉर्फिन क्या है, पोटेंट पेन क्लियर है, एनाल्जेसिक इन नेचर है। तो ये हो गया हमारा मैचिंग, ए के अपोजिट आपने टू लिखा, बी के अपोजिट वन लिखा, सी के अपोजिट फोर लिखा, डी के अपोजिट आपने थ्री लिखा। कहाँ मिल जाएगी जानकारी आपको इसके बारे में, तो पेज नंबर 159 चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज क्लास 12 बायोलॉजी मिलेगी। हीरोइन, हीरोइन रिप्रेजेंट है, स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन। कोकेन ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट, एरिथ्रोक्साइलम कोका, इंटरफेयर्स विद ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। कैनाबिनॉइड्स ग्रुप ऑफ केमिकल्स हैं विच इंटरैक्ट विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स, ऑब्टेन फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट कैनाबिनॉइड सटाइवा। मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, नोन फॉर देयर इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये आपकी बुक की साफ साफ जानकारी और उससे आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है जी, चलूँ आगे। चलिए फिर आ गया लिस्ट को मैच करना, इधर आपके दे रखे हैं क्या हार्मोन और इधर उनके सिक्रीटिंग ऑर्गन या टारगेट ऑर्गन, ये दे रखे हैं, तो कंफ्यूज ना होइएगा क्योंकि इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। सीसी के पीजेड, इसका पूरा नाम पोलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन, और टारगेट ऑर्गन क्या है, पैनक्रियास। गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड, इनिबिट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रीशन को, इसके अपोजिट आप ये लिख लेंगे। आर्टेरियल नेफ्रोटिक फैक्टर, रिलीज करता हार्ट
RTL वॉल रिलीज करती और ADH कौन रिलीज कर रहा है, ADH आपका रिलीज कर रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी और ये किस पे करता है, किडनी पे। ठीक, आइए, एंट्रोगेस्टेरोन दूसरा नाम है गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड GIP का, सिक्रेट कौन कर रहा है, ड्यूडेनल एपिथेलियम सिक्रेट कर रही है जो इनिबिट करती गैस्ट्रिक सिक्रेशन और मोटिलिटी को। एट्रियल नेटोरेटिक फैक्टर कॉज वैसोडाइलेशन, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, देयर बाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ANF मैकेनिज्म देयर फॉर एक्ट एज अ चेक ऑन द एट्रियल ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। एट्रियल नेटोरेटिक फैक्टर कब ये रिलीज होता है, एट्रियल वॉल रिलीज करती है जब ब्लड का फ्लो या ब्लड का कहिए कि वॉल्यूम ज़्यादा ड्रेन हो रहा है किसमें, एट्रिया में, उस समय ये रिलीज किया जाता है एट्रियल मैस्कुलेचर के द्वारा। CC के PZ इसका पूरा नाम पोलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइनिन, सिक्रेट कौन करता है, एपिथीलियम और इंटायर इंटेस्टाइन। गैस्ट्रिक गॉल ब्लैडर को ये स्टिमुलेट कर रहा है टू रिलीज बाइल एंड पैनक्रियाज टू सिक्रेट एंड रिलीज डाइजेस्टिव जूस। और पैनक्रियाज टारगेट ऑर्गन है, पैनक्रियाज को पैनक्रियाज पैक कर रहा और उसको स्टिमुलेट कर रहा है टू सिक्रेट एंड रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन द पैनक्रियाटिक जूस। तो पेज नंबर 262 चैप्टर 16 क्लास 11 बायोलॉजी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से क्वेश्चन लिया गया। ठीक है जी, मिल गया मैच आपका, हो गया, आगे चलिए। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, इस पे आ जाइए। तो इसमें पेप्टिक सेल्स, गॉबलेट सेल्स, ऑक्सेंट्रिक सेल्स, हिपेटिक सेल्स, सेल्स के दे रखे हैं इन्होंने नाम और वहाँ पे उसके फंक्शन कहिए, क्या वो फंक्शन कर रही है, कहाँ पाई जा रही है। पेप्टिक सेल्स क्या करती हैं, पेप्टिक सेल्स प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन सिक्रेट करती हैं। गॉबलेट सेल्स कहाँ मिलेंगी, गॉबलेट सेल्स आपको म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स हैं। ऑक्सेंट्रिक सेल्स क्या करती हैं, ऑक्सेंट्रिक सेल्स सिक्रेट करती हैं SCL इंट्रिंसिक फैक्टर। और हिपेटिक सेल्स क्या सिक्रेट करती हैं, बाइल जूस। ये हो गया हमारा मैच। तो A के अपोजिट आप क्या लिखेंगे, 3, B के अपोजिट क्या लिखेंगे आप 1, C के अपोजिट आप क्या लिखेंगे 4 और D के अपोजिट क्या लिखेंगे आप 2, 3, 1, 4, 2। तो ये आपका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए, तो पेज नंबर 262 क्लास 11 चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से क्वेश्चन लिया गया। मेन स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA आर गिवन बिलो, अरेंज दिस स्टेप। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, DNA आइसोलेट करेंगे, DNA आइसोलेट के बाद डाइजेशन करेंगे, डाइजेशन के बाद सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड अपने जीन का करेंगे, उसके बाद उसको लाइगेट करा देंगे आप किस में, वेक्टर में, और फिर उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे होस्ट सेल में। ये होता तरीका। तो सबसे पहले देखिए, इसने दे रखा आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड DNA फ्रेगमेंट, आइसोलेशन ऑफ DNA मॉलिक्यूल नहीं दे रखा। तो आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड DNA फ्रेगमेंट जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, या आपका ये एलियन पीस ऑफ DNA है या फॉरेन जीन है, उसका आइसोलेशन की बात हो रही, DNA मॉलिक्यूल की नहीं। तो पहला स्टेप यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले आप आइसोलेशन ऑफ DNA करेंगे, लेकिन यहाँ पे आइसोलेशन ऑफ DNA नहीं दे रखा, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड DNA फ्रेगमेंट दे रखा, मतलब जीन की बात कर रहा। तो सबसे पहला स्टेप हो जाएगा कटिंग, क्योंकि जब आप DNA निकाल लेते हैं उसके बाद आप उसका डाइजेशन कराते हैं रिसेप्शन एंड न्यूक्लियस से। तो कटिंग ऑफ DNA पहला स्टेप है, उसके बाद आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड DNA फ्रेगमेंट, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप करेंगे हमारा हो जाएगा एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, और फिर हमारा हो जाएगा इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू होस्ट सेल। तो BCDA इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले कटिंग करी गई, फिर आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड DNA फ्रेगमेंट किया गया, एम्पलीफिकेशन कर लिया जीन का, उसके बाद हमने इंसर्शन कर दिया रिकॉम्बिनेंट DNA का इनटू होस्ट सेल। ठीक है जी, तो BCDA इसका आंसर हो गया। आगे चलता हूँ, तो आखिरी क्वेश्चन आपके नीट 2023 क्वेश्चन पेपर का, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, लेंटिसेल्स आर लैंड शेप्ड ओपनिंग परमिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बिल्कुल ठीक बात है, सेकेंडरी ग्रोथ के बाद लेंटिसेल्स बनते हैं, और लेंटिसेल्स क्या कर रहे हैं, लैंडस्लाइड ओपनिंग है जो परमिट कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। बार्क फॉर्म अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड हार्ड बार्क, हार्ड बार्क नहीं उसको हम लोग सॉफ्ट बार्क बोलते हैं, ये स्टेटमेंट गड़बड़ है। बार्क इज टेक्निकल टर्म, बार्क इज नॉन टेक्निकल टर्म। बार्क रेफर्स टू पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम, जी हाँ, बार्क क्या है, ये हम लोग कहते हैं जी वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जितना भी टिश्यूज है वो बार्क है। तो वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर क्या है, पेरिडर्म और आपका सेकेंडरी फ्लोएम। पेरिडर्म में क्या क्या आ रहा है, पेरिडर्म में आपका फैलम, फैलोजन, फैलोडर्म, तीनों ही चीज़ें मिलकर बना रही पेरिडर्म। तो पेरिडर्म प्लस सेकेंडरी फ्लोएम दैट इज बार्क कह सकते हैं।
फेलोजन इज सिंगल लेयर्ड इन थिकनेस, नो फेलोजन इज फ्यू लेयर्ड इन थिकनेस, नॉट सिंगल लेयर्ड इन थिकनेस। तो ये स्टेटमेंट भी गड़बड़ है। स्टेटमेंट कौन से ठीक है, ए और डी ठीक है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कहाँ दे रखा है आपकी बुक में, एनसीईआरटी में पेज नंबर 97 चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में ये दे रखा है। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन पेपर का, नीट 2023 क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन हुआ कंप्लीट। आपके आने वाले नीट के लिए आपको बेस्ट विशेस। तो ये आप जो तैयारी कर रहे हैं नीट 2024 की, एटलीस्ट आप पिछले 4 से 5 साल के नीट के क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए और डिटेल में लगाइए। केवल उसकी जो क्वेश्चन पूछा गया है, केवल उत्ता पढ़ के जाने से बात नहीं बनेगी, उस टॉपिक को आप डिटेल में पढ़िए। क्योंकि वही टॉपिक, जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन था वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग, तो केवल वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग पढ़ के जाएंगे तो काम नहीं बनेगा। आपको क्या पढ़ के जाना है, आपको डिफरेंट जो आपके दे रखे हैं वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़, उन सबको पढ़ के जाना है। इस बार वाइटल कैपेसिटी से आया, अगली बार हो सकता है आपको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पूछ लिया जाए, या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पूछ लिया जाए, या टाइडल वॉल्यूम पूछ लिया जाए, या रेसिडुअल वॉल्यूम पूछ लिया जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि वाइटल कैपेसिटी ही पूछा जाए। वाइटल कैपेसिटी कभी भी हम लोग कहते हैं PYQ लगा लीजिए, तो आप कैपेसिटीज़ और वॉल्यूम्स वाला पूरा लगा के जाइए तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है? इस तरह से मैं कहना चाहता हूँ आपको बात। अब उसमें देखिए, जो एक क्वेश्चन और कोई देखते हैं हम लोग, जिससे आपको और क्लियर ये हो जाएगा कि बेसिकली, अब जैसे ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन, ये देखिए ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हर साल आता है। अब ग्लाइकोलिसिस में आप केवल ये पढ़ के चले गए कि ATP यूज्ड एट 2 स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस, फर्स्ट ATP कहाँ यूज हुई, सेकेंड ATP, तो बेटा बात नहीं बनेगी। आपने जब PYQ लगाना है तो जो टॉपिक है उसका आप नोट कर लीजिए, इस टॉपिक से आया, और उस टॉपिक को फिर डिटेल में पढ़ लीजिए, तब आपका काम बनेगा। 60-70% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है भाई? बिल्कुल ही नकल टीप दें वो तो बात बनेगी नहीं ना, फिर तो हर कोई कर लेगा, कैसे बनेगी बात? बिल्कुल 100% हो, पिछले 4-5 साल के केवल वही क्वेश्चन दे दें, उससे बात नहीं बननी ना, कुछ तो आपको अलग से देंगे। अब जैसे ये वाला है इंटरेक्शन वाला, इंटर स्पीसीज इंटरेक्शन, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, इसके क्वेश्चन जरूर आता है ऑन एन एवरेज, हर बार हर साल आता, लेकिन अलग तरह से पूछा जाता है, इस बार भी क्वेश्चन आया। अब ये वाला जब आप टॉपिक लगाइए तो पूरा टॉपिक पढ़ के जाइए, उससे हो सकता है ये आपसे इंटरेक्शन डायरेक्ट पूछ ले कि भाई किस तरह से आप डिस्क्राइब कर रहे हो इंटरेक्शन, या आपको उसके उदाहरण कोई पूछ ले एग्जाम्पल, तो क्वेश्चन तो आना, ठीक है जी? आगे और देख लीजिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आपका कॉन्ट्रासेप्टिव से क्वेश्चन जरूर आता, हर साल आता, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कॉन्ट्रासेप्टिव जरूर पढ़िए। ये और कोई इस तरह का अगर आपको देखने को मिले, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से क्वेश्चन जरूर आते हैं, आने अलग अलग तरह से पूछ लिए जाते हैं। सारे क्वेश्चन के डिस्कशन के बाद सेल साइकिल सेल डिवीजन से, तो ये आपका जो पर्टिकुलर एक पैराग्राफ है जिस पैराग्राफ में मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेस फर्स्ट की सब डिविजन्स को, सब कैटेगरी सब फेजेस को डिस्क्राइब किया गया है, वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना, हर साल आता। इस साल भी मैंने जब वीडियो डाली थी कि भाई नीट 2023 में क्या आएगा क्वेश्चन, तो उसको मैंने बोला था, वहाँ से देखिए 3 या 4 क्वेश्चन आए आपको, ठीक है जी? तो करिए तैयारी, मिलता हूँ ब्रेक के बाद, गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। थायरॉयड हार्मोन के लिए तो मैंने प्रिडिक्शन करी थी कि इस बार थायरॉयड से ही क्वेश्चन आएगा, कहें तो उसका लिंक डाल दूँ और आप देख लीजिए, मैंने पहले ही बोला था कि इस बार थायराइड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन ये थायराइड से रिलेटेड आया। चलिए इतना काफ़ी, मिलते हैं ब्रेक के बाद, गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।